आपके पास बोर्ड नोट्स नहीं है चिंता मत करना मैं इसको अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा ठीक है सो दैट आप इसका लुफ्त उठा सकते हो ठीक है तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा मेरे बोर्ड नोट्स वहाँ से यू कैन डाउनलोड ठीक है तो ये मैंने कन्सेप्ट नोट्स खोल लिए ये रहे मेरे बोर्ड नोट्स रेडी ठीक है आप इस वाले सेशन में हम क्या करेंगे हम सारे कंसेप्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डिटेल में रिवाइज है ना और टिल डेट जितने भी सी एफ एस के छोटे बड़े सारे क्वेश्चन है वो हम सब इसमें कवर करने का ट्राई करेंगे ठीक है तो आपको मजा आ जाएगा ओके ठीक है तैयार हो तो विदाउट वेस्टिंग एन ए टाइम हम फटाफट से शुरू करेंगे ठीक है ये सब चालू करने के पहले वापस बता दूं जो भी रेलिवेंट नोट्स हैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ठीक है उसके अलावा <coughs> जब मैं रिवाइज करा रहा हूँ जब मैं रिवाइज कराऊंगा देर विल बी टू थिंग्स इन योर केस आपको कुछ चीजें याद आएगी जो याद आ गई ग्रेट जो याद नहीं आई उसको मार्क करना क्योंकि रिविजन में आपको उसी पर ज्यादा फोकस करना है ठीक है उसके अलावा जब मेरा पूरा रिवाइज करा के हो जाए क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ठीक है तो ऐसा मत सोचना कि रिवाइज करा के हो गया तो सर हो गया क्या अब कुछ करना नहीं है नहीं 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 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है यू हैव टू हैव हैव टू टू राइट एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस मानते मानते हो ये बात हैं सर ठीक है और अब इतना सब करने के पहले सब्सक्राइब किए भी ना आ ले बाबू ले 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 ना 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 सब्सक्राइब करना और अपनी अटेंडेंस लगा दो वीडियो को लाइक कर कर टारगेट करते हैं कि आप सब मिलके एटलीस्ट दो सौ तीन सौ चार सौ पाँच सौ लाइक कर देना तो मजा आ जाएगा ठीक है चलो एक ही बार दबाना दो बार दबाओगे तो वो खत्म हो जाता है <laughs> चलो ए चलो ये सब टाइम पास की बात है छोड़ के फटाफट से हम शुरू करते ध्यान रखना है रिविजन मोस्टली एग्जाम पॉइंट रहता है तो जो भी काम की चीजें मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा जैसे कुछ कुछ चीजें होगी जो अपने लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है तो मैं फटाफट से बता के आगे निकल जाऊंगा बट जो रेलिवेंट है उस पर बहुत ज्यादा अपन डिटेल में बात करेंगे ठीक है चलो आ जाओ सो लेट्स स्टार्ट द रिविजन इन थ्री टू वन एंड सबसे पहला इंडेस का नंबर 110 नाम क्या है सीएफएस अकाउंटिंग फॉर सब्सिडरी अच्छा इसका बहुत हाई लेवल का लिंकेज है इंडेस 103 के साथ किसके साथ इंडेस 103 के साथ ठीक है अच्छा 103 में हम कौन सा वाला सीएफएस पढ़ते बताओ फटाफट से डे वन का सीएफएस पढ़ते हैं 103 के अंदर बराबर अगर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन का सीएफएस पूछा है तो हम 103 में चले जाते हैं लेकिन जब जब हम ईयर एंड के सीएफएस की बात करते हैं तो हम ऐसा पुदक के जब मार के कहा से आ जाते हैं 110 के अंदर आ जाते हैं ठीक है ठीके? चलो अच्छा हो सके जब मैं सवाल पूछूं जब आप टाइप करके आप दोगे चैट बॉक्स में तो और ही मजा आ जाएगा ठीक है चलो तो हम वन वन जीरो में सी एफ एस की बात करते हैं ठीक है अब जब आप ईयर एंड का सीएफएस बनाओगे तो अपने को कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है बेसिकली उसको मैं स्टेप्स स्टेप्स बोलता अब ये हमको क्यों फॉलो करने पड़ते हैं दिक्कत ये है कि जब आपने डेट ऑफ एक्विजिशन पे कैलकुलेशन किए थे ना तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था गुडविल और जीबीपी का ठीक है क्योंकि ये ये जो गुडविल जीबीपी आया है डे पे पे मैं ईयर एंड भी एग्जिस्ट करेगा बट बड़ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इसका डेटा अवेलेबल नहीं होता है बराबर तो हमने जो डे वन पे कैलकुलेशन किए थे वो हमको दोबारा परफॉर्म करने पड़ते हैं इसलिए हम वन में दोबारा स्टेप्स फॉलो करते हैं क्या फॉलो करेंगे दोबारा से स्टेप्स फॉलो करेंगे तो पहले मैं स्टेप्स का ओवरव्यू लूंगा उसके बाद स्टेप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लूंगा और फिर क्वेश्चन करेंगे आ जाओ सबसे पहला अपना प्रोसीजर फॉर कंसोलिडेशन क्या है इधर आ जाना इधर आ जाना देखो सबसे पहले वन जीरो थ्री में कितने स्टेप्स होते थे छह स्टेप बराबर इसमें से पहले दो स्टेप उड़ा देने का आप चाहो तो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है तो वन वन जीरो में हम स्टार्ट करेंगे पीसी से तो जो वहां का स्टेप नंबर थ्री था वो यहाँ का स्टेप नंबर वन बनेगा पीसी फिर हम ढूंढेंगे आई एन ए फिर हम ढूंढेंगे एनसीआई और फिर हम ढूंढेंगे गुडविल यहां मैं एक और स्टेप जोड़ दिया करता हूं स्टेप नंबर कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी ऐसा कुछ याद है आपको यस सर अच्छा अब इसी को विस्तार में बात करता है। सबसे पहले पीसी कैसे मिलेगा तो पीसी निकालना अपन ने 103 में सीख लिया है उसमें कैश शेयर्स डेफॉल्ट कंसिडरेशन कंटेजन कंसिडरेशन प्री वाला एसबीपी ये सब आता है हमको पता है ये सब चीजें बट कभी कभी हमको क्वेश्चन में इतना सारा डेटा देगा नहीं तो कभी कभी पीसी आपको इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को देखकर मिल जाएगा आपको पता ना बैलेंस शीट में पेरेंट के एसएफएस के अंदर एसएफएस के अंदर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी दिख रहा होता है कभी-कभी पीसी -कभी का अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी होता है कभी-कभी दिया हुआ रहेगा बट उस पर अपन चर्चा, चर्चा करेंगे विस्तार में ठीक है तो ये पीसी हो गया उसके बाद हमको चाहिए आईएनए 103 में आईएनए कैसे निकाल देते हैं इस तरीके से निकलता था वन वन में निकालने का तरीका अलग है बस उसी चर्चा करूंगा सर क्या है तरीका चलो ये रिविजन है तो आपको थोड़ा बहुत तो पता रहेगा इधर हम इक्विटी शेयर कैपिटल किसका सब्सिडरी का उसके अलावा अदर इक्विटी किसका सब्सिडरी का इस तरीके से निकालते आए ने अच्छा अदर इक्विटी में दो दो बाइफिकेशन करते हैं प्री एक होता है पोस्ट जो प्री वाला अदर इक्विटी होता है और ये जो इक्विटी कैपिटल होता है ये दोनों मिला के आई बनता है ये पोस्ट वाला दो लोग के अंदर बढ़ता है पेरेंट और एनसीआई के अंदर पता है ये चीज पता है सर हम लोग को ध्यान रखना ठीक है चलो तो इस पे चर्चा करूंगा मैं एग्जांपल कराऊंगा डोंट वरी फिर ये हमारा स्टेप नंबर टू था फिर आएगा स्टेप नंबर थ्री एनसीआई अब एनसीआई अपन

तो आप सी एफ एस कब का बनाते हो मेरे निकालते हैं सर डेट ऑफ एक्शन में फर्क क्या होता है वही हम चीज आगे बट दो निकलता है ना डे वन पे निकालने के दो मेथड होते हैं एक फेयर वैल्यू मेथड एक पीएसएनए मेथड याद है ना याद है सर, आगे। फिर आएगा स्टेप नंबर फोर गुडविल जीबीपी पी सी प्लस एनसीआई प्लस, प्लस प्रीवियसली हेल्ड अगर कुछ रहेगा तो बराबर माइनस आई ने तो मिलेगा गुडविल अब ये गुडविल डेट ऑफ एक्वेशन का मिलेगा हमको गुडविल एक्विजिशन नहीं चाहिए हमको ईयर एंड का चाहिए तो डे वन और ईयर एंड के गुडविल में फर्क क्या रहेगा इंपेयरमेंट का तो अगर क्वेश्चन में इंपेयरमेंट वगैरह है तो फिर हम वो लेस करेंगे तब जाके हमको गुडविल मिलेगा ईयर एंड का ये हमने ये गुडविल निकालने के लिए इतनी मेहनत करी वापस से ठीक है ध्यान रखना उसके अलावा अपना स्टेप नंबर फाइव आएगा दैट विल बी कंसोलिडेटेड अधर इक्विटी इसमें क्या रहेगा इसमें हम शुरुआत करते हैं पेरेंट के अधर इक्विटी के साथ और उसके बाद जो भी पेरेंट के प्रॉफिट लॉस में ऊपर नीचे हुआ वो सब एडलस्ट करते हुए चलते हैं ठीक है थीके? ये मैंने बेस आइडिया दे दिया आपको कितने पांच स्टेप करने होते अपने को वापस से पीसी आई एन ए एनसीआर दो बार फर्स्ट डेट ऑफ एक्वेशन सेकंड ईयर एंड फिर गुडविल फिर कंसो अदर इक्विटी ठीक है ये बेसिक स्टेप्स हो गए अब अपन समझेंगे इसको एक्जाम्पल से बट मैंने आपको पता है सी में एक और एंट्री करवाई थी सबसे पहले जब एक तरीका होता है सी बनाने का डायरेक्टली डायरेक्टली कैसे बनता है सर हम नॉर्मली सी में एंट्री क्या मतलब टेक ओवर की तो हम बोलते हैं आई अकाउंट डेबिट जो भी नेट असर टेक ओवर किया वो टू जो भी पीसी पे किया वो टू एनसीआई और डिफरेंस गुडविल जीबीपी देखो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने वन जीरो थ्री पढ़ रखा वन जीरो थ्री पढ़े बिना तो आमत जाना क्योंकि मैं वो अजमशन लेकर चल रहा कि वन जीरो थ्री आता है आपको क्योंकि उसके बिना वन वन जीरो कर नहीं सकते ध्यान रखना ठीक है तो आई एन ए टू पी सी टू एन सी डिफरेंस गुडविल जीबीपी आ जाता है अब ये तब होता जब आप CFS बना लेकिन जब आप सी एफ एस बनाते हो SFS, तो दिक्कत होती है कि आपने SFS में एंट्री मार रखी है PC. SFS में क्या करते हैं? तो आप दोबारा पीसी रिकॉर्ड नहीं करते क्यों क्योंकि पीसी तो एस एफ एस में रिकॉर्डेड है और जो चीज एस एफ एस में ऑलरेडी है वो सी एफ एस में अपने आप आ जाती है। तो हम टू पीसी करते हम क्या करते हैं इंस्टूड ऑफ रिकॉर्डिंग पीसी

अंशिका जेके ध्रुव वेरी गुड चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं इसी बात पे <coughs> अब ये सबको बेटर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल करेंगे ठीक है प्यारे प्यारे मीठे मीठे हर एग्जाम्पल में अपन कुछ नया सीखेंगे आ जाओ ये जो एग्जाम्पल मैं सिखा रहा हूं मैं आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में बात करूंगा मेनली ठीक है ध्यान रखना चलो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर वन क्या बोलता है दो कंपनी पी और एस ठीक है POS, दोनों का एस एफ एस आपको दे रखा है मैंने अच्छा ये ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी क्या दे रखा है ठीक है बट इन्वेस्टमेंट कभी किया है थर्टी फर्स्ट मार्च सेवनटीन को किया हुआ है अपने को बैलेंस शीट भी कब का दिया हुआ अच्छा, मतलब है ना तो एक्चुअली ये क्वेश्चन का, का नहीं बट स्टिल मैं ये क्वेश्चन लेकर आऊ ताकि थोड़ा बेसिक चीज समझ सके सेवेंटी फाइव परसेंट मेरा स्टेक है तो ट्वेंटी एनसीआई होगा ठीक है अब बोलता है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च सेवेंटीन कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले अपना होता है स्टेप नंबर वन दैट ज पीसी सर पीसी कैसे मिलेगा मैंने क्या कहा था पीसी ना दिया हो तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट को पीसी मान लेना ठीक है तो अपना पीसी रहेगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पहला चीज सेकंड चीज स्टेप नंबर टू क्या चाहिए अपने को आई एन चाहिए आई एन एस चाहिए सब्सिडरी का चाहिए तो एक तरीका थ्री वाला. वाला तरीका आप यहां फॉलो कर सकते हो क्यों क्योंकि आप यहां क्या बोलोगे असेट माइनस लाइबिलिटीज जितने भी डेटा दिया हुआ है आपको असेट लाइबिलिटी का वो डेटा वैक्शन का ही दिया हुआ है तो आप असट मैंने लाइबिलिटी कर सकते हो तो कितना आएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड वन वे ऑफ कंप्यूटिंग द आई एन ऑफ सब्सिडी एक और तरीका है वन वन जीरो वाला अब वन वन जीरो वाला तरीका क्या है आप बोलोगे यार ऐसे कान पकड़ू अच्छा ऐसे भी पकड़ सकते हो दैट इज इक्विटी प्लस अदर इक्विटी इससे भी आपको सेम आई मिलेगा ठीक है तो हम बोलेंगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड कैसे भी करो आपका आंसर आ रहा है तो मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ यह सिखाया था कि अगर आप वन जीरो से भी निकालो या वन वन जीरो के तरीके भी से निकालो आपका आईने सेम आता है ठीक है फिर बस वही बाकी स्टेप नंबर थ्री एनसीआई है स्टेप नंबर गुडविल है स्टेप नंबर फाइव अधर इक्विटी में सिर्फ पेरेंट का अधर इक्विटी आएगा और मैं बैलेंस शीट बना दूंगा बैलेंस शीट में एक और चीज नया सीखना है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाते देखो पीसी रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है पीसी एस में ऑलरेडी आ चुका था तो सी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा बस इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट कर देना तो इस क्वेश्चन में दो चीज सिखाई सबसे पहले बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा दूसरा अपना आई एन ए दोनों मेथड से सेम आता है तो आप जब बोलोगे दोनों से सेम आता है तो सर ये वन वन जीरो वाला क्यों याद रखे वन जीरो थ्री वाला फॉलो कर लेंगे ना हर क्वेश्चन में इतनी लग्जरी नहीं होगी आपके पास यहां क्या था यहां डेट ऑफ एक्वेशन ईयर एंड था तो अपने पास जो बैलेंस शीट में असल दिया हुआ है उससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो आई एन ए लेकिन अगर आपने साल के बीच में एक्वेशन किया है या साल के फर्स्ट डे पे एक्वेशन किया है तो आप ये वाले आई एन ए से नहीं निकाल पाओगे आपको इक्विटी प्लस अदर इक्विटी करके निकालना पड़ेगा ध्यान रखना क्लियर है वाला पार्ट ओके चलो अब एग्जाम्पल नंबर टू पे आते हैं अपन देखो मैं इस स्पीड पर जाऊंगा आई होप मैं मतलब आपको समझ रहा सब कुछ ठीक है जहां रिक्वायर्ड रहेगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बट जहां इजी रहेगा अपन फटाफट करते हुए चलेंगे आई होप द स्पीड इज प्रॉपर विद एवरीवन क्लियर चलो आगे एग्जांपल नंबर टू अब एग्जाम्पल नंबर टू में क्या बोला गया सुनना इन्वेस्टमेंट किया हमने एट्टी परसेंट तो इस केस में एनसीआर कितना होगा एनसीआर ट्वेंटी परसेंट होगा सर कोई दिक्कत नहीं है सर अब इसमें क्या हुआ है इन्वेस्टमेंट हमने साल के फर्स्ट डे पे किया है आप देखना ध्यान से बैलेंस शीट ईयर एंड की दी हुई है इन्वेस्टमेंट साल के फर्स्ट डे पे किया हुआ है ठीक है तो क्या इस केस में आई एन एसेट माइनस लाइबिलिटी ऐसे करके निकाल सकते हो क्या द आंसर इज नो सर ऐसे क्यों निकाल सकते क्योंकि आप जो आई निकालोगे ना इस तरीके से वो ईयर एंड का आई होगा

सबसे पहले सब्सिडरी का ठीक है हम मानेंगे जो कैपिटल आपका डे वन पे था वो एंड पे था तो इसमें कोई चेंज नहीं है ये पूरा का पूरा आपका आई का पार्ट बन जाएगा दूसरा आपका करेगा अदर इक्विटी अदर इक्विटी ऑफ सब्सिडरी अब से अदर इक्विटी को दो पार्ट में बांटना पहला है प्री

चार प्री में चला गया तो पोस्ट में आएगा बैलेंसिंग फिगर 2000 रुपीस। तो ये दो चला जाएगा अब फिलहाल यहां कोई दूसरे एडजस्टमेंट नहीं है तो आप बोलोगे टोटल आई एन एबिट रखना टोटल आई एन एज नॉट आपका इक्विटी कैपिटल प्लस प्री ये दोनों मिला के आपका टोटल आई बनता है

ठीक है तो हमने क्या फॉलो करना शुरू किया हमने वन वन जीरो का तरीका फॉलो करना शुरू किया इक्विटी कैपिटल लिया अदर इक्विटी लिया प्री पोस्ट में बांट दिया ठीक है तो ओपनिंग प्री ये दिया हुआ था अपने को और पोस्ट में दो हज़ार है।, है ये आपके आईने मतलब कितना होगा टेन प्लस फोर फोर्टी और पोस्ट में आपका कितना आ जाएगा टू थाउजेंड में बटेगा पेरेंट एनसीआई के अंदर पेरेंट का जाएगा स्टेप नंबर फाइव में एनसीआई का जाएगा स्टेप नंबर थ्री के बी में थ्री के बी क्यों क्योंकि एनसीआई दो बार निकालते हो एक डेट ऑफ एक्वेशन का और एक ईयर एंड का बराबर सर डेट ऑफ एक्वेजन का कैसे निकाला आपने पी एस एन ए मेथड जो आई एन ए आया उसका प्रोपोर्शन ठीक है सर ईयर एन पे कैसे निकाला आपने ये ओपनिंग लिखा प्लस जो भी एनसीआई का हिस्सा था चार सौ रुपया वो ऐड किया बराबर तो मुझे ये मिल गया एनसीआई ऑन ईयर एंड सर दो दो क्यों निकाला आपने ये दो की शक्ति क्यों निकाली आपने क्योंकि जो पहला वाला एनसीआई है वो गुड़विल के लिए काम आएगा और दूसरा वाला जो एनसीआई है वो ईयर एंड के सीएफएस के लिए काम आएगा ठीक है अब जब गुड़विल निकालोगे एक मिस्टेक करोगे सुनना जब आप लिखोगे पीसी प्लस आप करोगे एनसीआई तो ये डे की तरह एनसीआई ईयर एंड का मत कंसिडर कर लेना गुडविल में डे वन का एनसीआई कंसिडर करना है मैक्सिमम लोग इसलिए मिस्टेक करते लिख भी रखा है आई विल मेक मिस्टेक ईयर करना मत फिर आप बोलोगे माइनस आई ने आपको मिलेगा गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ठीक है फिर इंपेयरमेंट है नहीं तो यही रहेगा गुडविल ईयर एंड का अब देखो स्टेप नंबर फाइव पेरेंट का आधर इक्विटी कॉपी किया और जो सब्सिडरी के प्रॉफिट में पेरेंट का हिस्सा था वो अपने ऐड किया आपका हो गया अदर इक्विटी दैट्स इट ये सब डेटा लेके आप बैलेंस शीट बना लेना ठीक है ध्यान रखना बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एलिमिनेट आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन गाइस ये हमने एग्जांपल नंबर टू में सीखा था मतलब एग्जांपल नंबर टू में हमने नया क्या सीखा हमने ये प्री पोस्ट करना सीखा प्री आईने का पार्ट बनेगा पोस्ट दो लोग के अंदर बटेगा ये हमने सीखा है क्या सब लोग को यहाँ तक क्लियर है मेरे हीरो लोग मेरे क्यूटी क्यूटी हीरो लोग एकदम क्लियर है सर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं टेंशन मत लो बोर्ड नोट्स डाल दूंगा आपके पास नहीं है तो ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री क्या बोलता बोलता है है ऑल आर सेम एज नंबर एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन साल के बीच में investment किया है किसी को याद है क्या जब आप साल के बीच में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फर्क क्या पड़ेगा देखो इन्वेस्टमेंट साल के बीच में किया है लेकिन अदर इक्विटी डे वन का दिया हुआ है तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ वेरी गुड आंसर सर इधर आएगा आपका टाइम एडजस्टमेंट वेरी गुड सबसे पहले जैन आंसर क्या है इधर क्या आएगा टाइम एडजस्टमेंट आ जाएगा सर अब देखो कैसे करेंगे सुनना सबसे पहले पीसी तो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को देखकर मिल जाएगा फिर आप आओगे आई के अंदर ठीक है इक्विटी कैपिटल वही है अदर इक्विटी में प्रॉब्लम पता है क्या है अपने पास जो ओपनिंग अदर इक्विटी है वो डे वन का दे रखा है मुझे डे वन का चाहिए ही नहीं मुझे वन टेन का चाहिए अच्छा तो जब डे वन का आपने यहां प्री में लिखा तो पोस्ट में प्रॉफिट बारह महीने का है अब बस एक एडजस्टमेंट करना है प्री में वन फोर नहीं वन टेन तक का बैलेंस आना चाहिए मतलब छह महीने का प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए पोस्ट में बारह नहीं छह महीने का प्रॉफिट आना चाहिए तो पोस्ट में छह महीने का प्रॉफिट बाहर करना पड़ेगा अपने को इसका मतलब आप छह महीने का जो प्रॉफिट है वो पोस्ट से निकालकर प्री में ट्रांसफर करोगे वापस ऐसा क्यों किया पोस्ट में छह महीना ही होना चाहिए अभी बारह महीना दिख रहा है बाहर निकालो महीना प्री में वन फोर वन तक होना चाहिए तो छह महीना ऐड करो तो इसलिए हम करेंगे टाइम एडजस्टमेंट और ये हम तब करते जब हम अज्यूम करते दैट दोफिट ऑफ अक्रूड इवनली द ईयर तो दो को छ बाय करोगे पोस्ट में करोगे लेस प्री में करोगे एड पोस्ट में करोगे लेस प्री में करोगे एड अब ये जो प्री है ये आपके आई का पार्ट बनेगा मतलब इक्विटी कैपिटल प्लस प्री वाला ये आपका आई बन जाएगा और ये वन थाउजेंड दो के अंदर बढ़ जाएगा पेरेंट और एनसीआई यस दिस सर बाकी सब कुछ सेम है बाकी आपका एनसीआई निकलेगा दो बार गुडविल कंसूर इक्विटी बना देना बैलेंस शीट तो इस वाले में हमने नया क्या सीखा एग्जाम्पल नंबर थ्री में हमने नया क्या सीखा एग्जाम्पल नंबर थ्री में हमने नया सीखा है टाइम एडजस्टमेंट करना और ये कब करते हैं जब आपको अधर इक्विटी किसी और दिन का दिया है जबकि आपको चाहिए किसी और दिन का तब करते हैं ये चीज क्लियर ध्यान रखना सर चलो आगे बढ़ जाते हैं सर अब हम आएंगे एग्जाम्पल नंबर क्यूडी क्यूडी फोर की तरफ सब लोग क्लियर है यहां तक मेरे हीरो लोग क्लियर है सर एग्जाम्पल नंबर फोर पे आ जाते हैं अब फोर में क्या है देखो सब कुछ सेम रखा है मैंने बस ये छोटा सा फर्क है छोटा सा फर्क क्या है सर

पोस्ट कितना 2000 कहां से आया ऊपर देखो ना ठीक है अच्छा अदर रिजर्व्स का ओपनिंग पूरा का पूरा प्री में आ जाएगा पोस्ट में कुछ नहीं आएगा ठीक है तो ये हो जाएगा 4000 ये हो जाएगा 2000 कहानी खत्म नहीं हुई ये जो बैलेंस लिखे ना ये 1417 के बैलेंस है जबकि प्री में 1117 का बैलेंस चाहिए बराबर क्यों 1117 का क्योंकि डेट ऑफ इक्वेशन 1117 है तो बताओ क्या करना पड़ेगा अब दिल पे हाथ रख के जो दिल तुम किसी को दे बैठे हो बता दो वेरी गुड करना पड़ेगा टाइम एडजस्टमेंट सर कितने महीने का छह महीने का टाइम एडजस्टमेंट हमेशा पोस्ट के प्रॉफिट पे लगाना तो पोस्ट का प्रॉफिट दो हजार इंटू छ बाय बारह सर छः बाय बारह क्यों क्योंकि प्री में छह महीने का प्रॉफिट और चाहिए अपने को तो छः बाय बारह तो जो भी हजार रुपये आएगा वो प्री में एड पोस्ट से लेस बस इतना अपने को करना है तो इसमें मैंने नया क्या सीखा इसमें मैंने नया ये सीखा कि जब 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 जब

आ जाए मीठा मीठा एग्जाम्पल कर ले अब इसमें नया क्या देखते हैं तो बैलेंस शीट दिया हुआ है ठीक है अपने को सब डेटा दिया हुआ है सब कुछ सेम है इन्वेस्टमेंट भी आपने सॉरी अक्टूबर में किया फर्स्ट अक्टूबर कोई दिक्कत नहीं है ओपनिंग बैलेंस अगर इक्विटी का दिया हुआ है फोर थाउजेंड कोई दिक्कत नहीं है कहानी में ट्विस्ट यहां आ जाता है ऑन फर्स्ट नवंबर एस लिमिटेड पेड अ डिविडेंड एट द रेट टेन परसेंट एस भाई साहब ने डिविडेंड दे दिया टेन परसेंट नाउ टेन परसेंट ऑफ वॉट हमेशा शेयर कैपिटल पे लगाना टेन परसेंट डिविड इज ऑलवेज पेड ऑन शेयर कैपिटल बराबर तो एस का कैपिटल है टेन थाउजेंड उसका टेन परसेंट आ जाएगा आपका हजार रुपया तो सब्सिडी ने भरा हजार रुपए का डिविडेंड ठीक है पेरेंट हैज हैज सॉरी डिविडेंड पेरेंट कंपनी इन इट्स ओन अदर इक्विटी सब्सिडी ने भरा मरा डिविडेंड पेरेंट ने उसको मस्त मस्त रिकॉर्ड कर लिया तो क्या करना है हम मानेंगे सब्सिडी अपने एस एस में रिकॉर्ड कर चुका है पेरेंट अपने SFS में रिकॉर्ड कर चुका है इसको बोलेंगे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन से दरखास्त कर देना, good, ohm, कर देना। सुन लो पहले मैं समरी दे रहा हूँ और फिर इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा एलिमिनेशन कैसे करेंगे देखो सब्सिड्री ने जब पे किया रहेगा तो उसके रिजर्व कम हुए रहेंगे आज जब एलिमिनेट करोगे तो उसके रिजर्व बढ़ाने पड़ेंगे बराबर तो सब्सिडरी के पोस्ट वाले रिजर्व में आप ऐड करोगे हजार रुपया वापस से। जब सब्सिडी ने पे किया होगा तो उसके रिजर्व कम हुए रहेंगे बराबर आज उसको एलिमिनेट करना करना है है तो ऐड बैक करना पड़ेगा हजार रुपया। पहला दूसरा अब ये जो प्रॉफिट ये दोनों ने रिकॉर्ड किया रहेगा पेरेंट और एनसीआई पेरेंट एट्टी परसेंट है एनसीआई ट्वेंटी परसेंट है बराबर तो पेरेंट और एनसीआई के लिए इनकम होगी उनके रिस्पेक्टिव एस एफ एस में सी एफ एस में इनकम को एलिमिनेट करने के लिए लेस करना पड़ेगा तो कितना सिक्सटीन हंड्रेड पेरेंट लेस करेगा और फोर हंड्रेड लेस करेगा कहां से पेरेंट अपने स्टेप नंबर कंसो इक्विटी से कम करेगा और एनसीआई वाले एनसीआई से कम करेगा ठीक है बस तो ये रहा इसका लॉजिक इंटर कंपनी मान के कर देना एलिमिनेट ये तब करना है जब उन्होंने डिविडेंड की एंट्री वगैरह मार रखी है इज दिस क्लियर टू एवरीवन ठीक है बस इसी का अपन इफेक्ट देते हैं अब इसमें एक सवाल और आता है कि सर जब आप सब्सिडरी के पोस्ट में ऐड करोगे तो कहां ऐड करना है तो मैंने बताया था टाइम एडजस्टमेंट के पहले एक ही एडजस्टमेंट आता है वो है डिविडेंड तो सब्सिडरी के पोस्ट वाले में आप ऐड करोगे टाइम एडजस्टमेंट के पहले बराबर तो जो भी रिजर्व है प्री पोस्ट का लिखा डिविडेंड आपने ऐड बैक किया और फिर जो बचा हुआ रिजर्व है उस पर आप लगाओगे टाइम एडजस्टमेंट ठीक है तो ये प्री वाला जाएगा फिर आई एन में पोस्ट वाला बटेगा दो लोग में ये पहला इफेक्ट हुआ पहला इफेक्ट क्या हुआ सब्सिडी के पोस्ट में एडबैक किया दूसरा दूसरा अच्छा मैंने भूल से गलत अमाउंट ले लेवर ले का सॉरी 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 ये हो जाएगा एट हंड्रेड फोर हंड्रेड मैंने मान के ले लिया सॉरी ये हो जाएगा एट हंड्रेड जाएगा, जाएगा 200 बराबर तो वो 800 हंड्रेड के कंसोड से कम करेंगे और 200 हंड्रेड एनसीआई के ईयर एंड से कम करेंगे जजबातों को समझो मेरे जजबातों को ठीक है हाँ बाकी लोग सोच रहे हैं सर सोलह सौ कहाँ से आ गया एनी थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग एवरी चलो तो अब अपन एनसीआई में देखो इन वाले में से कम किया मैंने कितना टू और कंसो अदर इक्विटी में जो पेरेंट का शेयर है वो मैंने कम किया एट

पी लिमिटेड एक्वायर्ड हंड्रेड परसेंट ऑफ एस ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेल्व फॉर रुपीज सिक्स फिफ्टी करोड़ ठीक है तो पी ने इसको एक्वायर किया अब है ना अब तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए वहां किधर भी फेयर वैल्यू का बात नहीं था हम मान रहे थे कि कैरिंग अमाउंट ही फेयर वैल्यू है बराबर अब यहाँ क्या है ये डेट ऑफ एक्शन है और यही ईयर एंड ऐसा मान लेना मेरा मतलब मेरा डेट ऑफ इज इक्वल टू ईयर एंड तो मेरा आई एन जो है वो वन जीरो थ्री से निकल सकता है ठीक है तो अभी मेरे को कैरिंग अमाउंट दे रखी है एसेट हैिटी का ठीक है और फेयर वैल्यू भी दे रखा है बोला कैलकुलेट आई एन ए जब आप आई एन ए वन जीरो थ्री के हिसाब से निकालोगे तो कैसे निकालोगे वन जीरो थ्री के हिसाब से आप सारे एसेट का फेयर वैल्यू एड कर दोगे सारे लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू माइनस कर दोगे सर डायरेक्टली निकाल सकते हो हाँ निकाल सकते हैं क्योंकि ईयर एंड और डेटा वैक्शन सेम है ना तो निकाल सकते हैं ठीक है तो मैंने वन जीरो थ्री के हिसाब से निकाला फाइव सेवेंटी है फेयर वैल्यू ऑफ असेट टू फिफ्टी है वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी तो आया थ्री ट्वेंटी लेकिन अगर यही प्रोसीजर मैं वन वन जीरो का फॉलो करूँ तो देखो मेरा इक्विटी कैपिटल ये रहा क्योंकि ईयर एंड डेट ऑफ है तो ये पूरा का पूरा प्री में हो जाएगा बराबर तो मेरा आई एन कितना आ रहा है ये हंड्रेड प्लस कितना 260 आ रहा टू सिक्सटी आ रहा है सर आपने तो सिखाया था हमको कि वन जीरो थ्री का आई एन ए और वन वन जीरो का आई एन ए हमेशा सेम ही आना चाहिए यहां तो सेम नहीं आ रहा है सर वन जीरो थ्री का थ्री ट्वेंटी आ रहा है वन वन जीरो का टू सिक्सटी आ रहा है तो सर क्या रह गया इसके अंदर बताओ क्या रह गया इसके अंदर तुम बता दोगे तो मेरे को मजा आ जाएगा प्रांजल नयनी जय वेरी गुड यहां क्या हो गया है यहां आपने वन वन जीरो में फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं सर अगर आप वो कर दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा सर क्या हो जाएगा सोने पे सुहागा हो जाएगा सर तो हमको वो करना पड़ेगा हर क्योंकि हर क्वेश्चन क्यों में लग्जरी नहीं होगी अपने पास कि वन जीरो थ्री वाला फॉलो कर ले ठीक है तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे प्री बराबर उसमें लिखेंगे जो भी रिटर्न टर्निंग्स है वो जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो फिर हम करेंगे अच्छा अभी देखो स्टेप्स कैसे होते हैं पहले आपने ओपनिंग लिखा फिर अगर कोई डिविडेंड है तो डिविडेंड ऐड करना पोस्ट में फिर कोई टाइम एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्ट करना उसके बाद जो भी फेयर वैल्यू चेंजेस है वो कंसिडर करना ठीक है तो अब अपने को यहां पूरा पूरा फेयर वैल्यू मत देखना हमको सिर्फ फेयर वैल्यू के चेंजेस देखने हैं क्या देखने है? हमको सिर्फ फेयर वैल्यू के चेंजेस देखने एक सेकंड देना मुझे एक सेकंड दोगे चार्ज नहीं हो रहा है भाई एक सेकंड क्या वो चार्ज नहीं होगा तो बंद हो जाएगा भाई स्टिल नॉट चार्जिंग यार एक मिनट दो ना मेरे को वन we'll मिनट भाई ये चार्ज नहीं होगा तो बंद हो जाएगा मेरे को रिसार्ट करना पड़ेगा इसको एक मिनट दे देना एक मिनट बोलते न्यू आईपैड ले लो दिला दो तुम लोग नया आईपैड रहे हो तो बताओ तुमने परेशान मत करो मेरे को सर के पास अम्बानी से ज्यादा पैसा है कोई पैसा नहीं गरीब हूं मैं चार्ज ही नहीं हो रहा है यार हो गया <laughs> हो गया हो गया भाई हो गया सॉरी सॉरी गाइस <laughs> हो गया अभी हो गया <coughs> हो गया चलो चलो हो गया वापस से चालू कर रहा हूं सुन लेना तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या दिक्कत थी इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम वन जीरो थ्री वाले मेथड से करें तो हमारा जवाब ही नहीं आएगा मतलब सॉरी वन वन जीरो से करें तो जवाब ही नहीं आएगा तो हमको थोड़ा क्या करना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा वन वन जीरो से भी जवाब आ जाए तो हम क्या करेंगे हमारे प्री वाले कॉलम में फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट्स करेंगे अब जब आप फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट करोगे ना तो आपको पूरा पूरा फेयर वैल्यू नहीं देखना है आपको सिर्फ फेयर वैल्यू गेन या लॉस का अमाउंट देखना है जैसे अगर आप देखोगे प्लांट में मुझे गेन कितने का हुआ ट्वेंटी का हुआ है

टाइम एडजस्टमेंट महीने क्या आएगा? टाइम एडजस्टमेंट, ठीक है, उसके बाद ऑन डेट ऑफ एक्वेशन, फॉलोइंग एक्शन इंक्रीजेस द फॉलिंग ऑफ इंक्रीजेस इन फेयर वैल्यू मतलब आपको फेयर वैल्यू का डायरेक्टली इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट दे रखा है तो इस केस में अब मैं ने कैसे निकालूंगा सबसे पहली बात आप सबसे बड़ी गलती पता है क्या करोगे आप बोलोगे सर लैंड के इंक्रीज का अमाउंट दे रखा है तो आप क्या करो सब आई के अंदर वो इंक्रीज का अमाउंट ऐड कर दो और आई एन एसेट माइनस लाइबिलिटी करके निकाल लो। इस तरीके से आई एन नहीं निकाल सकता क्यों आई चाहिए फर्स्ट टेन का अगर आप असेट माइनस लाइबिलिटी करोगे तो आपको आई आएगा ईयर एंड का मेरे को ईयर एंड का नहीं चाहिए मेरे डेट ऑफ एक्वेशन का चाहिए तो यहां से वाला तरीका फॉलो कर सकते हो अब वन वन जीरो का तरीका कैसे फॉलो है, है, है नहीं सर कोई डिविडेंड नहीं है क्या टाइम एडजस्टमेंट है हाँ सर छह महीने का है तो चार लाख पे लगाना छह महीना तो दो लाख का प्री में एड दो लाख पोस्ट से लेस ठीक है ये आपका हो गया आ गया आठ लाख और दो लाख

और ये पोस्ट बटेगा दो लोग में पेरेंट एनसीआई के अंदर यहाँ एनसीआई वैसे नहीं है ध्यान रखना सबको समझा मैंने क्या बोला यस सर चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन ठीक है आपन। अच्छा इसमें एग्जाम्पल नंबर सिक्स में आपने ये सब कंसिडर तो कर लिया ठीक है इसको आई में डाल दिया इसको आपने पी और एनसीआई में बांट दिया ठीक है सर यहाँ एनसीआई वैसे कुछ था नहीं ये सब बना लोगे जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या बैलेंस शीट के अंदर भी ये गेन लॉस का इफेक्ट आएगा आंसर इज यस कैसे आएगा सर सब फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने लैंड की बात करी तो पेरेंट का लैंड है फोर्टी सब्सिडी का है थर्टी हम मानते हैं कि सब्सिडी ने अपने बुक्स में तो कैरिंग ऑन पे रखा है वो तो हम है जो फेयर वैल्यू पे डेकअवर कर रहे हैं सी एफ एस में तो इसमें गेन अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा पांच लाख रुपया ठीक है जैसे पांच लाख का गेन था तो ऐड करेंगे वैसे अपने को लैंड पे गेन हुआ ऐड किया इन्वेंट्री ऑल्सो इंक्रीज बाय टू लैक्स ऐड किया Sir, ट्रेड पे, ट्रेड पेपर पर पे लॉस था देखो लाइब्रेटी में कब लॉस होता है तो यहां करना ये लिखा भी आप मिस्टेक करके लेस कर दोगे लेस मत करना, करना है उसको। ठीक है इन शॉर्ट जो भी आप फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट स्टेप नंबर टू के आई में ले रहे हो वो सबका इंपैक्ट आपके बैलेंस शीट में भी आएगा इज दी वन यस yes, सर चलो आगे बढ़ जाते हैं क्लियर <coughs> उसके बाद आएगा अपना मेरा सबसे फेवरेट एग्जांपल है ये अब जो आने वाला है एग्जांपल नंबर सेवन एग्जांपल नंबर सेवन अपन अच्छा, ने क्या सीखा हमने आईने जो निकालते हैं वन वन जीरो के हिसाब से उसमें गेन लॉस का इफेक्ट लेना सीखा उसमें गेन लॉस का इफेक्ट लेना सीखा इज दिस गेट टू एवरी परफेक्ट बोलो यस सर यस सर चलो आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर सेवन

या फेयर वैल्यू गेन लॉस का अमाउंट चाहिए रहता है मेरे को फेयर वैल्यू गेन लॉस का इससे कंसर्न लॉस का एग्जाम्पल तो प्लांट का वैल्यू कितना दे रखा है फिफ्टीन लैक्स दे रखा है सर इससे कंपेयर करके कर बोल दू पंद्रह लाख तो मेरा कैरिंग अमाउंट है ट्वेंटी फाइव मेरा फेयर वैल्यू है टेन लैक्स गेन हो गया सर सर अगर ऐसे किया तो अपने सर पैसे कट्टूस मार लेना क्यों रॉन्ग है रॉन्ग है रॉन्ग है तो सर कैसे करेंगे ये बताओ मुझे अगर फेयर वैल्यू वन टेन का दिया गया है तो मुझे कैरिंग अमाउंट वन टेन का चाहिए ना बराबर तो मुझे पहले रिवर्स कैलकुलेशन मार के वन टेन का कैरिंग अमाउंट लेना पड़ेगा सर कैसे लोगे सुनो मेरी बात आपके पास यस्ट मार्च एटीन का कैरिंग अमाउंट दिया हुआ पंद्रह लाख मैं बोलू दिस विल बी आफ्टर डेप्रिसिएशन

ईयर एंड पे पंद्रह था फर्स्ट डे पे बीस था मतलब पूरे साल में अपने पाँच लाख से कह रहे तो इसमें से छ महीने का डिप्रिशियन माइनस कर देना तो पाँच लाख है पूरे साल का छः महीने का होगा टू पॉइंट फाइव लैक्स योर अमाउंट विल बी सेवेंटीन पॉइंट फाइव लैक्स दिस इज अर कैरिंग अमाउंट ऑन वन टेन सेवनटीन तुमको समझा ये पूरी डिटेल कैलकुलेशन मैंने यहां दे रखी है आपको नहीं समझता तो यहां देख लो भाई ठीक है फेयर वैल्यू दे रखा है कैरिंग अमाउंट चाहिए रहेगा निकाला मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करके ठीक है तो वो आएगी। अब ट्वेंटी फाइव लैक्स माइनस लाख पॉइंट फाइव करोगे तो आपको गेन का सेवन पॉइंट में गेन लिखूंगा अब मैंने कसम खिलवाई थी आपको कसम खा लेना जब जब किसी डेप्रीशियबल अट पे प्री में एडजस्टमेंट आएगा जब जब किसी डेप्रिशिएबल असेट पे प्री में एडजस्टमेंट आएगा तो पोस्ट वाले कॉलम में क्या आएगा

वो करो लॉन्ग कट वाला मेथड लॉन्ग कट मतलब आप पहले निकालोगे फेयर वैल्यू पे डिप्रेशन कितना होना चाहिए था आपने डिफरेंस है, है अगर सुनना, सुनना, क्वेश्चन में आपको फेयर वैल्यू गेन का अमाउंट डायरेक्टली दिया होता फेयर वैल्यू गेन का अमाउंट डायरेक्टली दिया होता तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे दूसरा अगर क्वेश्चन में रेट के बदले लाइफ दिया हो, life, years, 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 निकाल सकते हो पहला क्या है अगर यहां देखो कैसे फेयर वैल्यू का अमाउंट दिया हुआ था फेयर वैल्यू गेन का अमाउंट नहीं दिया हुआ था अगर क्वेश्चन में ही फेयर वैल्यू गेन का अमाउंट दिया हुआ रहे तो आप डायरेक्टली तो निकालना या फिर अगर लाइफ दिया हुआ रहे तो आप डायरेक्टली निकालना एक्चुअली पहले अगर आपने क्लास देखी रहेगी मेरी मैं सिर्फ वाले ही बोलता था ये कहां से आ गया सर ये अभी जो इन्होंने रिसेंटली पास्ट दो तीन अटैम्प में पेपर पूछे ना वहां फॉलो किया है कि जहां डायरेक्टली गेन का अमाउंट दे रखा है वहां डायरेक्टली निकाल रखा है मैं कराऊंगा क्वेश्चन मत लो तो इसलिए ये ये भी ऐड कर लेना एक तो लाइव लाइवर है तब या फिर जब फेयर वैल्यू गेन का अमाउंट है अपने पास तब यहां दोनों में से कुछ भी नहीं था ना लाइफ था का का ना गेन अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ था तो हमको लॉन्ग कट तरीके से निकालना पड़ेगा सर छह महीने वैल्यू पे चार्ज करसेंट इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व करता आंसर आता थ्री लैख इज द डेप शुड बी इसको आप कंपेयर करोगे डिप्रीसिएशन एक्चुअली चार्ज से डिप्रीसिएशन एक्चुअली चार्ज से मैंने एक्चुअल में चार्ज कितना किया मैंने एक्चुअल में चार्ज किया टू लैख्टी थाउजेंड तो डिफरेंस आएगा सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड ऐसा लॉन्ग कट कब करोगे जब गेन का अमाउंट ना दिया वो या फिर लाइफ ना दिया हुआ रहे तो आप ऐसा लॉन्ग कट करोगे इसको बोलते हैं एक्सेस डेप्रीसिएशन सबको समझा गया मैंने क्या बोला यस yes, सर तो ये क्या करना है पोस्ट में आपको चार्ज करना है ठीक है तो मैं जब लिखूंगा गेन ऑन प्लांट तो मेरे पोस्ट में आ जाएगा एक्सेस डेप्रीसिएशन लेस सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड है ये तो आपने कर लिया अब इसका बैलेंस शीट में इंपैक्ट लेना मत बोलना इसका मतलब जब आप बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी लिखोगे तो आप सेवन लैख फिफ्टी एड करोगे लेकिन एक्सेस डेप की वजह से सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड आप लेस भी करोगे तो देखो इधर <coughs> ये वाला पार्ट जो रेलिवेंट पार्ट है वो डिस्कस करो बाकी जब तो अपने को आता ही है ना तो ये प्लांट एंड मशीनरी में ये करना मत भूलना ठीक है अब मैक्सिमम केस में लोग ये कैलकुलेशन में फंसते हैं एक गेन का अमाउंट निकालना दूसरा एक्सेस डेप निकालना ठीक है तो ध्यान रखना काफी विस्तार में डिस्कस किया ताकि आपको कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो तो एग्जाम्पल नंबर सेवन में नया क्या पढ़ा एक गेन का अमाउंट निकालना और एक एक्सेस डेप निकालना इज दिस दिसरी वन एकदम बढ़िया है सर चलो अब मैं आगे वाला एग्जाम्पल करूं उसके पहले इतने एग्जाम्पल क्लास के कर लिए सर आईसीआई वाला क्वेश्चन कराओ सर आओ

Showed a credit balance of मतलब retained earnings का देखोगे तो तो कितना है तो पोस्ट कितना है इसके में आएगा मेरे हीरो लोग बचा हुआ वन लैख फोर थाउजेंड सही बोला ठीक है सर अधर रिजर्व का बात नहीं किया हुआ है अधर रिजर्व के लिए नीचे लिखा गया है आप पढ़ोगे तो नीचे लिखा हुआ इधर रिजर्व इधर, इधर. Uh, एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ये नहीं बोलता तो भी मैं यही करता ये नहीं बोलता तो भी मैं यही एज्यूम करता क्या अज्यूम करते सर आप मैं यही एज्यूम करता कि मेरा ओपनिंग इज सेम एज क्लोजिंग बराबर तो इन शॉर्ट मेरा पूरा का पूरा अमाउंट प्रीम आ जाएगा प्री में पूरा दो लाख पोस्ट में कुछ नहीं आएगा एल निल पोस्ट में कुछ नहीं आएगा ठीक है जैसे आपको ये वेरिफिकेशन मिल गया अब आप देखना हम लोग को रिजर्व फर्स्ट डे का दिया हुआ था फर्स्ट अप्रैल का लेकिन मुझे अप्रैल नहीं मुझे अक्टूबर का चाहिए तो टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना सर करना पड़ेगा सर अच्छा इस दुनिया में टाइम एडजस्टमेंट के पहले एक ही एडजस्टमेंट आता है बताओ वो कौन सा है इस दुनिया में टाइम एडजस्टमेंट के पहले वेरी गुड एक ही आता है वो है डिविडेंड देखते हैं है कि नहीं आगे बढ़ते हैं बोलता है आउट ऑफ विच

प्लांट का फेयर वैल्यू दे रखा है हमको फेयर वैल्यू नहीं फेयर वैल्यू गेन लॉस चाहिए तो ये निकालना पड़ेगा फिर प्लांट तो वाले वाले एक ना गेन का दे रखा है, ना लाइफ दे रखी है तो आपको एक्सेस डेप लॉन्ग कट से निकालना पड़ेगा ठीक है उसके बाद बोलते हैं फॉलोइंग सारी चीजें इंक्रीज हुई है सर तो डायरेक्टली इंक्रीज का अमाउंट दे रखा पेबल बढ़ना इज लॉस बिल्डिंग और इन्वेंट्री बढ़ना इज अ गेन सर ये ध्यान रखना अब बोलता है इट मे बी एज्यूम दैट इन्वेंट्री स्टिल अनसोल्ड इसका मतलब क्या है इसका एज एग्जाम्पल अभी कराऊंगा कराया नहीं अब तक फर्स्ट पॉइंट छोड़ देना वैसे सोल्यूशन पर कोई इंपैक्ट नहीं है इसका ठीक है और सेकंड नोट अपन ले चुके बोलता है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिक्कत ये है क्वेश्चन में हमको समझेगा नहीं चालू कैसे करना है बैलेंस शीट तो मांग ली डायरेक्टली नहीं बना पाओगे बैलेंस शीट बताओ मैं शुरुआत कैसे करूं और ईयर एंड का मांगे देखो डेट ऑफ एक्वेशन है अगर बैलेंस शीट मांगता मतलब 103 का होता है क्वेश्चन मांगा आपसे ईयर एंड का है तो ये क्वेश्चन बन गया 110 का अब बताओ चालू कैसे करें वेरी गुड आंसर स्टेप्स फॉलो करो सर स्टेप्स फॉलो करो सर बराबर क्या स्टेप करें सबसे पहले अपना रहेगा स्टेप नंबर वन पीसी हमने निकाला पीसी देख लो इधर कहां से मिलेगा इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को देखकर मिलेगा सर आपको बराबर ये ले पीसी मिल गया उसके बाद क्या लगेगा आपको उसके बाद अब तुमको मैं हाथ से लिख के दिखाता हूँ कितना दिया हुआ यहाँ मेरे ख्याल से फोर लैक्स है ठीक है आप लिखोगे प्री और पोस्ट अदर इक्विटी का प्री पोस्ट करोगे ठीक है सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है वो लिखना अधर रिजर्व का और अर्निंग्स का हम देखते हैं हमने लिख रखा है मेरे ख्याल से कि हमारा अधर रिजर्व पूरा का पूरा प्री है पोस्ट में कुछ नहीं है रिटर्न है 60 प्री में है और यह वन लैख में है बराबर टोटल और अब सबसे पहले टाइम एडजस्टमेंट मत करना सबसे पहले क्या ऐड करेंगे डिविडेंड चालीस हजार का उसके इफेक्ट आया था डिविडेंड के एक सब्सिडी में ऐड करोगे पूरा फोर्टी और पेरेंट और एनसीआई के रिस्पेक्टिव से लेस करोगे अरे याद है कि नहीं अरे मानता है कि नहीं एकदम मानते हैं सर पक्का समझा यह वाला पार्ट समझता है सर अपने को परफेक्ट क्लियर है ना यस सर आगे बढ़ जाते हैं अपन तुम को दिख रहा है ना भाई यस परफेक्ट परफेक्ट हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। चलो उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे अपन ये कर दिया अपन ने तो ये हो गया टू पॉइंट सिक्स लैख वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड उसके बाद क्या करना है भाई हाँ सर उसके बाद हम करेंगे टाइम एडजस्टमेंट उसके बाद हम क्या करेंगे टाइम एडजस्टमेंट करेंगे सर टाइम एडजस्टमेंट पोस्ट के अमाउंट पे छह महीने का आएगा सर तो वन पॉइंट फोर फोर लैक्स इंटू सिक्स देना सर 72,000 टू थाउजेंड इधर एड सेवेंटी टू इधर लेस ये हो गया सर उसके बाद आप करोगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करोगे सर क्या करोगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तुमको फ्लो बैठ रहा है क्या पहले डिविडेंड फिर टाइम एडजस्टमेंट फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अब ये कैसे करोगे जितने भी गेन है वो एड जितने भी लॉस है वो लेस तो अब यहां देख लो मेरे लैंड के ऊपर गेन था मैंने ऐड किया इन्वेंट्री पे गेन था ऐड किया ट्रेड पेबल पे, पे इंक्रीज था तो लेस किया ठीक है अब मजा आएगा मेरे को प्लांट का गेन निकालने का पता है मैंने सिखाया था ना आपको कैसे निकालोगे मेरे पास प्लांट का यन का वैल्यू दे रखा है यन का नहीं चाहिए डे वन का चाहिए तो रिवर्स कैलकुलेशन मारो और डे वन का वैल्यू निकालो उस डे वन के वैल्यू में से छह महीने का डेपलेस करो तो तुम यहां देख लो जरा अभी ये मैंने सेम किया भी रिफर करवा रहा हूं ठीक है तो देखो मैंने कैरिंग अमाउंट ईयर एंड की है डेप्रीशियन टेन परसेंट मतलब नाइनटी परसेंट है तो आपने रिवर्स कैलकुलेशन मार मार्केट हंड्रेड परसेंट निकाला बट अभी भी ये वन फोर का है मुझे वन टेन का चाहिए तो छह महीने का डेप लेस कर देना तो आपको मिला कैरिंग अमाउंट ऑन वन टेन ये रहा मेरा कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू दे रखा है गेन का अमाउंट हमने ढूंढा दैट इज वन लैख्टीन थाउसेंड ठीक है क्या करेंगे प्रीमे ऐड कर देंगे अब कसम खाई थी ना जब जब प्लांट के ऊपर गेन आएगा प्लांट इज अ डेप्रिसिएबल एसेट तो पोस्ट में आपका आएगा एक्सेस डेप्रिसिएशन अब वो कैसे निकालोगे लॉन्ग कट से निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां डायरेक्टली गेन नहीं दिया हुआ था ना ही लाइफ दिया हुआ था तो आपको लॉन्ग कट से निकालना पड़ेगा कि अगर फेयर वैल्यू पे चार्ज करते तो कितना आता रियल में आपने चार्ज कितना किया 6 महीने के लिए ₹5000 आ गया आपका एक्सेस डेप्रिसिएशन इसको आपने कर दिया लेस दैट्स इट एडजस्टमेंट्स आर ओवर ये प्री आपके आयने में चला जाएगा अब गलती क्या करते लोग इसी को आयने मान लेते हैं मेरे डब्बो इक्विटी कैपिटल को ऐड करना मत भूलना तो ये फोर लैख प्लस फिफ्टी सेवन मिला के बनेगा आपका आई एन टेन फिफ्टी सेवन और ये जो है दो लोग के अंदर बटेगा पेरेंट एनसीआई के अंदर ठीक है उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है तो अपना पीसी हो गया फिर आई एन हो गया फिर होता है एनसीआई आए, एनसीआई कुछ नहीं बोला तो पी एस एन एज कर लेना आई एन ए का प्रोपोर्शन ये रन पे कैसे मिलेगा ये जो ओपनिंग है वो लिखो फिर एनसीआई का जो पोस्ट में हिस्सा था वो ऐड करो उसके अलावा याद है डिविडेंड था तो एनसीआई का शेयर एनसीआई में से माइनस करना है तो हम एनसीआई से माइनस करेंगे डिविडेंड आपको मिलेगा एनसीआई और ईयर एंड सो दो दो क्यों निकाला पहला गुडविल के लिए काम आएगा दूसरा ईयर एंड के लिए काम आएगा सर क्लियर आगे फिर गुडविल पीसी प्लस एनसीआई माइनस आई ने मिलेगा गुडविल इधर मिस्टेक क्या करोगे एनसीआई डेट ऑफ एक्वेशन का लेना ईयर एंड का नहीं मेरी ऐसी आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंजेगी ठीक है ये मिला डेट ऑफ एक्वेशन का गुडविल मुझे ईयर एंड का चाहिए इंपेयरमेंट लेस करेंगे इंपेयरमेंट तो है ही नहीं सर तो जो डेट ऑफ एक्शन का ईयर एंड का हो जाएगा फिर आएगा कंसू अदर इक्विटी उसमें पेरेंट का रिजर्व लिखना बराबर जो पेरेंट का सब्सिडी के प्रॉफिट में हिस्सा है वो एड करना और डिविडेंड लेस करना था ना पेरेंट का शेयर पेरेंट के रिजर्व से वो लेस कर देना सर तो आपको मिल जाएगा इक्विटी बस उसके बाद क्या है लेके प्रभु का नाम बना देना बैलेंस शीट बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लेना मत भूलना स्पेशली प्लांट एंड मशीनरी में फेयर वैल्यू गेन तो ऐड करोगे लेकिन एक्सेस डेप माइनस करना मत भूलना सर क्या तुमको ये बात समझता है कि तुम्हें संभाल लोगे एकदम संभाल लेंगे सर ठीक है क्लियर मजा आ जाना चाहिए भाई मजा आ जाना चाहिए ठीक है चलो इसके बाद एक और शानदार क्वेश्चन था अच्छा एक इलेट्रेशन नंबर फौर है वो तो बड़ा सिंपल है आप खुद से करोगे तो भी चलेगा टाइम पास क्वेश्चन है है वो ठीक चलो आ जाओ <coughs> अब आएगा एक और क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से मेरी किताब का क्वेश्चन नंबर फोर है फोर ऑफ एम टीपी आर टीपी क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ एम टीपी आर टीपी करेंगे हम ठीक है अब इसमें और मजा आएगा आपको आ जाओ तुमको बैठ रहा है मेरे जितने एग्जाम्पल है ये बड़ा वाला क्वेश्चन है बेटर है तुम्हारे दिमाग के अंदर अरे गाइज यस नो इट इज सिंपल ना टेंशन मत लेना बड़ा सिंपल है ये सब चिल टक मेरे दिल के बहुत करीब है क्या बोलता है सुनना ऑन फर्स्ट अप्रैल सेवनटीन मतलब ये हो गया आपके डेटाशन ठीक है पेरेंट एक्वायर्ड एट्टी परसेंट ऑफ एस तो पेरेंट ने एट्टी परसेंट एस का एक्वायर किया बराबर तो एन सी ट्वेंटी परसेंट हो गया ठीक है आगे मैं पेरेंट एस सब्सिडरी ओके ऑन एक्विजिशन डेट द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व स्टूड एट फाइव लैक्स एंड वन ट्वेंटी फाइव डिरेक्टली एक्विजिशन डेट का डेटा दे रखा है बराबर तो ये रहा आपका इक्विटी कैपिटल ये रहा आपका प्री वाला अमाउंट क्या मुझे टाइम एडजस्टमेंट करने का जरूरत है क्या देगा आंसर इज नो एक तो आपने साल के फर्स्ट डे पे एक्वायर किया है उसके अलावा डेटा भी उसी दिन का दे रखा है तो टाइम एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है

थ्री पॉइंट सिक्स प्लस इसका अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तीन साल का तो आपको मिलेगा थ्री पॉइंट सेवन फाइव तो आगे आपका सेवनटीन पॉइंट थ्री फाइव लाख का पीसी सर हम पीसी कभी कभी ऐसा निकालते वरना हम इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को देखकर भी देख लेते पीसी कितना है एनी अब क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन द शेयर एंड डेफर्ड कंसिडरेशन है लिमिटेड इन डब्बो ने शेयर और डेफर्ड का इफेक्ट एस एफ एस में लिया ही नहीं है मतलब कैश का इफेक्ट तो एस में आ चुका है देखो जिसका इफेक्ट एस में आ चुका है उसका इफेक्ट मैं सी में नहीं लूंगा बट जिसका इफेक्ट एस में नहीं आया है उसका मुझे इफेक्ट सी में लेना पड़ेगा ना यार अरे लेना पड़ेगा ना यार तो शेयर्स और डेफिट का इफेक्ट मैं सीएफएस में लूंगा कैश का नहीं लूंगा बिकॉज कैश का वो एसएफएस में ले चुका है तो मेरा सीएफएस एफ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा सबको समझता है क्या ठीक है बस बाकी अपन देखते हैं बाकी बैलेंस वगैरह दिया हुआ है ठीक है तीन एडजस्टमेंट अपने पास सबसे पहला फेयर वैल्यू ऑफ प्लांटेड द बुक वैल्यू बाई टू लैक्स डिरेक्टली फेयर वैल्यू गेन का डायरेक्टली गेन का अमाउंट दे रखा है और आगे देखोगे तो लाइफ भी दे रखी है पाचल की लाइफ बची है गेन का अमाउंट भी दे रखा है सोने पर सुहा लाइफ भी दे रखा है अरे दोनों में से एक भी होता ना तो भी एक्सेस डेप में डायरेक्टली निकाल लेता बट दोनों दे रखा है तो मैं एक्सेस डेप कैसे निकालूंगा डायरेक्टली निकालूंगा ठीक है आगे

एफ से फेयर वैल्यू एफ से फुल पी से पी एस एन ए पी से पार्सल खत्म का नहीं इतना याद रखने का यह क्यों बता रहे हो सर आप काम आएगा काम आएगा आगे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन अब आप ध्यान रखना हमने एक्वायर किया है सेवनटीन में बैलेंस शीट मांगी है नाइनटीन की मतलब पोस्ट में छह महीना भी नहीं एक साल भी नहीं दो साल आएंगे वी आर यूज टू टेकिंग सिक्स मंथ्स इन पोस्ट बट यहां दो साल आएगा डेट ऑफ एक्वेशन से लेकर जब तक का डेटा होता है पोस्ट पोस्ट का तो पोस्ट में दो साल अब कैसे करना है? सर, अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे स्टेप्स फॉलो करना शुरू कर देना ठीक है सबसे पहले आप मुझे बताते हो चलो सबसे पहला स्टेप नंबर वन है परफेक्ट पीसी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इनकरेक्ट है पूरा रिकॉर्ड नहीं किया ना अपन ने तो पीसी डायरेक्टली निकाला था अपन ने कैश शेयर्स डिफर्ड ठीक है 17.35 अपन ले लेंगे किसके अंदर पीसी के अंदर अब यहां ध्यान रखना कैश का इफेक्ट सीएफएस में आ चुका है लेने का जरूरत नहीं बट इन दोनों का इफेक्ट सीएफएस में लेना पड़ेगा बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान रखना आगे पहला स्टेप हो गया पीसी फिर आई ने आई ने कैसे निकालोगे अरे आई ने कैसे निकालोगे चलो हम आई ने निकालना सीखते इधर इधर आ जाओ में सबसे पहले आपको दिया हुआ था ओपनिंग 125 ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन में दे रखा था प्री में कितना बैलेंस आएगा देखो सब्सिडरी के रिजर्व देखो तीन लाख का बैलेंस है प्री में गया वन ट्वेंटी फाइव तो पोस्ट में बचेगा वन सेवेंटी फाइव ठीक है तो पोस्ट में लेगा वन सेवेंटी फाइव क्या कोई डिविडेंड है नहीं है सर क्या कोई टाइम एडजस्टमेंट है नहीं है सर क्या कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है एक ही है सर प्लांट के ऊपर था ना तो प्लांट का जो गेन है वो एड किया अब प्लांट डिप्रीशियबल असेट है तो उसका एक्सेस डेप भी आएगा डायरेक्टली निकाल लेना कैसे अब एक्सेस डेप टू लैक्स इन टू जितना समय पोस्ट में होता है उतने महीने का निकलता है पोस्ट में हाँ दो साल है तो बोलेगे टू ईय पोस्ट में छह महीना होता तो तो छह महीने का निकालता यहाँ दो साल है तो दो साल का निकालूंगा तो इसलिए पोस्ट में आएगा एट्टी था बस इतना ही इसका आई एन ना डिविडेंड ना टाइम एडजस्टमेंट ना बाकी कुछ ठीक है मजा आ गया सर कोई दिक्कत नहीं है तो ये आपका आई में चला जाएगा प्री वाला तो कोई आपसे आई पूछे तो ये डी के थ्री ट्वेंटी फाइव मत बोल देना आई में ये तो आएगा प्लस इक्विटी कैपिटल भी आएगा मैं बता रहा हूँ भूलोगे तुम रायता फैला के मताना एग्जाम के अंदर पहले बता रहा हूँ सिली मिस्टेक तो करना ही मत तो प्री प्री वाला तो आएगा प्लस इक्विटी कैपिटल भी आएगा तो आई नहीं हो कैट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और इसका क्या करेंगे बांट दो बच्चों में बांट दो एट्टी परसेंट तेरा ट्वेंटी परसेंट इसका बाकी बच्चे लोग में अरे सर नो तो एट्टी परसेंट पेरेंट ट्वेंटी परसेंट एन सी आई पेरेंट का शेयर स्टेप नंबर फाइव एन सी आई का शेयर स्टेप नंबर थ्री बी में चला जाएगा ठीक है अब आएगा एन सी आई नॉर्मली एन सी आई नहीं बोलते तो पी एस एन ए फॉलो कर लेते हैं दे रखी है फेयर वैल्यू दे रखी है फेयर वैल्यू भाई साहब तो फेयर वैल्यू ले लेना ले कितना दे रखा है थ्री लाइक एटी ये मैं नहीं बोलता हूं खुद यही बोलते ठीक है थीके? उसके बाद ईयर एंड पे कैसे निकालोगे ओपनिंग लिखना जो एनसीआई का पोस्ट कैसे अवॉइड करना उसके अलावा ये देखो मत ये मत देखो ये देखा ही नहीं हमने ये देखा ही नहीं क्या लिखा छोड़ दो उसको तो हमने इतना किया अब तक फिलहाल फिर आएगा प्यारा प्यारा मीठा मीठा गुड्डू पीसी प्लस एनसीआई माइनस आई एन ए गुड्डू मिलेगा मैंने क्या बताया था एन फेयर वैल्यू पे तो गुडविल फुल होगा अब अब इस गुडविल गुडविल में हो हो गया है, है? है? है, ठीक दिया था ना एट का। अब इस का क्वेश्चन इफेक्ट क्या रहता कम जाता बट इंपेयरमेंट लॉस कौन बेयर करेगा जब फुल गुडविल होता है मतलब गुडविल दो लोग बिलोंग करता है, एक पेरेंट और एक है। तो इंपेयरमेंट भी दो लोग बेयर करेंगे एक पेरेंट और एक अगर गुडविल पार्शल होता तो पार्शल तो गुडविल अकेले पेरेंट का होता अकेला पेरेंट लॉस बेर करता या गुडविल दो लोग का इंपेयरमेंट लॉस भी दो लोग बेर करेंगे सर जी ठीक है तो दो लोग का गुडविल दो लोग का इंपेयरमेंट लॉस एंट्री क्या आएगी जितना पेरेंट का हिस्सा है वो पेरेंट के रिजर्व से कम करेंगे कन्सो अदर इक्विटी अकाउंट डेबिट जितना एनसीआई का हिस्सा है उस उनके स्टेक के रेशो में तो एनसीआई से कम कर देना ट्वेंटी परसेंट एनसीआई अकाउंट डेबिट टू गुडविल ये आपकी एंट्री हो गई तो जितना पेरेंट का है स्टेप फाइव से कम जितना एनसीआई का है एनसीआई के स्टेप से कम और गुडविल कम पूरा इफेक्ट हो गया अब ध्यान देना इसलिए मैंने एनसीआई में लिखा था लेस गुडविल इंपेयरमेंट सबको समझता है वाला पार्ट दैट्स इट ठीक है अब जब पेरेंट के बनाओगे रिजर्व तो पेरेंट का रिजर्व पोस्ट का हिस्सा गुडविल का इंपेरमेंट लेस कर देना बाकी दो मत देखो बाकी दो मत देखो बाकी दो मत देखो देखा नहीं हमने छोड़ दो उसको ठीक है ये हो गया अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में नॉर्मल चीजें तो ऐड करोगे दो चीज का इफेक्ट ऑल लेना अच्छा बैलेंस शीट में ध्यान रखना सिखाया था मैंने आपको इक्विटी कैपिटल अदर इक्विटी सिर्फ पेरेंट का आता है पहले बता रहा हूं चलो अच्छा इक्विटी कैपिटल पेरेंट का आएगा अधर इक्विटी जो अपन स्टेप नंबर फाइव में लेते हैं ना वो आएगा अब मुझे बताओ इस बैलेंस शीट में और क्या इंपैक्ट लेना बाकी रह गया था जो हमको लेना है वेरी गुड एक तो जो पीसी में शेयर्स दिए पीसी में शेयर्स 3.6 के दिए इसका बाइफर्केशन है एक रुपया नॉमल वैल्यू था वन पॉइंट फेयर वैल्यू था तो इसका बाइफर्केशन करोगे तो ऐसा आएगा दो लाख का कैपिटल आएगा और वन का सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीम आपके अदर इक्विटी में एड होएगा और कैपिटल आपके इक्विटी कैपिटल में एड होएगा बराबर तो जितना भी आपका ये रहेगा कैपिटल उसमें आप जो भी कितना था वो दो लाख वो ऐड कर देना और जितना भी आपका अदर इक्विटी है वही बोला वन पॉइंट 1.6 होना चाहिए अदर इक्विटी में तुमको समझा ये पहला चीज दूसरा चीज एक और पीसी का इंपैक्ट नहीं आया ना वेरी गुड डेफर्ड का ये भी इंपैक्ट लेना पड़ेगा सर तो आप क्या बोलोगे डिफर्ट बाद में पे करेंगे लाइब्रेरी की तरह है थ्री पॉइंट सेवन फाइव लाइब्रेरी में ऐड कर दो सर अगर सिर्फ इतना ऐड किया तो गलत हो जाएगा ये जो थ्री पॉइंट सेवन फाइव है ये डेट ऑफ एक्विजिशन का है दैट इज वन फोर सेवनटीन का मेरा सी एफ एस कब का बन रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन का तो सेवनटीन से नाइनटीन के बीच में क्या आएगा वेरी गुड आंसर प्रांजलि श्रेया श्वेता स्नेहा जय ऋषि वेरी गुड क्या आएगा अनवाइंडिंग आएगा वो भी दो साल का आपको पता है ना डेफर्ड का अमाउंट चेंज होता है एवरी ईयर की वजह से तो आप इंक्रीज करोगे ठीक है तो मैंने इसलिए क्या किया मैंने एक एक वर्किंग वर्किंग बनाई बनाई इधर इधर देखना प्लीज मैंने मैंने ये डे का मेरा क्या है deferred? उस इंटरेस्ट ऐड किया एक साल का क्लोजिंग मिला फिर इस क्लोजिंग को बनाया ओपनिंग इंटरेस्ट ऐड किया क्लोजिंग मिला दो साल की एनवाइंडिंग करी तो मेरा जो डेफर्ड है वो दो साल के बाद हो गया फोर फिफ्टी ये मेरा आएगा लाइब्रिटी में कौन सी लाइब्रिटी में करंट क्यों तीन साल के बाद पे करना था उसमें दो साल बीत चुके तो बचा अभी एक ही साल है इसलिए वो आएगा करंट के अंदर दूसरा इफेक्ट ये जो आपने अनवाइंडिंग करी है ना ये जो अनवाइंडिंग अमाउंट है पूरा 453 नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ अनवाइंडिंग अमाउंट बोल रहा हूँ अनवाइंडिंग की एंट्री क्या होती है पी एन एल टू प्रोविजन तो जो पी एन एल आपने डेबिट किया है पी एन एल तो बना नहीं रहे लेकिन रिजर्व तो पड़ा है ना तो रिजर्व से कम करना पड़ेगा आपको तो ये यहाँ से कम करेंगे दो साल का जो अनवाइंडिंग है वो ये जो दो चीज़ मैंने बताई ना एक शेयर्स का इंपैक्ट लेना भूलना मत और एक डेफर्ड का इंपैक्ट लेना भूलना मत क्यों इंपैक्ट लेंगे क्योंकि एस एफ एस में इंपैक्ट नहीं आता इसलिए लेंगे क्या तुमको ये बात याद रहेगी यस yes, सर बस बाकी आप बैलेंस शीट बनाओ सी बैलेंस शीट इज समथिंग जब तक खुद के हाथ से नहीं बनाओगे गलतियां नहीं मिलेगी तो मैं डिस्कस तो करता हूँ ये भूलना मत ये भूलना मत बट अकेले में बैठ के बनाना ही पड़ेगा बैलेंस शीट ध्यान रखना क्लियर ठीक है सर बढ़िया क्वेश्चन था तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो मैं जब भी मुझे कोई अच्छा क्वेश्चन दिखता है मैं हमेशा की पॉइंट क्वेश्चन लिख देता हूँ ठीक है इसलिए मैं बोलता हूं, एक के भाई साहब एक्सक्लूसिव सुनो सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट था शेयर्स इंपैक्ट लिया दूसरा डेफर्ड का इंपैक्ट आना रह गया हमने इंपैक्ट तो लिया लेकिन दो साल की अनवाइंडिंग करने के बाद का इंपैक्ट लिया तीसरा गुडविल इंपेयर होगा गुडविल फुल था तो फुल गुडविल में दो लोग लॉस बेयर करेंगे एक है पेरेंट और एक है एनसीआई तो दोनों में एलोकेट किया ठीक है अच्छा अगर ये गुडविल पार्सल होता तो तो अगर पार्सल होता तो अकेला पेरेंट बेर करता फिर फिर एनसीआई नहीं आता उसके क्या तुमको समझा ये तीन एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट थे इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन भी शानदार तरीके से हो गया क्या तुम यहां तक कंफर्टेबल हो मेरे साथ बढ़िया चल रहा है देखो मैं इससे ज्यादा स्लो जाऊंगा ना फिर रिविजन की क्लास बन जाएगी ठीक <laughs> है तो रिविजनल क्लास में थोड़ा तो फर्क रहना चाहिए ना यार क्योंकि अपना मेन मोटिव है कम टाइम में हम पूरा सी रिवाइज करें इसलिए तो आपको कभी लगे ना कि सर ये हमको आ, और स्लो जाना है याद नहीं आ रहा तो आपको पूरा क्लास वापस देखना पड़ेगा फिर ठीक है ध्यान रखना तो अकेले बैठ के करना पड़ेगा क्लियर यस चलो <coughs> यस सिद्धार्थ यू कैन कोई दिक्कत नहीं उसमें अब मैं आगे बढ़ रहा हूं ठीक है सात एग्जाम्पल आपने कर लिए थे और आप अपन ने अभी दो बड़े क्वेश्चन कर लिए ठीक है चलो अब मैं आऊंगा इधर एग्जाम्पल नंबर एट में इसमें क्या नया है ठीक है मैं वापस एग्जाम्पल में आ रहा हूं सिक्स और सेवन की सब कुछ सेम है सिर्फ टैक्स रेट दिया गया है सिक्स और सेवन याद है क्या सिक्स में याद है ये था लैंड इन्वेंट्री ट्रेड पेबल में था अपना प्लांट एंड मशीनरी का गेन लॉस बस टैक्स रेट दिया है तो जब आपको टैक्स रेट दिया है तो बताओ क्या आ जाएगा तुम्हारे इसमें बताओ ऐसे दिल पे हाथ रख के बताओ धक धग करेगा अरे वेरी गुड आदि श्वेता वेरी गुड कितना क्या आ जाएगा आपका डिफर टैक्स आ जाएगा टैक्स रेट दिया था डिफर टैक्स अब डिफर टैक्स निकालने का एक तो लॉन्ग कट एक शॉर्टकट है शॉर्टकट की बात करूंगा सुनो जब जब कहां आएगा डिफोटेक्स जिधर गेन आया उधर डिफोटेक्स आएगा तो जब जब गेन आया ना जब जब गेन आया मतलब जब जब आपका ये पॉजिटिव है तो डिफर टैक्स नेगेटिव होगा मतलब होगा गेन पे ऑलवेज डी होगा ये शॉर्टकट है लॉन्ग कट तो लॉन्ग कट भी सिखाया था वो फॉलो कर लो कोई दिक्कत नहीं है बराबर और जब जब, जब लॉस होगा तब तब डीटी होगा वापस जब जब गेन होगा तब तो डीटीएल होगा मतलब गेन पॉजिटिव होता है ना तो डी नेगेटिव बराबर और जब जब लॉस होगा तो लॉस नेगेटिव होता है ना डिफर टैक्स पॉजिटिव रहेगा डी टी ए होगा ये ध्यान रखना तो जितने भी आप फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करोगे उस पर आपका डिफर टैक्स आ जाएगा पहला चीज दूसरा चीज आपने प्लांट के ऊपर गेन तो निकाला था वो गेंद पर डीटीएल तो आ गया लेकिन प्लांट पे आपने एक्सेस डेप भी निकाला था एक्सेस डेप नेगेटिव है ना तो उस पर भी डिफर टैक्स का इंपैक्ट आएगा अब ये एक्सेस डेप नेगेटिव है तो डिफर टैक्स पॉजिटिव होना चाहिए ना तो इसको या तो आप डी टी ए बोल सकते हो बट द करेक्ट वर्ड शुड बी डीटीएल का रिवर्सल क्योंकि प्लांट पे आपने डी बना रखा है तो उस पर आप डी मत बुक करो डी रिवर्सल लिखना नहीं याद रहे तो डीटीए जो भी लिखो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है इतना कोई चेक नहीं करता है वैसे इज दिस इज एवरी वन ध्यान रखना तो जितने भी फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट है जितने भी एक्साइज डेप के एडजस्टमेंट है सब पे डिफर टैक्स आएगा कैसे अगर मेन एडजस्टमेंट पॉजिटिव है तो डिफर टैक्स नेगेटिव है मेन एडजस्टमेंट नेगेटिव है डिफर टैक्स पॉजिटिव है सिंपल क्लियर ये था इस एग्जाम्पल में अच्छा एक और चीज़ जब आप इस क्वेश्चन का बनाओगे बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में बाई चांस आपको प्लान का सपोज लैंड का वैल्यू निकालना है तो जो लैंड का डी है वो लैंड के वैल्यू से माइनस मत करना एक सेकेंड देखो इधर देखो सपोज मैं लैंड का वैल्यू निकालूंगा तो जो पेरेंट का अमाउंट है वो सब्सिडी का अमाउंट है वो प्लस फेयर वैल्यू गेन का अमाउंट लैंड का डी टी एल यहाँ से माइनस मत करना डी टी ए डी टी एल का अलग हेड बनता है तो जितने भी डी टी ए डी टी एल है वो आप अलग से हेड में लेना

जो इन्वेंट्री डेट ऑफ एक्वेशन की थी वो बिक चुकी है एंड तक अच्छा जो ट्रेड आपने प्री में बुक किया था वो पोस्ट में रिवर्स करना है जो भी प्री में बुक किया था इन्वेंट्री के नाम का वो पोस्ट में रिवर्स करना है कब करना है जब ऐसा बोला इन्वेंट्री बिक चुकी है एंड पे ट्रेड पेबल सेटल हो चुका है पे। ऐसा मान लो जिस चीज पे आपने प्री में गेन लॉस बुक किया है वो तो बचा ही नहीं है पोस्ट में तो रिवर्स करेंगे तो जैसे इन्वेंट्री का मैंने गेन बुक किया था पोस्ट में गेन रिवर्स हो जाएगा इन्वेंट्री के ऊपर डिफर टैक्स बुक किया था वो डिफर टैक्स भी रिवर्स हो जाएगा एक्जैक्ट उल्टा होएगा पोस्ट में गेन बुक किया तो यहाँ रिवर्स के लिए नेगेटिव डी बुक किया तो यहाँ रिवर्स के लिए पॉजिटिव सेम फॉर ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल मैंने प्री में बुक किया नेगेटिव इसका डिफर टैक्स था यहां ये रिवर्स करने के लिए यहां पॉजिटिव करूंगा इसका डिफर टैक्स भी रिवर्स करूंगा तो जो भी आपका सेटल हो चुका है पे हो चुका है एग्जिस्ट नहीं करता ईयर एंड पे वो सब रिवर्स होगा पोस्ट के अंदर अच्छा इसमें यह मत बोलना इसमें यह मत बोलना कि सर हम जब बुक करके रिवर्स कर ही रहे हैं तो बुकिंग करते हैं रिवर्स है, बुक ही नहीं करते ना सर बुक करना ही क्यों है एक सेकेंड डेट ऑफ एक्वेशन पे क्या ये इन्वेंट्री थी हाँ थी तो गेन तो आएगा अच्छा एंड में ये नहीं बची है तो इसलिए जाके रिवर्स हो जाएगा ध्यान रखना इज दिस एज दिसन ठीक है सर चलो अब इसमें एक और क्लैरिफिकेशन पॉइंट जब आप बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाओगे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको है ना एग्जाम्पल नंबर सिक्स से लिंक किया हुआ है ठीक है तो अगर मैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स में आता हूँ तो मेरा इन्वेंट्री कितना है टेन लाख प्लस फाइव लाख ठीक है अब इन्वेंट्री पे क्या हुआ था मेरे को गेन हुआ था दो लाख का और वो रिवर्स भी तो हो गया दो लाख तो नेट इम्पैक्ट तो जीरो हो गया तो मेरा इन्वेंट्री पंद्रह लाख पे दिखेगा बैलेंस शीट पे ठीक है अब इसमें पता है आपको कंफ्यूजन क्या हो सकता है आप बोलोगे सर सब्सिडी की इन्वेंट्री तो बिक चुकी है तो ये पाँच लाख नहीं है जीरो होना चाहिए गलत इंटरप्रिटेशन सब्सिडी की इन्वेंट्री जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे थी वो बिक चुकी है ऐसा पॉसिबल है उसने डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद और इन्वेंट्री एक्वायर की होगी बराबर तो इसको नल मत इसको निलमत कर देना उसका जो गेन था वो नलिफाई हो रहा है उसकी इन्वेंट्री को निलमत कर देना भाई लफड़े हो जाएंगे पूरे सेम लॉजिक फॉर ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल का जो लॉस था वो रिवर्स हो रहा है इसको निलमत कर देना ट्रेड पेबल को क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ना डेट ऑफ एक्वेशन के बाद कुछ नया ट्रेड पेबल अराइज हुआ रहेगा तो ये रीजन मैंने लिखा रखा था क्लास में बता भी रखा मैंने ये चीज प्लीज डोंट थिंक दैट सब्सिडीज इन्वेंट्री हैजीन सोल्ड सो दैट इट शुड बी निल द इन्वेंट्री ऑन डेट ऑफ एक्शन है डेट ऑफ एक्शन तो वो रह सकता है तो सिर्फ जो गेन था वो रिवर्स करना है इन्वेंट्री को निलमत कर देना क्लियर चलो ठीक है ये सब मैंने दिखा रखा है आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया एग्जाम्पल नंबर नाइन भी हो गया तो ऑफिशियली सारे एग्जाम्पल्स अपने खत्म हो जाते हैं ठीक है इस एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से कर लोगे तो यू आर गुड टू गो विथ डिस क्वेश्चन ठीक है अब मैं थोड़े और एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा आपके साथ क्या है एडजस्टमेंट सबसे पहला यू आरबी के एडजस्टमेंट यू नो वट इज द मीनिंग ऑफ यू आरबी यू आरबी का मतलब होता है अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जो आपने ग्रुप के अंदर ही कमाया है लेकिन वो रियलाइज नहीं हुआ है सर एग्जांपल दो मान लो पेरेंट ने गुड्स बेचा सब्सिडरी को फाइव लाख के गुड्स बेचे छह लाख में ठीक है तो ये एक लाख का जो प्रॉफिट है ये आपने अपने ही सब्सिडी से कमाया है तो अगर आपकी इन्वेंट्री ईयर एंड में सी एफ एस में ही पड़ी है क्या बोला मैंने अगर आपकी इन्वेंट्री ईयर एंड में सी एफ एस में ही पड़ी है तो जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा सी एफ एस के अंदर

जब आप सेल्स परचेज एलिमिनेट करोगे देखो सब्सिडी के बीच में सेल परचेज भी तो हुआ है वो भी इंटर कंपनी हो गया वो भी एलिमिनेट करना होता है अपने को तो अगर आप ध्यान से देखोगे जब ए के ने बेचा होगा तो एंट्री मारी होगी कैश बैंक टू रेवेन्यू लाख छ लाख और जब मेरी सब्सिडी बीबी वर्चुअल में परचेस किया रहेगा तो एंट्री मारी होगी परचेज टू कैश बैंक बैक लाख छः लाख तो सबसे पहले आप इसको करोगे एलिमिनेट कैसे रेवेन्यू टू परचे छ लाख छह लाख मतलब सेल्स और परचेज आपने एलिमिनेट कर दिया ये कब एलिमिनेट होगा ट्रांजेक्शन डेट ऑफ एक्शन मतलब ट्रांजेक्शन है यह डेट ऑफ एक्शन के बाद चाहिए तो यह एलिमिनेट करना किसकी बात किया मैंने सेल्स परचेस की बात किया अब मैं यू आर पी की बात करूंगा यू आर पी मतलब एक लाख का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कैसे एलिमिनेट होता है जो आपके रिजर्व है वो कम हो जाएंगे और इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो जाएगा ठीक है अब ये एलिमिनेशन कब होगा ये एलिमिनेशन कब होगा ये दो केस में हो मतलब दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा सबसे पहला एक तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डेट ऑफ एक्वेशन मतलब आपका ट्रांजेक्शन डेट ऑफ एक्वेशन के बाद हुआ है एंड इन्वेंट्री शुड बी अनसोल्ड ऑन ईयर एंड इन्वेंट्री आपकी अनसोल्ड रहनी चाहिए ईयर एंड पे जब ये दोनों फुलफिल होगा तो ही यूआरपी एलिमिनेट होगा देखो इन्वेंट्री अनसोल्ड रहने का कंडीशन इधर नहीं है तो सेल्स परचेस तो आप हर केस में क्यों एलिमिनेट सिर्फ यूआरपी की जब बात करोगे तो इन्वेंट्री आपके स्टॉक में बची होनी चाहिए सर इन्वेंट्री नहीं बची है तो तो ये एंट्री नहीं आएगी सर इन्वेंट्री थोड़ी सी बची है तो, तो जितनी बची है उतना ही यू आर पी करना फिर क्वेश्चन कराऊंगा मैं टेंशन मत लो तुमको समझा मैंने क्या बोला यस yes, सर अब है ना जब आप आईसीआई की एंट्री देखोगे ना तो आईसीआई ऐसी अलग अलग एंट्री नहीं मारता है आईसीआई सीधा एंट्री मारता है वो बोलता है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देख लो छ लाख टू कंसोलिडेटेड सीओ जी एस पांच लाख टू इन्वेंटरी एक लाख सर ऐसे कैसे बेसिकली रेवेन्यू पूरा छः लाख एलिमिनेट किया सेल्स जो परचेस है और ये जो पी है दो बार हो रहा है पी एक तरफ परचेस क्रेडिट हो रहा है ये पी डेबिट हो रहा है तो उन्होंने नेट करके उसको पांच दिखाया और इन्वेंट्री दिखाया एक लाख ये मैंने बताया था क्लास के अंदर भी तो आप एग्जाम में कौन सी मारोगे जो आई सी किया वो एंट्री माना कहा आने का दम क्लियर लॉजिकली ये समझता है इस एंट्री से अपने को लॉन्ग कट वाली से लेकिन शॉर्टकट वाली आपको एग्जाम में पास करनी है अच्छा काम आसान हो जाएगा अपने लिए और क्या क्लियर वाला पार्ट ठीक है अब ये मैंने समरी दे रखा है कब कब सेल परचेस एलिमिनेट होगा और कब कब यूआरपी एलिमिनेट होगा सिंपल है मजा चुका ऑलरेडी ऊपर अब आएगा मजा जो आप कह रहे थे चैट बॉक्स में सर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कहां गया वो अब आएगा। अब आएगा ठीक है जब ये आपस के बीच का सेल परचेस हो रहा है तो इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हो एक होता है डाउनस्ट्रीम एक होता है अपस्ट्रीम ठीक है ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या होता है सुनना डाउनस्ट्रीम का मतलब जब बड़े ने बेचा छोटे को बड़े ने बेचा छोटे को डाउनस्ट्रीम पेरेंट सेल्स टू सब्सिडरी बड़े ने बेचा छोटे को डाउन स्ट्रीम ठीक है अपस्ट्रीम क्या होता है छोटे ने बेचा बड़े को अपस्ट्रीम, स्ट्रीम सब्सिडी ने बेचा पेरेंट को उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ जा रहे ये फ्लो उसका ऊपर बन रहा है अपस्ट्रीम ठीक है अब इस केस में करना क्या होता है आपको वैसे मैं रियल में बोलू डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम मत याद रखो आप ये देखो किसने किसको बेचा पेरेंट ने बेचा सब्सिडरी को प्रॉफिट किसने कमाया है प्रॉफिट पेरेंट ने कमाया है तो पेरेंट के रिजर्व से कम करेंगे क्या बोला मैंने प्रॉफिट किसने कमाया है प्रॉफिट पेरेंट ने कमाया है तो पेरेंट के रिजर्व से कम करेंगे क्या एंट्री मारेंगे कंसोलिडेटेड पीएनएल टू इनवेंट्री बट ये पीएनएल तो बना नहीं रहा अपन किसके रिजर्व कम होने चाहिए पेरेंट पेरेंट के रिजर्व. का रिजर्व कहां दिख रहा है कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी स्टेप नंबर फाइव में दिख रहा है तो वहां से लेस करेंगे क्यों जिसने प्रॉफिट कमाया उसके रिजर्व से कम करो कहानी खत्म पेरेंट ने कमाया प्रॉफिट स्टेप नंबर फाइव से कम करेंगे अच्छा सेकेंड केस सब्सिडरी सोल टू पेरेंट Upstream, को भूल जाओ प्रॉफिट किसने कमाया ने कमाया ने के रिजर्व से कम करेंगे का रिजर्व कहां है? वहां से कम करोगे सर कौन से वाले से कम करेंगे सब्सिडी का जो पोस्ट वाला रिजर्व है उससे कम करना सब्सिडी का जो पोस्ट वाला रिजर्व उससे कम करना सर पोस्ट क्यों कम करेंगे क्योंकि याद है एलिमिनेशन तभी करना है जब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज आफ्टर डेट ऑफ एक्विजेशन मतलब ये ट्रांजेक्शन हुआ ही पोस्ट वाले पीरियड में सब प्री में होता तो प्री में होता तो एलिमिनेशन की बात ही नहीं आती अगर आपके बीच सपोज पेरेंट और सब्सिडी के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है डेट ऑफ एक्वेसन के पहले तो जब पहले हुआ है ट्रांजेक्शन तब तो उनका रिश्ता था ही नहीं तब दे वर नॉट इन द रिलेशन ऑफ पेरेंट सब्सिडरी तब तो बात ही मत करना यहाँ एलिमिनेशन होएगा ओनली व्हेन द ट्रांजैक्शन इज आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन इसलिए हमेशा लेस भी पोस्ट से होएगा

तो यू आर पी की वैसे डी टी ए भी आता है यू आर पी की वैसे डी टी ए भी आता है सर डी टी ए कैसे आता है क्योंकि आप यू आर पी सिर्फ अकाउंट्स में करते हो एलिमिनेट टैक्सेशन में यू डोंट एलिमिनेट द यू आर पी तो इसलिए वो डिफरेंस आएगा और डी टी ए आता है उसका लॉजिक मैंने नीचे दे रखा है शॉर्टकट बताऊँ क्या बताया था मैंने अगर ये अमाउंट नेगेटिव है तो डिफर टैक्स पॉजिटिव रहेगा शॉर्टकट है वो ठीक है अच्छा सेम स्टेप टू में अगर सब्सिडी के हिसाब से कम करना है तो देखो पोस्ट वाले में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद यहां से लेस करना पोस्ट में से ठीक है और क्योंकि लेस किया तो इस पर डी आएगा सर डी क्यों आएगा अगेन यू आर पी एलिमिनेट अकाउंट्स में हो रहा है टैक्स में नहीं हो रहा है विच क्रिएट्स अ टेम्पररी डिफरेंस लॉजिक चाहिए तो दे रखा है मैंने देखो जैसे यू आर पी एलिमिनेट करोगे तो कैरिंग अमाउंट पांच हो जाएगी कम हो जाएगी टैक्स बेस उतना का उतना ही रहेगा अब किसी असट का कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस ज्यादा है मेरा हिंट याद है ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टूवर्ड्स टैक्स बेस असट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है असट का कैरिंग अमाउंट पाँच है छे कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है तो डी टी एक रेट करना पड़ेगा लॉन्ग कट हो गया बट एग्जाम में इतना दिमाग लगाएंगे शॉर्टकट कर यूज करना सीधा सीधा ये तब करना जब टैक्स रेट दिया हुआ रहेगा गाइस सबको समझा ये मैंने समझाने का आपको एग्जाम्पल दिया टेंशन मत लो ये जहां जहां बड़े क्वेश्चन में आएगा मैं वो सब डिस्कस करूंगा आपके साथ बट तुमको क्या ये बात बेसिक से समझ में आती है क्या मेरे हीरो लोग बोलो यस सर यस सर चलो इसी बात पे अब कुछ क्वेश्चन हो जाए क्या और कुछ क्वेश्चन हो जाए और

कुछ नहीं बोला है तो बोनस हमेशा प्री में से दिया ये मानना है तो प्री रिजर्व हो गए कम टू इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल सब्सिडी का बढ़ता है प्री वाले रिजर्व कम होते हैं अल्टीमेटली आई एन ए पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है क्योंकि अगर आप देखोगे सपोज इक्विटी कैपिटल मान लो दस लाख था बराबर प्रीमियम बैलेंस मान लो पांच लाख था अब आपने एक लाख का बोनस दे दिया तो एक लाख आप यहाँ से माइनस करोगे ये चार लाख हो जाएगा बट एक लाख आप यहाँ ऐड भी तो करोगे ग्यारह हो जाएगा तो पहले भी आपका आई एन आ रहा था अभी भी पंद्रह ही आएगा तो नेट में कोई फर्क नहीं रहेगा अभी भी आपका आई एन ही आएगा बट ये बोनस का एडजस्टमेंट आपका होता है बाई चांस दिया तो कर लेना ठीक है वो ऐसे कभी कभी करता है कभी कभी बोलता है कोई इंपैक्ट नहीं तो हम नहीं करेंगे ठीक है बोनस का वापस से नीचे आएगा टेंशन मत लो बट बता रहा हूं बोनस इस तरीके से होता है इज इट टू एवरी ठीक है अब है ना मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊ उसके पहले जितना भी अब तक पढ़ाया ना समरी का समरी दे रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना अगर आपने ये मेरी बातें सुन ली ना आपका सी एफ एस पक्का हो जाएगा ठीक है क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊँ उसके पहले आपको समरी देना चाहूंगा मैं अब मेरी बात पूरी कान खुली रख के सुनते हुए चलना बस ठीक है सबसे पहला जब भी, भी आप सी एफ एस बनाओगे कितने स्टेप्स पांच स्टेप स्टेप नंबर वन रहेगा आपका पीसी सी दिया हुआ रहेगा या इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से निकाल लेना दूसरा स्टेप आई एन ए आई एन ए किसका चाहिए होता है सब्सिडरी का चाहिए होता है इसमें अपन वन वन जीरो का मेथड फॉलो करेंगे किसका वन वन जीरो का जिसमें लेंगे इक्विटीश कैपिटल ऑफ एस फिर लेंगे अदर इक्विटी ऑफ एस बराबर ठीक है अब इक्विटी कैपिटल एस का जो भी रहेगा वो मान लेंगे डे वन पे उतना ही था वो ए का पार्ट बन जाएगा अब बात करेंगे अदर इक्विटी ऑफ एस की इसके दो हिस्से रहेंगे प्री और पोस्ट ठीक है सबसे पहला अगर आपको प्री का ओपनिंग दे रखा है ओपनिंग में लिखना बैलेंस पोस्ट में आ जाएगा इस दुनिया में सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा करना है आपको हमेशा डिविडेंड है कहां ऐड करना है पोस्ट में ऐड करना है सर ठीक है उसके बाद आप करोगे ऐड लेस टाइम एडजस्टमेंट पोस्ट से लेस करना प्री में ऐड करना सर ठीक है ये आपका हो जाएगा बाय चांस कोई बोनस है कोई बोनस है तो बोनस आप यहां से लेस कर देना और इक्विटी में बोनस ऐड कर देना बाई चांस हुआ तो नहीं और नहीं किया तो भी ठीक है मैंने बताया ना बोनस में कोई फर्क नहीं है और कुछ नहीं बोला तो बोनस हमेशा ऐसे ही करना बोनस के और परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते बाद में ठीक है? अब ध्यान से सुनना सबसे पहला अगर कोई भी रीवैल्यूएशन गेन है ऐड करना ठीक है कोई भी असेट पे मान लो रीवैल्यूएशन गेन है लैंड के ऊपर ऐड करना अच्छा अगर गेन आया है तो इस पर क्या आएगा डी टी एल आएगा तो डी टी एल रहेगा तो लेस कर देना ठीक है अच्छा अगर री वैल्युएशन लॉस होता तो लैंड पे तो लॉस आप लेस करते और इस पर डी टी ए आ जाता वो आप ऐड कर देते ये सारे सेट लाइबिक्ले कर देना ठीक है अच्छा कभी कभी ट्रेड पेबल रहेगा सपोज री वैल्युएशन लॉस है ट्रेड पेबल पे तो वो लेस कर देना और इसके ऊपर डी टी ए आएगा वो ऐड कर देना ये किया ठीक है उसके अलावा अगर आपको गेन आता है ऑन अ डेप्रीशियबल असेट ऑन अ डेप्रीशियबल असेट तो एड करना इस गेन पे डी आएगा वो लेस करना अब क्योंकि तो पोस्ट वाले कॉलम में आएगा एक्सेस डेप्रीसिएशन एक्सेस डेप निकालने के दो तरीके होते हैं या तो शॉर्टकट या लॉन्ग कट अगर गेन का अमाउंट दे रखा था डायरेक्टली या लाइफ दे रखी थी तो शॉर्टकट वरना लॉन्ग कट ठीक है और क्योंकि एक्सेस डेप लेस हुआ है तो इसका डिफॉल्ट टैक्स आप एड कर देना अब इसमें एक और चीज मान लो एसेट पे गेन नहीं लॉस आ गया मान लो रीवैल्यूएशन लॉस आ गया ऑन डेप्रिशियबल एसेट तो लॉस तो आपने लेस किया रहेगा लॉस है तो इस पर डीटीए आएगा वो ऐड करोगे अब खास बात ये है अगर लॉस आता है तो एक्सेस डेप नहीं होता है जय वेरी गुड आंसर सेविंग्स इन डेप होता है तो आप क्या करोगे आप बोल दोगे एड से फॉर्मूला निकालने का सेम है बस savings in हो जाएगा और क्योंकि आपने किया है तो इसका अभी negative हो जाएगा ये ध्यान रखना ठीक है तो ये हो गए आपके वैल्यू एडजस्टमेंट्स उसके बाद आखिर में अगर कोई यू आर पी ट्रांजेक्शन है जहां सब्सिडी ने पेरेंट को बेचा था तो प्रॉफिट सब्सिडी ने कमाया होगा तो फिर आप लेस यहां से यूआरपी भी करना पोस्ट वाले में नेगेटिव है तो इसका डिफॉल्ट टैक्स पॉजिटिव होगा वो आप एड कर देना खत्म हो गई कहानी यह आपका प्री हो गया यह आपका पोस्ट हो गया जो आप टोटल ने आपका होगा जो टोटल ने आपका होगा इट विल बी इक्विटी कैपिटल प्लस प्री बराबर जो आपका पोस्ट होगा ये दो लोग बांट के ले जाएंगे वो है पेरेंट और

एंड का उसमें सबसे पहले जो ओपनिंग है वो लिखना जो इसके पोस्ट का हिस्सा है वो एड करना जो इसका डिविडेंड है वो माइनस करना उसके अलावा अगर कोई गुडविल इंपेयरमेंट है ये कब आएगा जब गुडविल होगा फुल फुल गुडविल होगा तब आएगा तो वो लेस कर देना ये आपका एनसियर निकल जाएगा ईयर एंड का स्टेप नंबर थ्री आल्सो खत्म सबको समझता है यह वाला पार्ट यस सर चलो स्टेप नंबर फोर की बात करते हैं स्टेप नंबर फोर में क्या आता है आप बोलोगे जितना पीसी है वो प्लस आप कर देना आई एन ए प्लस आप कर देना एनसीआई सॉरी प्लस नहीं प्लस एनसीआई करना लेस आई एन ए कर देना सॉरी लेस कर देना आप आई एन ए बराबर अच्छा कोई प्रीवियसली हेल्ड है तो वो ऐड करना मत भूलना प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट हम 103 में लिया करते थे वो बराबर हमको मिलेगा गुड्डू 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 ये जो गुड्डू मिला इसमें से आप इंपेयरमेंट लेस करोगे बराबर तो आपको मिलेगा जो गुडविल है ईयर एंड का वो अब अगर इंपेयरमेंट है तो दो लोग बेर करेंगे एक तो एनसीआई और एक पेरेंट बट ये तब होगा जब गुडविल होगा फुल। है तो एक ही बैर करेगा। ये आपका स्टेप नंबर हो गया सर अच्छा सर इसी बात पे स्टेप नंबर फाइव करा दो ना फटाफट से हमको तो आपका स्टेप नंबर फाइव होता है कंसो अदर इक्विटी इसमें वैसे बहुत कुछ आ सकता है लेकिन जो काम की बात है वो करूंगा आपके साथ सबसे पहले आप लिखना पेरेंट का अदर इक्विटी इसमें आप जो पोस्ट वाला हिस्सा है वो ऐड करोगे इसमें से जो इसका डिविडेंड है वो लेस करोगे जो इसका गुडविल का इंपेयरमेंट है अब यहां तो फुल हो कि पार्शल हो दोनों इंपेयरमेंट लेस हो जाएगा इसके अंदर बराबर इसके अलावा इसमें और क्या आ सकता है इसमें वो छोटे मोटे एडजस्टमेंट या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड करना भूल गए वो अनवाइंडिंग वाला इंपैक्ट आ गया ऐसा बहुत कुछ आ सकता है इसके अंदर ऐसा बहुत कुछ आ सकता है इसके अंदर उसके अलावा एक और चीज़ आ सकती है पता है अगर पेरेंट ने बेचा है सब्सिडरी को तो पेरेंट प्रॉफिट पेरेंट ने कमाया था तो यहाँ उसका यूआरपी आप लेस कर देना बराबर और इसका यूआरपी यहां यहाँ से लेस हुआ है तो इसका डीटीए इधर ही कंसिडर कर लेना स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप फाइव मोटा मोटी एडजस्टमेंट्स हो गए अब ऑफकोर्स क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा इसमें और कुछ भी आया तो आया बट इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए बोलो समझता है कि नहीं समझता है बोलो यस सर एक ये हो गया आपके रिविजन का रिविजन जितना पूरा पढ़ाया ना अभी आगे पहले में वो पूरा एक साथ खत्म कर दिया अब मैंने मजा आया चैप्टर खत्म नहीं हुआ है बाकी है बट ये मेन है जब तक बताया वो मेन है अब इतना समझा दो मैं क्वेश्चन पे आऊंगा फिर फटाफट फटाफट क्लियर आ जाओ सर अब क्वेश्चन करते हैं ठीक है टेंशन मतलब बीच में आपको ब्रीदर दूंगा मैं तीन चार मिनट का पहले एक क्वेश्चन कर लो छोटा सा मेरे साथ में ठीक है इधर आ जाओ हमने एक इलेस्ट्रेशन नंबर 65 किया था याद है ब्लू हेवेंस लिमिटेड और ऑरेंज और काउंटी लिमिटेड का बराबर प्लीज मिनिमाइज दिस स्लाइड वांट टू टेक स्क्रीनशॉट अरे मैं डालता हूं बोर्ड नोट्स में टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग टेंशन मत लिया करो लिखा हुआ अपने पास अब हाई टेंशन लेने ना है चलो इधर आऊ इलेक्शन सिक्सटी फाइव ब्लू हेवेंस लिमिटेड का एक पॉइंट था जहां हंड्रेड परसेंट एक्वायर किया है ऑरेंज काउंटी का ठीक है छह हजार के कैश में एक्वायर किया अपन ने अब यहाँ क्या है हमने कब एक्वायर किया है ये डेट ऑफ एक्विजिशन का ये अपने को बैलेंस शीट दिया हुआ है तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना ये वन वन जीरो का नहीं है ये वन जीरो थ्री का क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए तो करवा क्यों रहे हो सर ये क्योंकि इसका लिंकेज आगे वाले क्वेश्चन में ठीक है एनीवेज तो अपने को फेयर वैल्यू दे रखा है तो हम क्या करेंगे सब असट का फेयर वैल्यू कंसिडर करेंगे यहाँ डेट ऑफ ए ईयर एंड ठीक है, ये है तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बड़ा सिंपल था स्टेप नंबर वन पी स्टेप नंबर टू आई अब आई मैंने दो तरीके से निकाल दिया अगर आप वन जीरो थ्री से निकालोगे तो भी आपको यह आंसर आएगा अगर आप वन वन जीरो से निकालोगे तो भी आपको सेम आंसर आएगा क्यों वन वन जीरो का चाहिए ना तो सब्सिडरी का कैपिटल और रिटर्न लो और उसमें गेन के अमाउंट ऐड कर लो सारे गेन का अमाउंट ऐड कर लो तो मैंने वो किया तो भी सेम आंसर आया मेरे को ठीक है चलो उसके बाद एनसीआई है नहीं बिकॉज मेरा हंड्रेड परसेंट स्टेक है गुडविल आ गया आ गया आप बैलेंस शीट बना लोगे बड़ा सिंपल है कुछ नया नहीं था इसके अंदर ये डिस्कस मैं कर रहा हूं ओनली फॉर द फ्यू फर्दर क्वेश्चन रखना फिर आपका आएगा इलेस्ट्रेशन नंबर सिक्सटी सिक्स इसमें भी सेम है इट इज सेम एज इलेव फर्क इतना है हमने हंड्रेड के बदले सेवेंटी फाइव परसेंट एक्वायर किया तो बताओ इस पिक्चर में क्या आ जाएगा इस पिक्चर में इनसे आ जाएगा बस बाकी यहां भी डेट ऑफ एक्वेशन और यर एंड सेम है तो एक्चुअली ये भी क्वेश्चन वन जीरो थ्री का है। बस फर्क इतना है हमने हंड्रेड परसेंट के बदले सेवेंटी किया है तो गुडविल थोड़ा बहुत चेंज होएगा आपका और एनसी आ जाएगा इस केस में मेरे ख्याल से आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ठीक है अब 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 आएगा मजा अच्छा इसमें जब बैलेंस शीट बनाओगे ना तो क्योंकि डेटा प्रीवियस क्वेश्चन का है तो थोड़ा सा कैश में इंपैक्ट लेना पड़ेगा आपको मैंने वो लिखा के दिया हुआ है तो आप चाहिए तो पढ़ लेना वो एग्जाम के लिए काम करना बिकॉज एग्जाम में वो सही से करके दिया आपको एनीवेज इधर आओ इन नंबर सिक्सटी के अंदर मजा इधर है ठीक है

करंट ईयर में आपने फाइव फिफ्टी कमाया है बराबर तो ये आपका पोस्ट में आ जाएगा जो करंट ईयर में कमाया है बाकी प्री रहेगा तो उसके लिए काम आएगा आपको ये ठीक है उसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट है बोलता है ब्लू एवं का गुडविल हैज बिन इम्पेयर बाय नाइन्टी एट मैं बताना भूल गया प्रीवियस क्वेश्चन में एनसीआई वॉज एट पी एस एन प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक है ये तो एन सी आई इज एट पी एस एन ए तो ये जो इम्पेयरमेंट है ये कौन बेयर करेगा पेरेंट एनसीआर दोनों बैर करेंगे कि अकेला पेरेंट बैर करेगा ये जो है अकेला पेरेंट बैर करेगा क्योंकि एनसीआर पी एस एन ए पे तो गुडविल पार्शल होगा फिर बोल रहा है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स टू बिल्डिंग एंड अदर पीपी लाइफ ऑफ ट्वेंटी ईयर्स अब इसमें एक दिक्कत पता क्या है पीपी का जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट था वो इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया गया है उसके लिए अपने को ऊपर के क्वेश्चन रेफर करने पड़ेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन रेफर करने पड़ेंगे इसलिए मैंने ऊपर के क्वेश्चन करा है तो ऊपर का जो सिक्सटी फाइव क्वेश्चन था ना उसमें बताया था पीपी पे गेन कितना है तीन सौ का इन्वेंट्री पे गेन कितना है सौ का देखो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में आपको एक सिंगल क्वेश्चन में सब डेटा दिया हुआ रहेगा बट यहाँ मुझे कुछ डेटा प्रीवियस क्वेश्चन से कॉपी करना पड़ेगा आई हैव नो अदर ऑप्शन ठीक है तो गेन का अमाउंट बिल्डिंग का तीन सौ रुपया प्रीवियस क्वेश्चन से ऐड कंसडर किया इन्वेंट्री का सौ रुपया प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने कंसिडर किया ठीक है एग्जाम में ऐसे देगा टेंशन मत लेना उसके बाद बोलता है तो एक तो आपका प्री में आ जाएगा गेन का अमाउंट और ये दिया हुआ है मतलब पोस्ट में आपका एक्सेस डेप रिसीव करेक्ट आंसर पोस्ट में आपका एक्सेस डेप आ जाएगा ठीक है आगे अब ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑल द इन्वेंट्री हेल्ड बाय ऑरेंज काउंटी एज आ थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेल्व वॉज सोल्ड ड्यूरिंग ट्वेंटी जितनी भी इन्वेंट्री आपके पास बची थी आपने वो सारी बेच दी कौन सी इन्वेंट्री जो डेट ऑफ एक्वेशन की इन्वेंट्री थी वो बेच दी तो क्या फर्क पड़ेगा सर इससे अरे बताओ इससे क्या फर्क पड़ेगा आदि वेरी गुड आंसर जो भी आपने प्री में में का गेन बुक किया रहेगा पोस्ट में सारा रिवर्स हो जाएगा सिर्फ गेन का अमाउंट रिवर्स होगा तो अब जब आप सिक्सटी करोगे सुन लो जो गेन है बिल्डिंग पे और जो गेन है इन्वेंट्री पे ये जो अमाउंट है आपने कॉपी किया प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्डिंग पे पोस्ट में आएगा एक्सेस डेप और इन्वेंट्री का जो गेन है क्योंकि इन्वेंट्री बिक चुकी है तो पोस्ट में हो जाएगा रिवर्सल बराबर बस ये आपको ध्यान रखना बाकी क्वेश्चन में कोई दमी नहीं है आई एन ए मिलेगा टोटल आई एन ए में इक्विटी कैपिटल ऐड करना भूलना मत ये दो लोग के अंदर बढ़ जाएगा पेरेंट एंसिया के अंदर बस बना देना बैलेंस शीट जब बैलेंस शीट बनाओगे तो जो इन्वेंट्री का अमाउंट है फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री अगर आप देखोगे तो कितना है एट हंड्रेड प्लस फाइव फिफ्टी आप बोलोगे प्लस हंड्रेड माइनस हंड्रेड बस तो फेयर वैल्यू इंपैक्ट कुछ नहीं आएगा ये डी की तरह सब्सिडी की इन्वेंट्री को निल्मत कर देना वो तो रहेगी ठीक है यस

जो समरी की मैं बात करूं देखो समरी यहाँ दे रखी है मैंने अच्छे तरीके से ठीक है इसमें बस बोनस ऐड करना भूल गया हूं, तो बस बोनस ऐड कर देता हूं ताकि जब बोर्ड नोट डालूंगा तो आप इसका एक वो बढ़िया सा ले सकते हो ठीक है ठीक है चलो तो ये मैं आपके अपलोड कर दूंगा इसमें सब स्टेप का समरी दे रखा है मैंने बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से ओके चलो अब उसके बाद आपको पता है ना रिसेंटली इन्होंने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछना शुरू किया आपको पास्ट एग्जाम में पूछना शुरू किए कुछ आर में पूछना शुरू किए तो इस रिविजन में मैं उसको भी रिवाइज कराऊंगा ठीक है आ जाओ क्योंकि देखो अपने एडजस्टमेंट सारे हो चुके हैं मोटा मोटी ओके आ जाओ थोड़ा पानी पी लो चैप्टर खत्म नहीं हुआ ध्यान रखना और भी है हाँ सबसे पहले अपने पास जो क्वेश्चन है करने को दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है दो क्वेश्चन मुझे और सुन लो फिर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक दूंगा थोड़ा सा ब्रेक दूंगा दो क्वेश्चन थोड़ा और सुन लो ठीक है सुन लो ये मैं क्वेश्चन थोड़ा शांति से कराऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना फेस हो

तो और नॉट ये बोला नहीं है पॉसिबल तो कि इसमें दो तीन चीजें और हो इसमें बाकी इन्वेस्टमेंट भी हो ध्यान रखना तो ईश्वर अपना पेरेंट है विनायक अपना है। और क्या है सर? सब डेटा आपको देकर रखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ईश्वर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन विनायक लिमिटेड ठीक है अच्छा किसी ने बोला ये एडिशन सेवन में है ही नहीं एडिशन सेवन से एडिशन एट की एक पीडीएफ है ट्रांजेक्शन की मैं जमाने पर डाल चुका हूं तुम टेलीग्राम पे जाके देखो जाके देख रिकॉर्ड में है ना तुम उठ के आओगे ऐसा मुंह उठा बोलोगे मेरे को तो मिला ही नहीं तो तुम क्या सो रहे थे इतने दिन तक कब से डाल कर रखा है मैंने वो जाके देखो उधर तुम आधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिर बोलोगे किताब में से क्वेश्चन ही नहीं आया मजा आ जाएगा तुम्हारा जिंदगी में अभी ध्यान दो इधर इन्वेस्टमेंट ईश्वर ने इन्वेस्ट किया विनायक में

कि हमने इशू किया वन शेयर फॉर एवरी टू शेयर रखा है सात रुपए का तो आपका पीसी आया चौदह सौ का पीसी इतना ही है सिर्फ ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हाई वैल्यू पे दिख रहा है टू डबल वन फाइव ट्रिपल जीरो है ना बट इसमें से आपको चौदह सो माइनस करना है अच्छा मैं बता दूं

पता है ना सी एफ एस में इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करते हैं अपन ध्यान रखना पहला चीज़ तो मेरा पीसी सी को मिल गया फोर्टीन हंड्रेड मिलियन दूसरा ईश्वर लिमिटेड अपॉइंटेड अ प्रोफेशनल फर्म फॉर कंडक्टिंग ड्यू ड्यूटेलिजेंस तो वो फर्म ने कुछ चार्जेस लिए उसको बोलते कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पंद्रह मिलियन ये पीरियड में जाना चाहिए था अब इन्होंने रायता क्या फैलाया सुनना ईश्वर लिमिटेड इंक्लूडेड दिस एक्विजिशन कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओन येडो ने इस पंद्रह मिलियन को एंट्री क्या आनी चाहिए थी पीएनएल टू कैश बैंक इन्होंने एंट्री मार दी इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक तो आपको सही एंट्री नहीं मारनी है आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री मारनी है तो मैंने वो आपको मार मारके सिखाया देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री इधर देखो मेरे साथ किधर की रेक्टिफिकेशन एंट्री मेरी ये रही देखो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्वेशन रेक्टिफिकेशन एंट्री पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट बराबर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी सर ऐसा कैसे कैश सॉरी पी एन एल टू कैश बैंक शुड बी द आइडियल एंट्री बराबर इन्होंने एंट्री क्या मारी इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक ये एंट्री मारी इन्होंने इसका मतलब आपने ये गलत कर दिया ना तो जो गलत किया उसको आप रिवर्स करोगे तो आप बोलोगे टू इन्वेस्टमेंट बराबर और डेबिट क्या करना पड़ेगा तो सही है पीएनएल तो पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट ऐसी एंट्री बनती है अब मैं आपको बचपन में जाकर रेक्टिफिकेशन भी सिखा के आऊ हाँ सीखते थे ना बचपन में ये वो ये एंट्री है तो क्या करेंगे इतना वैल्यू मेरे पीएनएल रिजर्व से कम हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट से भी कम हो जाएगा क्योंकि वो आपने गलती से इन्वेस्टमेंट में जोड़ दिया था बराबर तो इसलिए मैंने बोला इधर ही लिख के बता दिया मैंने कि इतने इन्वेस्टमेंट में से 1400 सौ पीसी के रंग का कम होगा और ये कॉस्ट ऑफ एक्वे के रंग में कम होगा देखो नॉर्मल यहां से कम करते नहीं है बट उन्होंने गलती की है तो वो रेक्टिफाई कर रहा हूं इसलिए कम किया यहां से ये तो एडजस्टमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ठीक है उसके बाद सिंपल है उसके बाद क्या बोलता है सब्सिडरी को अपन ने एक बार भाई देखा फर्स्ट डे पे क्या था मेरे ख्याल से तो वो आई का डाटा देकर रखा है कि रिटर्न टनिज इतना अदर कंपोनेंट इतना है आपके आई में काम आएगा प्री वाला बैलेंस है ही आपका प्री वाला बैलेंस ठीक है उसके बाद नीचे दे रखे आपको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स क्या दे रखे आपको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स तो इसमें करना क्या है कुछ नहीं जो भी गेन है वो कंसिडर करना बराबर अगर गेन जैसे लैंड का देखो लैंड का कैरिंग अमाउंट थ्री फिफ्टी है और लैंड का फेयर वैल्यू फोर हंड्रेड है तो गेन का अमाउंट कितना हो गया पचास का तो ऐड कर दूंगा मैं इधर देखो मैंने यही किया हुआ है पहले मैंने इक्विटी लिखा फिर प्री और पोस्ट किया फिर डिविडेंड है नहीं टाइम एडजस्टमेंट है नहीं क्योंकि आपने फर्स्ट डे पे एक्वायर किया हुआ है इसमें गेन क्या लैंड का अच्छा एक स्पॉलर दूँ यहाँ टैक्स का रेट भी दे रखा है तो जब गेन आएगा तो डी आएगा लॉस आएगा तो डी आएगा तो लैंड पे गेन था तो उस पर डीटी आ गया अब बिल्डिंग का बात किया हुआ है बिल्डिंग फोर का कैरिंग अमाउंट है उसका फेयर वैल्यू छः मिलियन है तो गेन का अमाउंट कितना है वन लेकिन लाइव दे रखा है तो एक्सेस डेप भी आएगा कितने साल का आएगा सर पोस्ट में आपके साल साल। साल साल। है, तीन साल, किया में, पूछा है में पूछा का। पढ़ो के का नीचे मालूम पड़ेगा। आएगा भाई साहब। बराबर तो करोगे आ जाएगा और इन दोनों गेन और एक्सेस डेप पे टैक्स भी आएगा गेन है तो डिटेल नेगेटिव आएगा एक्सेस डेप नेगेटिव है तो इसका डिफर टैक्स पॉजिटिव आएगा अब देखो मैंने आपको समराइज करवा के रखा है उधर अच्छे से ध्यान रखना ये वही अपन कर रहे हैं बस उसको बस अपन क्वेश्चन में डाल रहे हैं स्टेप्स को जो आपने सीखे उधर तो ये मेरे पहला एडजस्टमेंट हो गया दूसरा एक और प्लांट इक्विपमेंट है कैरिंग अमाउंट छः है फेयर वैल्यू सात है बस तो यहाँ भी आपको ये करना है सौ रुपए का आपका गेन होएगा प्लांट है तो इस इसपे भी एक्सेस डेप आएगा बराबर वो भी निकाला और इन दोनों पे डिफर टैक्स का चीज भी आ जाएगा कुछ नहीं है बेसिकली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स है ठीक है तो जिस पे डिप्रिशिएबल पे

बट लाइब्रेटी का फेयर वैल्यू थर्टी मिलियन है एक ऐसी लाइब्रेटी इसका कैरिंग अमाउंट जीरो था फेयर वैल्यू थर्टी मिलियन है तो मेरे लिए पूरा का पूरा लॉस हो गया भाई मेरे लिए पूरा का पूरा लॉस हो गया तो थर्टी मिलियन का लॉस मैं प्री में कंसिडर करूंगा बराबर तो मैंने क्या किया मैंने लिखा कंटिन्यूट लाइब्रेटी पे लॉस पूरा थर्टी सर हमने यहां डायरेक्टली फेयर वैल्यू का अमाउंट क्यों लिखा बिकॉज कैरिंग अमाउंट जीरो होता है तो पूरा लॉस कंसिडर किया अब लॉस है

तो आएगा तो कुछ एडजस्टमेंट निकल के आएंगे इसमें से हट जाएंगे कुछ एडजस्टमेंट ठीक है तो ये आपके फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाले सारी चीजें हो गई बोल है डिफर टैक्स था वो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है आगे फिर बोला डिरेक्ट ऑफ ईश्वर द प्रोपोर्शन सेट मैथ मेजरिंग एनसीआ मतलब एनसीआ पी एस एन ए पे कोई दिक्कत नहीं है सर फिर इंपेयरमेंट रिव्यू ऑफ गुडविल अब गुडविल का इंपेयरमेंट हुआ है सर अब इसमें एक खास बात है ये जो इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन है ना ये पता है एक कॉमन पुल का कंसेप्ट है अभी जिसने कॉमन पुल का लेक्चर दे रखा है उस उसको समझेगा बाकी ये पॉइंट अवार्ड कर लेना आप मतलब अवार्ड मतलब छोड़ मत देना जब कॉमन पुल करोगे तो समझेगा क्या है सर वो कॉमन कॉमनपूल वाला कंसेप्ट ग्रॉसअप का कंसेप्ट पढ़ते अपन इन 36 में कि अगर बाय चांस गुडविल पार्शल है और आपको सीजीयू में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करना है तो आपको पहले ग्रॉसअप करना पड़ता है मतलब एनसीआई का भी गुडविल ऐड करना पड़ता है और फिर आप कंपेयर करते हो अब जिसको वो पता है उसको समझ गया मैंने क्या बोला जिसको नहीं पता है तुम पहले कॉमन पुल देखना या फिर इंडेस थर्टी सिक्स में वो मैंने रिवाइज करवाया हुआ है वो देखना ठीक है तो इसकी कैलकुलेशन देख लो कैसे होती है ये तो गुडविल इंपेयरमेंट है ना तो मैं आई ए क्लोज कर दूं मेरा आई हो चुका तो जो प्री है और जो इक्विटी कैपिटल है वो आईने बनेगा पोस्ट दोनों के अंदर बटेगा ये हो गया ठीक है एनसीआर सिंपल है एनसीआर निकलेगा डेट ऑफ एक्वेशन का PSNA से ईयर एंड पे कैसे निकलेगा ओपनिंग और पोस्ट बाकी वो एडजस्टमेंट ही नहीं है फिर आया गुडविल पी सी प्लस एन सी आई माइनस आई ने मिलेगा पार्शल गुडविल क्या मिलेगा मिलेगा पार्शल गुडविल सर इसमें से इंपेयरमेंट लेस करना है ये जो इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन है वो यहां दे रखिए ये कॉमन पुल में देखो कॉमन पुल क्या होता है जो मेरे से बच्चे पढ़ते उनको समझेगा आप अगर किसी और से पढ़ के आए हो तो आपको नहीं समझेगा वट इज कॉमन पुल आपको शायद आता होगा ये चीज़ ठीक है तो सुनना सी जी यू में क्या होता है नेट एसेट और गुडविल अभी गुडविल पार्शल है बट रिकवरेबल अमाउंट एज पर फुल गुडविल होता है तो आपको ग्रॉसअप करना पड़ता है इसको बोलते हैं नोशनल गुडविल ऐड किया आपने ठीक है तो फिर आप कंपेयर कर दो इंपेयरमेंट आता है अभी इंपेयरमेंट से गुडविल का आया गुडविल सफिशियंट है बट पूरे गुडविल में थोड़ा सा नोशनल था तो जितना नोशनल था उतना आप इंपेयरमेंट इग्नोर करोगे बाकी इंपेयरमेंट आप बुक करोगे ये आता है तो ठीक है वरना छोड़ देना मतलब मतलब बाद में कर लेना ठीक है चलो तो इंपेयरमेंट आ गया अब मान लो इंपेयरमेंट आ गया ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो क्या करेंगे इसको क्योंकि पार्शल है तो अकेला पेरेंट पेयर करेगा तो एक तो गुडविल कम करोगे दूसरा पेरेंट देखो यहां से आपने एडजस्ट किया पेरेंट से वो पोस्ट का हिस्सा फिर याद है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंट्री क्या पी एन एल टू इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तो कम कर दिया पी एन इंपैक्ट लेना पड़ेगा ना इधर पंद्रह वो लिया और गुडविल इंपेयरमेंट का इंपैक्ट लिया आपने बाकी के दिन क्या बाद में बताऊंगा यहाँ तो समझा सब लोग को यहाँ तक यस वापस बता दू इसका डिटेल सोलूशन है नवंबर ट्वेंटी थ्री के आर में मेरे चैनल पर फ्री में देख लेना जाके ठीक है पूरा करना है तो ये अपना हो गया अब आइडली मुझे लगता है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहां तक आएगा क्योंकि चौदह मार्क के लिए क्या क्या पूछ लेगा भाई वो अब इन्होंने एक और काम किया है ये एडजस्टमेंट प्रोविजन का ये भी शानदार है ठीक है ये है सिंपल क्वेश्चन लेंदी बहुत है मेरे को लगता है बीस नहीं सौ मार्क का पूछना मांगता है इन लोगों को ये क्वेश्चन क्या बोलते हो हाँ इधर सुनो ये प्रोविजन इसको भी शानदे से कर लेते हैं ऑन फर्स्ट अप्रैल थर्टीन अच्छा मैं बता दू ये प्रोविजन का आई एन से कोई लेना देना नहीं है मतलब इसका आपके कंसोलिडेशन से कोई लेना देना है ही नहीं ये प्रोविजन पेरेंट का है पेरेंट के बुक्स में अपन ये चीज करने वाले हैं ठीक है तो इसका आपके जो पांच मतलब चार स्टेप थे ऊपर के एनसीआई हो गया आई हो गया पीसी हो गया गुडविल हो गया उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है ये अलग से एक एडजस्टमेंट डाल दिया इन्होंने मतलब बैलेंस शीट के एक आइटम का जो पेरेंट को बिलोंग करता है उस पर एडजस्टमेंट आई है क्या बोलता है सुनना फर्स्ट अप्रैल थर्टीन ट कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन करंट असेट विद ट्वेंटी ईयर्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दे रखा है ठीक है ईश्वर हैजीगल ऑब्लिकेशन टू रिस्टोर द साइट जब भी भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है आप वो डी कमिश्निंग याद है डी कमिश्निंग डी कमिश्निंग हम प्रेजेंट वैल्यू पे कंसिडर करते हैं याद है ये वाला पार्ट क्या ये yes. तो डी कमिश्निंग वॉज वन ट्वेंटी फाइव मिलियन जो बहुत साल के बाद इंकर करनी थी अब इन महारथियों ने निकाली नहीं प्रेजेंट वैल्यू इन्होंने पता है कैसे किया बोले वन ट्वेंटी फाइव मिलियन है इसको हमको बीस साल का करना है लाइफ ट्वेंटी ईयर्स है तो इन्होंने कैसे पता है? बुक किया वन ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी किया तो आया सिक्स पॉइंट टू फाइव इन्होंने बस ये बुक कर लिया इन्होंने बोला इसका प्रोविजन बना सिक्स पॉइंट टू फाइव का सही है क्या एकदम गलत है वाहियात तरीके से गलत है सेकेंड चीज इन्होंने कुछ नहीं बोला है तो हमने माना है कि प्रोविजन पी एन एल के थ्रू बनाया है इन्होंने ये भी बोला नहीं है कि हमने कैपिटलाइज किया है तो हम माना है कि प्रोविजन बनाया पी एन एल के थ्रू मतलब इन्होंने जो गलत एंट्री मारी है वो ये है पीएनएल टू प्रोविजन सिक्स पॉइंट टू फाइव सिक्स टू अकाउंटेंट ही है ये तो तो नहीं लग रहा है है मेरे को तो जो सबसे पहले गलत हुआ है, उसको रिवर्स करेंगे सुनो इसको करना कैसे थोड़ा सा डिटेल एंट्री बताऊंगा लेकिन आसान है वो ठीक है सबसे पहले जो आपने गलत किया वो रिवर्स करना है तो देखो मेरी सही एंट्रीज क्या है इधर एंट्री देखो मेरी आके करेक्ट ट्रीटमेंट किया रिवर्स किया गलत एंट्री पीएनएल टू प्रोविजन वॉज दट एंट्री उसका एंट्री मारा प्रोविजन टू पीएनएल रिवर्स किया इसका इंपैक्ट क्या रहेगा प्रोविजन कम हो जाएगा और पीएनएल में ऐड हो जाएगा देखो मैंने अदर इक्विटी में उसको ऐड भी किया हुआ है प्रोविजन को रिवर्स किया वो ऐड किया हुआ है मैंने क्योंकि वो रिवर्स कर रहा हूँ पहले तो जो गलत था उसको हटा दिया मैंने अब मैं सीधा सीधा सही ट्रीटमेंट करूंगा मेरे को यहाँ डिस्काउंटिंग रेट वगैरह दे रखा है कि 20 साल के बाद का वैल्यू रहेगा 31.2 पैसे तो 125 मिलियन

प्रोविजन मेरा बढ़ेगा उसके अलावा क्योंकि आपने पीपी -पी में कुछ डेबिट किया हुआ है तो उस पर आएगा two, से कोई लेना देना नहीं है इसका इंपैक्ट आएगा बैलेंस शीट में और एक इंपैक्ट जाएगा ना तो आपको ध्यान से एक एक करके इफेक्ट लेना पड़ेगा जैसे फॉर एग्जांपल पीपी मेरा बढ़ गया तो देखो मैंने पीपी में उसको ऐड किया थर्टी नाइन एड अच्छा मेरा मेरा बढ़ गया तो देखो देखो बढ़ाया रहेगा पहले जो गलत था उसको बाहर निकाला और, और किया ऐसा उसके बाद मैंने बोला इंटरेस्ट टू प्रोविजन तो इंटरेस्ट अच्छा रिजर्व कम होंगे इंटरेस्ट चार्ज के रिजर्व कम होंगे देखो रिजर्व कम किया मैंने की वजह से प्रोविजन बढ़ेगा प्रोविजन बढ़ाया सर मैंने फिर डेप्रीशियन टू पीपी तो एक तो जाएगा और डेप्रिशिएशन पेरें का आइटम है रिजर्व कम होगा देखो डेप्रीशिएशन रिजर्व कम किया फिर पीपी पीपी -पी मैंने और कम किया ये देखो ऐसा करना पड़ेगा आपको बैठ के तो इसका डिटेल्ड सोल्यूशन सोल्व करना बहुत जरूरी है अगेन आई एम सिंग ऐसे क्वेश्चन को देखकर ये मत बोलना इतना बड़ा क्वेश्चन है मैं नहीं कर रहा भाई एग्जाम में इट इज पॉसिबल पूरा क्वेश्चन आया ना, ना वो काट देंगे इंपेयरमेंट निकाल दिया ये निकाल दिया ऊपर का पूछ लिया क्या करोगे फिर तुम समझ रहे हो तो ध्यान रखना करके जाना प्लस क्लैरिटी मिलती है ना चार चीज सीखने को मिलता है अच्छी बात है करके जाना है ऐसा क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है ठीक है आई नो लेंदी है बट कोई फर्क नहीं पड़ता अपन करके जाएंगे उसके अलावा एग्जाम में जब बहुत लेंदी क्वेश्चन दिख जाए ना तो लास्ट में अटेम्प्ट करने का भाई छोड़ने का नहीं लास्ट में अटेम्प्ट करने का पहला अटैम्प नहीं करने का उसको ठीक है चलो तो ये अपना एक शानदार क्वेश्चन था आरटीपी नवंबर ट्वेंटी थ्री का उसके अलावा नवंबर तेईस में इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा एग्जाम में पूछा सीधा सीधा ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है तो इसको भी मैं कराऊंगा और फिर इसके बाद आपको ब्रेक दे रहा हूं मैं ठीक है क्या अभी ब्रेक ले लोगे अभी चाहिए ब्रेक अभी ले लो ब्रेक मुझे क्या है एक काम करो अभी ब्रेक ले लो अपन ब्रेक के बाद अच्छा क्वेश्चन करते हैं ठीक है थीके? चलो तो एट ट्वेंटी पांच मिनट का ब्रेक लेना ठीक है तो हम एट थर्टी टू आ जाएंगे वाटर ब्रेक ले लेते हैं मेरा पानी खत्म हो गया भाई थोड़ा कुएं से पानी भर के लाता हूं ठीक है चलो तो मिलना सर कितना रिविजन और बाकी है मुझे लगता है घंटे भर में अपन बाकी का रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट बट मुझे भगाना नहीं यार मुझे थोड़ा आराम आराम से करना है इसलिए तो पांच मिनट का ब्रेक लेते हैं पांच मिनट के बाद अपन रिज्यूम करेंगे मैं जरा पानी वानी भर के थोड़ा गले को भी रेस्ट मिल जाएगा फिर आपन रिज्यूम कर लेंगे ठीक है चलो तो सी यू आफ्टर फाइव मिनट्स अभी आपको समझ आ रहा है ठीक तो है तो बढ़िया और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना ठीक है बाय सी यू सी यू आफ्टर फाइव मिनट्स चलो कंटिन्यू करेगा इस छोटा सा ब्रेक काफ़ी है मैं भी बढ़िया पानी भर के ऐसा मटके से पानी भर के ले आया मैं भी आ जाओ खत्म करें फटाफट से चलो क्या बोलता है सुनना अब आया अपना प्यारा प्यारा क्वेश्चन नंबर टेन ठीक है सर क्वेश्चन नंबर टेन ही एग्जाम का क्वेश्चन था इसमें क्या था सुनना इसमें एक ट्रीटमेंट है ना इनकरेक्ट है मैं पहले तुमको बता दूँ एक ट्रीटमेंट था जिसकी वजह से बहुत हल्ला मचा था वो था डिविडेंड का जो इन्होंने गलत किया है मैं जो इन्होंने किया वही पढ़ाऊँगा ठीक है और एग्जाम में क्या करना सेम क्वेश्चन आया तो जो इन्होंने किया है वो करना बाकी सारे केस में आ, जो अपन सीखते हैं वैसा करना है ठीक है ध्यान रखना सी आई कांट हेल्प मतलब अपन या तो लड़ ले या पास हो ले मेरे को ऐसा लगता है पहले पास होना फिर लड़ लो इनसे ठीक है तो पहले पास होने पे फोकस करेंगे अपन तो याद कर लेना वो चीज सिखाता हूँ टेंशन मत मतलब. लो क्या बोलता सुनना एक्स्ट्रैक्ट दिया हुआ बैलेंस शीट का हैमर और स्लीक मतलब पेरेंट और सब्सिडरी का एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री गवन बिलो अगेन इसका भी डिटेल सोल्यूशन है या यूट्यूब पे मेरे एग्जाम सेशन आंसर का सेल्यूशन है पूरा नवम्बर ट्वेंटी थ्री का उसमें मिल जाएगा आपको तो नहीं किया तो कर लेना दो कंपनी का डेटा दे, देख रखा है आपको ठीक है अब सब कुछ दे रखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे बढ़ते हैं सर सीधा आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर पहला एडजस्टमेंट हैमर लिमिटेड एक्वायर्ड ट्वेंटी थाउजेंड शेयर ऑफ स्लीक ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी टू अच्छा स्लीक के अगर शेयर्स देखो दे स्लीक के शेयर्स जो है

ठीक है एनीवेज हाँ तो मैंने बोला अपने पास इतने से तो कंट्रोल नहीं आ रहा है ठीक है तो मैंने यहाँ लिखा रखा है देखो कि अपने पास सबसे पहले प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आगे बात करते हैं सर उसके आगे वो क्या बोलता है कि हमने और कितने एक्वायर किए और 17500 एक्वायर किए तो अगर आप अब निकालोगे अभी कितने एक्वायर किए आपने तो 17, 50, तो डिवाइड पहले का फोर्टी अभी का 35, मुबारक हो मुबारक हो आपके घर पे सब्सिडी हुई है आप पेरेंट बन चुके हो पिछहत्तर आपके पास आ गया है सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले अपन पीसी निकालेंगे अब कैसा है सुनना जब हमने फोर्टी परसेंट एक्वायर किया था तो टू लैख फोर्टी में एक्वायर किया था मेरे को तब की वैल्यू नहीं चाहिए मुझे आज की वैल्यू चाहिए ठीक है देखते कैसे निकालेंगे सेवेंटीन फाइव हंड्रेड का जो वैल्यू है वो कितना है वन नाइनटी टू फाइव हंड्रेड है ठीक है तो ये तो मेरा पीसी में जुड़ जाएगा सीधा सीधा बराबर अब ये जो फोर्टी परसेंट है इसका फेयर वैल्यू आज कितना है वो दिया हुआ नहीं है है ना लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है आप निकाल सकते हो कैसे वो बाद में आपको समझेगा वो नीचे उसका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास बट अगर स्पॉयलर दू आपको तो ये बीस हजार शेयर ये ट्वेंटी थाउजेंड शेयर सब्सिडी के कंपनी के, के अंदर आपने इन्वेस्ट करके रखा है सब्सिडी के हर एक शेयर का वैल्यू दे रखा था नीचे एलेवन रुपीज

ठीक है ये पहला चीज दूसरा अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है वो कितने में परचेज किया था आई परचेज फॉर टू लैख फोर्टी वॉट इज द वैल्यू टूडे इट इज टू लैख ट्वेंटी निकाला ना आपने अभी तो यहां मेरे को नुकसान हो गया नॉर्मली वी आर यूज टू टेकिंग प्रॉफिट ऑन प्रीवियसली हेल्ड यहां मेरे को लॉस हो गया ऑन प्रीवियसली हेल्ड लॉस बुक करना पड़ेगा सर आपको एक इफेक्ट आपके रिजर्व से कम हो जाएगा

फर्स्ट अप्रैल है ना और उस दिन पे जनरल रिजर्व भी दे रखा है तो क्या हमको इसके अंदर टाइम एडजस्टमेंट करने का जरूरत है छह महीने का अपने वो करना पड़ेगा। करके दिखाऊंगा। मत लो। उसके आगे अच्छा, वाई Because date of equation October है आपका इसलिए आएगा टाइम एडजस्टमेंट ठीक है आगे डिविडेंड टेन परसेंट का है ठीक है ओके टेन परसेंट किसका कैपिटल का तो आप बोलोगे मेरा कैपिटल है कितना मेरा कैपिटल है कितना मेरा फाइव लैक्स उसका टेन परसेंट पचास हजार आपका डिविडेंड आ जाएगा अब नॉर्मली हम क्या करते हैं सुनो मुझे अभी मुझे ध्यान से देखना इधर डिविडेंड में हम क्या करते हैं हम डिविडेंड को सब्सिडरी के डिविडेंड में सबसे पहले एड करते हैं पोस्ट वाले में ठीक है उसके बाद जो पेरेंट और एनसीआई का शेयर है वो रिस्पेक्टिव जगह से माइनस करते हैं लेस लेस इन्होंने यहां थोड़ा सा एक कारनामा कर दिया है इन्होंने सब्सिडरी में, पोस्ट में एडबैक तो किया सब्सिडरी के पोस्ट में तो किया लेकिन लेस पेरेंट ऐसा नहीं किया ठीक है इधर देखो इन्होंने क्या किया है मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं जनरल रिजर्व ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड जो है वो यहां एड तो किया है लेकिन इन ऑफ रिड्यूसिंग फ्रॉम सब्सिडरी सॉरी पेरेंट एंड एनसीआई रिस्पेक्टिव स्टेप हमने इसको प्री में से लेस कर दिया है हैं ऐसा क्यों

फाइनेंशियल ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू अगर ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ है कि प्रीवियस सर्कल हमने पे किया है फॉर ऑफ फैंशियल ट्वेंटी टू एक्चुअल प्रीवियसल केन्टर में पे करते भाई बट ठीक है सेम लेंग्वेज देखी ना तो ये करना है आपको बट कुछ नहीं कर सकता भाई हमें आग, ये मिस्टेक था इनका ठीक है तो डिविडेंड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रॉम पेरेंट एंस है वी आर रिड्यूसिंग फ्रॉम प्री तो पोस्ट में एड करने वाला पार्ट सेम है बस रिड्यूस करने वाले पार्ट में थोड़ा सा फर्क है ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था बाकी सब अभी सिंपल है आगे वो बोलता है बोनस दिया मैंने बताया था ना बोनस इज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट प्री में से लेस कर देना बोनस और इक्विटी कैपिटल में ऐड कर देना बोनस ये अपन डिस्कस कर चुके रिवीजन में ऑलरेडी ठीक है चलो आगे <coughs> फिर बोलते हैं ट्रेड रिसिवल ऑफ हैमर इंक्लूड्स बिल्स रिसवल टू लैक ड्रॉन अपॉन स्लीग आउट ऑफ विच फिफ्टी थाउजेंड डिस्काउंट विद द बैंक दो लाख के आपस के बिल है उसमें से पचास हजार बैंक से डिस्काउंट कर लिए तो आपस के अभी सिर्फ डेढ़ लाख के बचे है. तो डेढ़ लाख का इंटर कंपनी है ट्रेड रिसिएबल ट्रेड पेबल या बिल्स बिल्सिवल बिल्स पेबल एलिमिनेट कर देना तो मैंने वो यहाँ एंट्री मार के रखी है सर दो लाख क्यों नहीं एलिमिनेट किया क्योंकि दो लाख में से पचास हजार बैंक से अपना डिस्काउंट करवा लिया हटा दो उसको तो सिर्फ बचा डेढ़ लाख डेढ़ लाख होगा एलिमिनेट पेबल और पेबल डेबिट रिसिबल क्रेडिट एलिमिनेट कर देना उसको सर उसके बाद और क्या है सर उसके बाद है ये ड्यूरिंग द फिनेशियल ईयर हैमर परचेस्ड गुड्स फ्रॉम स्लीक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वर्थ के सेल पे थर्टी थाउजेंड तो आपका यूआरपी कितना हो गया पाँच हजार बट इसमें भी एक मिस्टेक है

स्लीक ने बेचा हैमर को स्लीक कौन है स्लीक सब्सिडरी है सब्सिडरी ने बेचा हैमर को तो सब्सिडरी के पोस्ट वाले से लेस करेंगे ना मामू तो सब्सिडरी के पोस्ट वाले से मैं लेस कर दूंगा इधर देखो दिखाता हूं मैं आपको ये देखो और सेकेंड इफेक्ट इन्वेंट्री कम हो जाएगा सिंपल क्लियर ठीक है उसके बाद आखिर में क्या बोला गया है ऑन फर्स्ट अक्टूबर मशीन वॉज ओवर वैल्यूड बाई ट्वेंटी थाउजेंड ओवर वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आपको और चार्ज करना है वैल्यूएशन वो बोलता है गलत वैल्यू पे ज्यादा वैल्यू पे दिख रहा है कम करना पड़ेगा उतने से तो लॉस हो गया मशीन पे वो भी डेट ऑफ वैक्शन को तो इट इज अ री वैल्युएशन लॉस ऑन मशीन और इसका लाइफ नहीं दे रखा है बट गेन लॉस का अमाउंट डायरेक्टली दे रखा था ना जब गेन लॉस का अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्टली शॉर्टकट से आप निकाल सकते हो एक्सेस डेप तो, तो इन्होंने वैसे निकाला है क्योंकि लॉस का अमाउंट डायरेक्टली था तो बस लॉस है तो फ्यूचर में सेविंग्स होगा तो इसलिए बीस हजार पे छह बाय बारह इंटू टेन परसेंट सेविंग्स आ गया ऐसा तो मैंने आपसे क्या सारे एडजस्टमेंट डिस्कस किए डिविडेंड हो गया टाइम एडजस्टमेंट हो गया या ये रिवर्स प्री से किया, वो भी डिस्कस किया बोनस का बात हो गया मशीन का बात हो गया यू आरबी का बात हो गया दैट्स इट बराबर उसके बाद क्या, क्या? क्वेश्चन मार्क कुछ बचा है नहीं बस एनसीआई का डाटा अपने पास अवेलेबल है और एनसीआई के लिए भी अपने को यही फेयर वैल्यू यूज करना है रूपीज इलेवन का तो कैसे निकालेंगे एनसीआई फिफ्टी थाउजेंड शेयर में से

इन्वेस्टमेंट से कम किया सेकंड इफेक्ट अदर इक्विटी से कम करोगे अच्छा एक एडजस्टमेंट तो रह गया मेरे से पढ़ना ही रह गया सर आप भूल ही एडजस्टमेंट है वो कहां रह गया अरे ने ने सर आप डिवेंचर तो भूल ही गए सुनो इधर एट परसेंट डिवेंचर ऑफ स्लीक इंक्लूड्स डिवेंचर हेल्ड हैमर हैल वैल्यू थर्टी फाइव दीज आर रिक्वायर्ड बाई है सब्सिडरी के वैल्यू के डिबेंचर मैंने एटी फोर में परचेज किए थे आपस की होल्डिंग है एलिमिनेट करनी पड़ेगी बस प्रॉब्लम यह है जब एलिमिनेट करोगे सब्सिडी के बुक्स में वो थर्टी फाइव पे दिख रहा है मेरे बुक्स में वो एटी फोर पे दिख रहा है तो डिफरेंस आएगा वो कन्सौ अधिकार इक्विटी में जाएगा कैसे होएगा एलिमिनेट प्लीज देख लो इसकी मैंने एंट्री ऊपर मार रखी है भाई इसकी एंट्री, इसकी एंट्री इसकी एंट्री इसकी एंट्री ये रही सबसे पहले जो लाइब्रेरी एलिमिनेट करोगे डेबिट करना पे पे जो मेरा है 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 में वो मेरे होगा से करना है। ये भी भी सर आपका ठीक है? तो इसका मैंने यहाँ ले रखा है कैंसिलेशन और डिवेंचर को बोलते हैं ठीक है इसका एक इंपैक्ट तो इक्विटी में आ गया बाकी तो इंपैक्ट क्या करोगे इन्वेस्टमेंट इतने से कम करोगे बोरिंग थर्टी फाइव से कम करोगे ऐसा

मैं सॉल्व करूंगा तो वो एक घंटे में एक ही क्वेश्चन आएगा मेरा बट मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहा हूँ सॉल्व करना आपका फर्ज़ है वो करना प्लीज़ सबको समझा मैंने क्या बोला ठीक है अब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो पहली बार आया था अब आप तो लकी हो क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आता है तो अगर ये सेम आया तो आप कर पाओगे बट जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पहली बार दिख जाए तो क्या कैसे टैकल करना चाहिए सर हमको ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको लास्ट मेंटैम्प करना चाहिए और जितना आता है उस पर फोकस करने का ट्राई करना चाहिए सबको समझा मैंने क्या बोला तो ये दो क्वेश्चन अगर आपने देखो पहले कर रखा है तो मेरा रिविजन काम आएगा नहीं कर रखा है तो फिर आपको पहले डिटेल समझना पड़ेगा फिर रिविजन देखना तो रिकॉल हो जाएगा ठीक है अब इस क्वेश्चन में भी मैंने आपके लिए काम पता है क्या कर रखा है मैंने बता रखा है इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कौन सा है अब क्वेश्चन के रिवीजन में रिवीजन बता रहा हूँ सुन लो पहला प्रीवियसली हेल्ड का

बाकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना इसके प्रीवियस एलोकेशन का भी मेरे पास समरी था इसके प्रीवियस एलोकेशन में क्या इंपॉर्टेंट था डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्वेशन इंपॉर्टेंट था वो आपने देखा था कंटेंज लाइब्रेड उसका रिवर्सल वो इंपॉर्टेंट था गुडविल इंपेयरमेंट इंपॉर्टेंट था और प्रोविजन याद है और डी कमिश्निंग का वो इंपॉर्टेंट था तो ये दो मैंने लिख के रखा हुआ है आपके लिए तई कल को एग्जाम के बैठे देखना हुआ क्या इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट कर लिया आगे बढ़ गए क्लियर एकदम क्लियर है सर इसी के साथ मेरे क्वेश्चंस हो गए बड़े वाले अब एक क्वेश्चन और था जो एक्चुअली मैंने यहाँ टेक अप कर लिया वो था 103 का मैंने उसको 103 के रिवीजन में नहीं कराया कर मैंने यहाँ करवाया सिर्फ एक चीज की वजह से मैं बता दूँ आपको इधर आओ अब 103 मार आप मुझे 103 भी खोलना पड़ेगा ठीक है इंडीएस 103 ठीक है उसका क्वेश्चन नंबर होगा सेवेन आप देखोगे ना मैंने वन जीरो थ्री के रिविज़न में नहीं करवाया वो ठीक है अगेन आर टी पी मेट ट्वेंटी थ्री का है ठीक है इसमें क्या है ये है क्वेश्चन वन जीरो थ्री का ही लेकिन मैंने इसको वन वन जीरो में क्यों करवाया आपको समझेगा इधर आओ तो एक हाई स्पीड है उसने क्या किया है उसने तीस परसेंट पहले एक्वायर किया तो ये तीस परसेंट का प्रीवियसली हेल्ड पाँच लाख में एक्वायर किया फिर उसने पच्चीस परसेंट और एक्वायर किया तो अब इस दिन पे कंट्रोल आएगा थर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फाइव हो जाएगा अब यहाँ आएगा कंट्रोल तो एनसीआई कितना रहेगा फोर्टी फाइव परसेंट मेरा फिफ्टी फाइव एनसीआई फोर्टी फाइव ठीक है सर ये ट्वेंटी फाइव मैंने पांच में खरीदा है तो ये प्रीवियसली हेल्ड का जो वैल्यू है फेयर वैल्यू वो दिया हुआ नहीं है पता है कैसे निकाला है क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि आज अगर पच्चीस परसेंट पांच लाख में मिल रहा है तो तीस परसेंट का वैल्यू कितना तो वो छः लाख आता है तो प्रीवियसली हेल्ड पे एक लाख का गेन आ जाएगा मुझे देख लो मैंने उसी तरीके से निकाला हुआ है बराबर तो पीसी सी ट्वेंटी फाइव परसेंट का प्रीवियसली हेल्ड थर्टी परसेंट का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में फॉलो किया क्योंकि इंफॉर्मेशन था नहीं फेयर वैल्यू का मेरे पास तो जो गेन है एक तो अदर इक्विटी में एड होगा और एक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा आपका ठीक है उसके बाद उसके बाद इसमें क्या था पता है क्या नॉर्मली जब हम वन जीरो थ्री में क्वेश्चन करते थे ना तो वन जीरो थ्री में अपना इन्वेस्टमेंट वॉज नॉट देर इन द बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी वॉज नॉट देर इन द बैलेंस शीट नॉर्मली ऐसा होता था बराबर ये क्वेश्चन है वन जीरो थ्री का जिसमें इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में ही दिख रहा है देखो इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट होता है सी एफ एस से ये मैंने आपको वन जीरो थ्री में सिखाया नहीं था

ब्रांड ऑफ टेक ओवर कर लेना फेयर वैल्यू पे आई एन के अंदर उसके बाद इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट कर देंगे अपन वो बनाते समय सी और कुछ नहीं है बोलता है आप बना लो बस एंट्री पास कर देना टेक ओवर की एनसीआर को फेयर वैल्यू पर रख लेना और बैलेंस शीट बना देना सर एनसीआर कैसे निकालेंगे फेयर वैल्यू पे वही सेम लॉजिक यूज करना आज ट्वेंटी फाइव परसेंट पांच लाख का है तो एनसीआर फोर्टी फाइव परसेंट कितने का होगा उसी तरीके से निकालना पड़ेगा ऑप्शन नहीं आपके पास और कोई तो इसमें सब कुछ सिंपल था बस एक चीज था कि जो मैं इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करता हूं ना ये जो मैंने एंट्री मारी बाई चांस तो मैंने पीसी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट किया ये मैंने आपको में 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 सिखाया था इसलिए क्वेश्चन में में लेकर आया अगेन एक क्वेश्चन है 103 का ही ठीक है चलो तो ये ये बात ध्यान रखना आपका हो जाएगा अच्छे से ये मैंने आपको सारे बड़े क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए क्लियर है वाला पार्ट ठीक है सर अब अगर मैं आपको चार्ट पे ले डे वन के चार्ट पे लेके ले आता हूं एक सेकेंड देखना मेरे साथ अगर आप सी एफ एस के चार्ट में आओगे तो मैंने क्या क्या करवा दिया आपको प्रोसीजर हो गया आई का स्टेटमेंट कैसा बनता है वो सब हो गया समरी भी हो गई एडजस्टमेंट सारे डिस्कस कर लिया आपके साथ सीएफएस पूरा हो गया सर गुडविल इंपेयरमेंट ये भी हो गया बताओ इधर आओ गुडविल इंपेयरमेंट पढ़ाता हूं आपको इधर आओ अगर गुडविल फुल है तो दो लोग बेस लॉस बेयर करेंगे पेरेंट और एनसीए अगर गुडविल पार्सल है तो अकेला पेरेंट बेयर करेगा करा दिया ना ये इसमें क्या था नया भाई क्वेश्चन में कर चुके अपन अब मैं आ रहा हूँ नीचे वाले स्टेप पे एक स्टेप पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन फिर चेन होल्डिंग ये तीन इंपॉर्टेंट है उसके बाद बीच के जो भी है बताऊंगा ऊपर ऊपर से बट इंपॉर्टेंट है तीन बचे अभी और फटाफट से हो जाएगा ज्यादा कुछ बड़ा बाकी नहीं अभी अपना ठीक है अच्छा मैं आगे बढ़ू उसके पहले मैंने एक और चीज नोट्स में ना बोनस के बारे में थोड़ा डि डि डिटेल में लिखा रखा है इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट रिफर हा बोनस का देखो मैंने आपको एक, एक ही चीज बताया है एग्जाम में वैसे करना लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमाया फिराया तो बोनस का भी देख लो मैंने लिखा रखा है मैं पहले लिखाता नहीं था बोनस के बारे में अब लिखा दिया मैंने इसको ठीक है तो अगर आपने पहले ले रखी है बैच तो आपके बुक में ये नहीं होगा तो कॉपी कर लेना इसको सुन लो बोनस इज कैपलेशन ऑफ रिजर्व ठीक है तो पहला केस अगर बोनस का इफेक्ट सब्सिडी ने नहीं दिया है तो हम देते हैं कैसे देते हैं इक्विटी कैपिटल बढ़ता है और अदर इक्विटी कम होता है कुछ नहीं बोला तो हम प्री में से लेस करते प्री में लेस किया इक्विटी कैपिटल ऐड किया सर अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है पोस्ट में से करना है तो, तो फिर पोस्ट में से कर देना बट ऐसा होएगा नहीं आगे कभी कभी क्या होता है बोनस का इफेक्ट सब्सिडी ने ऑलरेडी दे दिया होता है तो सब्सिडी अगर इफेक्ट दे के बैठा तो हम कुछ नहीं करेंगे वी विल डू नथिंग ठीक है ध्यान रखना तो कभी कभी ऐसा बोल देगा बोनस का दे देगा बोलेगा इफेक्ट ऑलरेडी गिवेन तो तुम मत देना कुछ मत करना तुम फिर तो ये समरी दे रखी है मैंने बोनस के लिए भी सिंपल ठीक है चलो अब आप आएंगे अगले कंसेप्ट एंड दैट इज स्टेप एक्विजिशन और डिस्पोजल बट उसके पहले

तो मेरा इनडायरेक्ट सब्सिडरी कौन बन गया एसके जब आपका कोई भी इनडायरेक्ट सब्सिडरी होता है तो आपको सी एफ एस डायरेक्ट वाले के साथ, प्लस इनडायरेक्ट वाले के साथ दोनों के साथ बनाना पड़ता है उसको बोलते हैं चेन होल्डिंग देखो अगर मेरा ही स्टेक बीबी और एसके दोनों में होता तो चेन होल्डिंग नहीं होता ये चेन होल्डिंग नहीं है किसी सब्सिडरी के थ्रू जब स्टेक आया उसको बोलते हैं चेन होल्डिंग समझा ये वाला पार्ट तो व्हेन आई विल प्रिपेयर सीएफएस विल कंसॉलिडेट बोथ द कंपनी बीबी लिमिटेड एज वेल एज एसके लिमिटेड यहां तक क्लियर है एकदम क्लियर है अब यह पहला पॉइंट है बेसिक मीनिंग सेकेंड इसमें आपको इफेक्टिव स्टेक निकालना होता है अगर मैं आपसे पूछूं मेरा बीबी वर्चुअल में कितना स्टेक आप बोलोगे ट्वेंटी परसेंट एनसीआई कितना हो गया सॉरी एट्टी परसेंट और एनसीआई कितना हो गया ट्वेंटी परसेंट बट मेरा एसके में इंडरेस्ट स्टेक कितना है तो आप क्या बोलोगे 80 into 70%, तो वो आएगा 56%, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा subsidiary में निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हो आप और कर दोनसीआर परसेंट मतलब यहां जब मैं स्टेक निकाल रहा हूं तो अल्टीमेट पेरेंट के पॉइंट से निकालना जो भी बात करेंगे मेरे point of view से बात करना ये मत बोलना से का स्टेक सेवेंटी परसेंट से का स्टेक से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा स्टेक होगा 56 और एनसीआर होगा फोर्टी फोर परसेंट ठीक है तो मैंने आपको तीसरा स्टेक तीसरा पॉइंट कंसोलिडेशन कब से चालू करना है मान लो मैंने सपोज एक और कंपनी साहिल लिमिटेड मैंने साहिल को एक्वायर किया अप्रैल में साहिल के पास अनिकेत पहले से ही था सितंबर से मेरा क्वेश्चन है मैं दोनों के साथ सी कब शुरू करूंगा तो मैं दोनों के साथ सी क्या एस सितंबर को शुरू कर सकता द आंसर इज नो क्योंकि मेरा साहिल में स्टेक आया अप्रैल 11 में भले ही साहिल के पास अनिकेत पहले से था बट फर्क नहीं पड़ता ना यार मेरे पास कंट्रोल साहिल में आज आया है तो जब साहिल में मेरे पास तो मेरे पास पास कंट्रोल आया आया है तो इनडायरेक्ट भी इसमें होगा ना तुम सोचो अगर तुम्हारा शादी आज हुआ है तो तुम पापा इसके पहले कैसे बन सकते हो सपोज साहिल का बच्चा था पहले से मैं पूछ रहा ये बच्चा मेरे को पापा कब बोलेगा ये पापा मेरे को बोलेगा मेरी शादी साहिल से होने के बाद तुम समझे क्या हाँ तो इसका बच्चा हो सकता है पहले से उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है मैं पापा कब बनेगा दोनों के लिए मतलब इसका तो हस्बैंड और इसका पापा फर्स्ट अप्रैल 11 से आप समझ आया सर तो सीएफएस दोनों के साथ में 11 से बनाऊंगा लेकिन इसमें एक और केस था सपोज मैंने साहिल को एक बार किया 11 में बट साहिल ने जन्म दिया अनिकेत को अक्टूबर 11 में तो यहां मेरा साहिल के साथ सीएफएस बनेगा अप्रैल 11 में लेकिन अनिकित अनिकित के साथ मेरा बनेगा अक्टूबर इलेवन में सर ऐसा क्यों सेम डेट क्यों नहीं हो सकता अरे मेरा शादी पहले हो गया लेकिन तब बच्चा था ही नहीं बच्चा हुआ बाद में तो ये बच्चा पापा कब बोलेगा जब हुआ तब से बोलेगा ना भाई तो दोनों में फर्क है ऊपर में बच्चा पहले आ गया शादी बाद में हुआ तो सी एफ एस दोनों का शादी के दिन में बनेगा लेकिन यहां शादी पहले हो गया बच्चा बाद में हुआ तो इसके साथ सी एफ एस पहले शुरू कर देंगे ये पापा अपने को बाद में बोलेगा तो इसका सीएफ बाद में शुरू करेंगे सर इससे फर्क क्या पड़ेगा देखो जो सीएफ आप डे वन पर शुरू कर रहे हो इसके जब आप रिजर्व में प्री पोस्ट करोगे तो टाइम एडजस्टमेंट नहीं आएगा ना लेकिन जिसका आप अक्टूबर में ले रहे हो उसका जब आप प्री पोस्ट करोगे तो टाइम एडजस्टमेंट आ सकता है ना यार ध्यान रखना भाई बहुत बड़ी बात कर दी है मैंने हंसो मत तुम लोग तुम लोग कंसा समझ गए ना भाई हाँ ये पापा बच्चा वाला एग्जाम्पल क्लास में दिया था याद रखना भाई चलो आपने साइ शादी क्योंकि मैम को पता है क्या टाइम पास ध्यान दो इधर टाइम पास कर देखो ये चेन होल्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया अब अपन चेन होल्डिंग का क्वेश्चन करेंगे ठीक है इधर आओ मेरे पास चेन होल्डिंग करेंगे क्वेश्चन चेन होल्डिंग ठीक है अब इसमें क्या होता है सुनना इसमें आपका टास्क बढ़ जाता है क्योंकि आप नॉर्मली स्टेप वन से लेकर स्टेप फाइव तक एक बार बना रहे थे अब दो बार बनाना पड़ेगा क्योंकि दो पी रहेगा दो आई रहेगा दो एनसीआर रहेगा दो गुडविल रहेगा कंज्यूमर तरीके डे ही रहेगा ठीक है ध्यान रखना तो अब कैसा है सुन लो पी एस और एस एस तीन कंपनी अफकोर्स ये सब्सिडरी होगा और ये इनडायरेक्ट सब्सिडरी होगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें पूरे चेन होल्डिंग में एक ही एडजस्टमेंट इंपोर्टेंट होता है वो डिस्कस करूंगा बाकी ऊपर ऊपर से बताऊंगा सुनना फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ठीक है पी होल्ड्स 80 परसेंट इन एस एंड एस होल्ड सेवेंटी परसेंट इन एस एस तो पहले आप हमेशा इफेक्टिव स्टेक निकालोगे तो अगर मैं इफेक्टिव स्टेक निकालू मेरा 80 परसेंट एस में है और इसका 75 फाइव परसेंट एस एस में है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेरेंट का डायरेक्ट स्टेक एट्टी एन सी आई ट्वेंटी और इन डायरेक्ट सब्सिडी में अपना इफेक्टिव स्टेक एटी इन टू सेवेंटी फाइव दैट इज सिक्सटी परसेंट और एन सी आई कितना रहेगा फोर्टी परसेंट ठीक है ये क्यों निकाला काम आएगा ना मेरे को उसके बाद कंट्रोल किस दिन पे आया तो बोलते हैं कंट्रोल दोनों में सितंबर में आया दोनों में तो यहां लफड़ाई नहीं है वो वाला तो अपन कंसोलिडेशन सितंबर से बिगिन करेंगे मतलब अपने को टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है ठीक है उसके बाद फिर बोलते हैं टाइम पास दिया हुआ है फिर आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंसेस क्यों दिया हुआ है प्री पोस्ट के लिए ठीक है तो आपको पूरा दो बार करना पड़ेगा कैलकुलेशन पीसी स्टेप नंबर वन क्या एस में कितना पीसी है पता है मेरे को हाँ सर वो तो डायरेक्टली मिल जाएगा पी ने एस में कितना इन्वेस्ट किया है थ्री फोर्टी ये अपना पीसी हो गया अब द क्वेश्चन इज क्या पी ने डायरेक्टली एस एस में इन्वेस्ट किया था क्या क्या पी ने डायरेक्टली एस एस में इन्वेस्ट किया था आंसर इज नो एस एस में इन्वेस्ट तो एस ने कर रखा है कितना इन्वेस्ट कर रखा है टू एट्टी क्या मैं इसी को पीसी मान लू नहीं मान सकते तो दिक्कत यह है कि जो पीसी है एस एस वाला वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है पी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो पीसी सी टू एट्टी है बट वो पीसी तो एस ने भरा था ना हमको जो पीसी चाहिए वो पीसी चाहिए पी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब पी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीसी कैसे मिलेगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट अब मैं इसी की बात करने जा रहा हूं आपके साथ प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात जो एस का 280 का इन्वेस्टमेंट है आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूं सुनना इसमें लॉजिक बहुत सारे एक सिंपल ट्रिक देता हूं इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करना होता है ना सी एफ एस में इन्वेस्टमेंट सी एफ एस में क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं एक सिंपल एंट्री पास करना पहले यह बताओ एस के शेयर होल्डर्स कौन है तो एस का शेयर होल्डर है एट्टी परसेंट पी और ट्वेंटी परसेंट एनसीआई एस का बोल रहा एस का शेयर होल्डर कौन है एट्टी परसेंट पी ट्वेंटी परसेंट एन सी आई बराबर अब ये एस का जब आप इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करोगे तो एक सिंपल सी एंट्री मार देना इन्वेस्टमेंट जाएगा बाहर और ये इन्वेस्टमेंट इनके शेयर होल्डर्स में बांट देना मतलब पेरेंट को मिलेगा एट्टी परसेंट इन्वेस्टमेंट और एन को मिलेगा ट्वेंटी परसेंट इन्वेस्टमेंट अब जित मतलब कितना टू एट्टी का एट्टी परसेंट करोगे तो टू ट्वेंटी फोर पेरेंट को आएगा फिफ्टी सिक्स एनसीआई को आएगा करना कुछ नहीं है जितना इन्वेस्टमेंट पेरेंट पेरेंट को गया बोलेगा ये मेरा पीसी और जितना एनसीआई में डेबिट हुआ अब देखो एनसीआई का होता है क्रेडिट बैलेंस आप जब एनसीआई को डेबिट कर रहे हो तो इतना लेस करना पड़ेगा काफी लोग पूछते हैं एनसीआई लेस क्यों किया भाई ये एंट्री में लॉजिक है इन्वेस्टमेंट आपके बुक्स में नहीं दिख सकता

प्री पोस्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें एक और एडजस्टमेंट अच्छा मैं आए पहले एनसीआ का दिखा देता हूँ तो एक तरफ तो टू ट्वेंटी फोर पी ने पीसी मान लिया और एक तरफ एस का जो ईयर एंड का एन होगा ना ईयर एंड का उसमें से देखो फिफ्टी से अपन लेस कर देंगे एंट्री आदर को समझेगा लेस क्यों किया अपन ने सबको समझाया वाला पार्ट यस सर अब मैं बाकी पूरा क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लेता हूँ बाकी और कुछ नहीं है पूरे चेन होल्डिंग में ये जो एंट्री बताई ना मैंने आपको ये टू एट्टी की इन्वेस्टमेंट जाएगा बाहर थोड़ा मिलेगा पी को थोड़ा मिलेगा एनसीआई को जो एनसीआई को वह एनसीआई कम कर देगा फिफ्टी सिक्स जो का है वो बोलेगा पीसी है मेरा खत्म कहा बस इतना आपको याद रखना है बाकी पूरे क्वेश्चन में और कुछ नहीं है बस इतना फर्क है दो लोग के साथ आप क्या करोगे कंसोलिडेशन करोगे अब आ जाओ इधर आ जाओ पढ़ रहा हो बाकी क्वेश्चन बाकी ये तो काम आएगा अपने को आगे के लिए फिर दे रखा है टेन लैक्स इंक्लूडेड इन द इनवेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इन्वेंट्री परचेज फ्रॉम एस एस लिमिटेड एक सब्सिडी और दूसरे सब्सिडी का है ट्रांजेक्शन मतलब मतलब में प्रॉफिट इंक्लूडेड है एस के रिजर्व में प्रॉफिट इंक्लूडेड है अब ये टेन लैक्स इज अल्स प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स हंड्रेड आपका सेल्स है सॉरी टेन आपका सेल्स है ले लो सेल्स हो गया आपका नहीं नहीं 2 आपका। अरे ये एस का परचेज प्राइस दे रखा है एस का परचेज प्राइस मतलब पूरे इस का सेलिंग प्राइस है तो sales, ये तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स ये फॉर्मला लिखा करो सेल्स दस लाख है तो प्रॉफिट रहेगा दो लाख कहां से एलिमिनेट करोगे जिसने कमाया उसके प्रॉफिट से एलिमिनेट किसने कमाया एसएस ने कमाया तो एस के प्रॉफिट से एलिमिनेट समझा तो एस एस के इससे कम कर दिया देखो मैंने खत्म कहा किधर एस एस का एस का, का रिजर्व मेरे एस का रिजर्व ये रहा दो लाख कम कर दिया मैंने खत्म तुमको समझा मैंने क्या बोला बस तो बस सारी वर्किंग दो बार करनी है आपको और कुछ नहीं करना है इसके अंदर उसके अलावा और कुछ है नहीं बोलते एनसीआई आपको फेयर वैल्यू पे निकालना है और इसकी फेयर वैल्यू क्या है फेस वैल्यू ही फेयर वैल्यू गंगाधरी शक्ति माने भाई

तो एलेक्स जब इसके बनाएगा, डिरेक डिरेक साथ जब बनाएगा तो इनडायरेक्ट सब्सिडी तो बाकी पूरा क्वेश्चन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फाइव मेरी किताब का ठीक है अच्छा बाई चांस आपको टैली वैली नहीं करे ना तो मैंने किसी बच्चे का सोल्यूशन डाल रखा इसके अंदर किसी बच्चे ने सॉल्व था मैंने डाल दिया उसको नोट्स के अंदर तो आपको देखना हो तो देखना टैली नहीं कर रहा होगा आपका कभी तो क्लियर वाला पार्ट खत्म कहा ये चेन होल्डिंग समाप्त हो गया आपका क्या तुमको चेन होल्डिंग वाली बातें समझ में आती है क्या बताओ फटाफट से यस और नो एकदम बढ़िया समझ में आती है सर कोई दिक्कत ही नहीं अपने अपन बाकी छोटे पॉइंट्स करने पे ठीक है अब अब ऐसे उड़ेगा ऐसे ऐसे उड़ेगा सब कुछ ठीक है आ जाओ इधर छठा पॉइंट स्टेप एक्विजिशन सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेप एक्विजिशन स्टेप एक्वेशन का मतलब होता है स्टेप्स में एक्वायर करना हल्के हल्के हौले हौले एक्वायर करना इसमें दो केस पॉसिबल है ठीक है सबसे पहला केस आपके पास था 15 परसेंट आपने दो साल के बाद और 60 परसेंट एक्वायर किया कंट्रोल कब आया पहले वाले में कि दूसरे वाले में कंट्रोल दूसरे वाले में आया तो सी कब से शुरू करोगे फर्स्ट अप्रैल थर्टीन से शुरू करोगे सी ठीक है तो इस पंद्रह को अपन प्यार से क्या बोलते हैं ये तो डिस्कस बहुत बार कर चुके इसको अपन बोलते हैं प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट इसको हम अपने इसको हम अपने पीसी वगैरह में जोड़ लेते हैं बट कौन से वैल्यू पे जोड़ते हैं एट फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ याद है ये ये वाला पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके इसमें कुछ नया नहीं है बराबर तो जब कंट्रोल सेकेंड वाला स्टेक में आया है तो पुराने वाले को बोलते ना प्रीवियसली हेल्ड कर चुके अपन हो गया ये इस क्वेश्चन भी देगा बहुत कुछ देखा अपन ने आगे सेकेंड केस इज इंटरेस्टिंग आपके पास पहले था सेवेंटी परसेंट तो तब एनसीए कितना रहेगा तब एनसीए थर्टी परसेंट था अब आपने टेन परसेंट और किया। मुझे बताओ कंट्रोल तो था पहले से अपने पास कंट्रोल तो अपने पास पहले से ही था ठीक है आपने जब टेन परसेंट और किया तो कंट्रोल नहीं आया आपके पास कंट्रोल था पहले से सिर्फ टेक बढ़ा आपका तो जब आपका प्यार बढ़ रहा है आपका प्यार सेवेंटी से एट्टी हो रहा है तो किसका प्यार कम हो रहा है एनसीआई का, मतलब का स्टेक कम हो रहा है तो यहां सिर्फ एनसीआई को स्टेक को रिड्यूस करने की एंट्री मारनी होती है सर एंट्री क्या मारेंगे देखो एनसीआई कम करना है ना तो आप बोलोगे एंट्री डेबिट देखो NCI का होता है क्रेडिट बैलेंस कम करने के लिए डेबिट करना है तो कितना एनसीआई कम करेंगे प्रोपोर्शनेटली क्वेश्चन कराऊंगा टेंशन मत लो टू क्या बोलेंगे टू बोलेंगे कैश बैंक क्यूट कैश बैंक क्योंकि हमने टेन परसेंट खरीदा है ना तो पैसा बाहर गया रहेगा डिफरेंस एनसीआई इज अक्विटी का आइटम इसलिए जो भी डिफरेंस आएगा वो कंसो इक्विटी में आपके प्यारा प्यारा चला जाएगा सर तो न... देखो रट्टा मत मारो भाई देखो बस एनसीआई कम हो रहा है ना तो कम करना है एनसीआई खत्म कर सबको समझा मैंने क्या बोला यस yes, सर आओ एग्जाम्पल देखते हैं इसके तो सबसे पहला सवाल मेरा क्या है जब आपने टेन परसेंट और खरीदा वेन यू परचेज अ टेन परसेंट विल यू फॉलो ऑल सिक्स स्टेप्स एंड कंप्यूट गुडविल अगेन द आंसर इज नो हम पागल थोड़ी ना गुडविल और प्यार जिंदगी में एक ही बार निकलता है ऑन डेट ऑफ एक्वेशन वाह सर वाह सुनो तो अब सिर्फ एनसीआई कम होएगा कितने से कम करना है तो देखना पहले एनसीआई कितना था पहले इट वॉस सपोज थर्टी परसेंट के लिए एनसीआई वो सिक्स थाउजेंड अब टेन परसेंट से एनसीआई कम हो रहा है तो कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई आपको मिलेगा दो हजार से एनसीआई कम करना है अब मान लो मैंने टेन परसेंट स्टेक ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का परचेज किया था तो मेरा टू कैश बैक होगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डेबिट होगा एनसीआई टू थाउजेंड

बाहर करने का एक ही मेथड है प्रोपोजनेटली रिकॉर्ड करने का दो मेथड होते हैं भाई समझता है एकदम समझता सर सर आगे बढ़ो चलो अब आएगा अगला पॉइंट डिस्पोजल ऑफ इन सबसेट्री। सबसेट्री में, में मेरा हिस्सा था मैंने उस हिस्से को बेच दिया तो यहाँ दो केस पॉसिबल है बेचने के बाद इट इज अ विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल वाला कि बेचा कंट्रोल नहीं गया दूसरा है सेकेंड केस विद लॉस ऑफ कंट्रोल बेच के कंट्रोल चला गया भाई साहब सबसे पहला ये बा, इसका बात करते हैं मेरे पास सेवेंटी परसेंट था एन सी आई थर्टी परसेंट था मैंने टेन परसेंट बेच दिया क्या मेरा कंट्रोल गया नहीं सर बस मेरा प्यार कम हुआ है शादी अभी बरकरार है शादी अभी भी बरकरार है सिर्फ प्यार कम हुआ है तो जब आपका प्यार कम होता है तो बेस्ट फ्रेंड का प्यार बढ़ा रहेगा ना भाई एनसीआर का प्यार बढ़ा रहेगा बढ़ा देना एनसीआई अब अपन एनसीआर बढ़ाने की बात कर रहे हैं सर एंट्री क्या आएगी सुनो देखो सिर्फ स्टेक कम हुआ है प्यार अभी भी अपना ही है वो ठीक है तो एनसीआर बढ़ाने का है एन बढ़ाने के लिए करना क्रेडिट तो टू एन कर देना बेचा है टेन परसेंट तो पैसा आएगा तो बोलना कैश बैंक डेबिट डिफरेंस कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में आपका चला जाएगा अब यहां ध्यान रखना एनसीआई रिकॉर्ड कर रहे हैं वी आर रिकॉर्डिंग एनसीआई एनसीआई क्रेडिट करना मतलब एनसीआई आप रिकोगनाइज कर रहे हो रिकोगनाइज करने के दो मेथड है एक है फेयर वैल्यू एक है पी अच्छा आप अब मुझे नहीं पता आपने क्वेश्चंस कर रखे नहीं कर रखे कभी-कभी एनसीए को फेयर वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता है तो पता है कैसे निकालते हैं कैसे निकालते हैं सब्सिडियरी के आईएनए प्लस गुडविल इसको मानते हैं टोटल फेयर वैल्यू और इनटू एनसीए का स्टेक से मल्टीप्लाई करते हैं इससे अपने को एनसीए की फेयर वैल्यू मिलती है मतलब कभी-कभी एनसीए -कभी बोला गया है फेयर वैल्यू पे निकालना है लेकिन दिया हुआ रहता नहीं है तो हम मानते सब्सिडरी का देखो एनसीआई किसके अंदर है सब्सिडरी के अंदर है तो सब्सिडरी का आई एन ए प्लस गुडविल इसका स्टेक लोगे तो एनसीआई का अमाउंट मिल जाएगा ये कब करना जब आप एनसीआई रिकॉर्ड कर रहे हो रिकॉर्ड कर रहे हो जब एनसीआई बाहर करो तो ये मत करना नहीं बाहर करने का एक ही तरीका है प्रोपोर्शनेटली तो जब बाहर करते हैं ना तो या तो प्रोपोर्शनेटली बाहर करना या फिर सिर्फ और सिर्फ आई एन ए का परसेंट लेकर बाहर करना वो मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा ये मैंने किसके लिए बताया जिसने अभी एकदम फ्रेश पढ़ा रहेगा उसके साथ समझाने का मैंने क्या बोला

सेवेंटी परसेंट बेच दिया बस टेन परसेंट बचा है तो क्या करने का सिंपल प्रोसीजर फॉलो करने का सुनो पहले सब्सिडी के नाम का सब भार करने का आई एन ए भार एनसीआई भार गुडविल जीपीपी भार बराबर उसका सब कुछ भार किया दूसरा बेचा है तो पैसा आएगा तो पैसा रिकॉर्ड किया बराबर तीसरा चेक करना क्या कोई इन्वेस्टमेंट बचा के रखा है क्या आपने है सर विल जस्ट बी फ्रेंड्स फ्रेंडशिप अभी बरकरार है तो उसको रिकॉर्ड करना इन्वेस्टमेंट रिटेड अकाउंट डेबिट डिफरेंस जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में अगेन अब मुझे प्रैक्टिस करना तो कैसे करूंगा सुनो पहला क्या भार करेंगे सब कुछ उसका भार क्या क्या रिकॉर्ड किया था आई एन ए तो आई एन ए भार एनसीआई एनसीआई भार गुडविल रहेगा तो गुडविल भार जीबी बी रहेगा तो जीबी बी भी भार भार करने के सब उल्टा करना किया है तो पैसा आएगा तो बोलना बैंक अकाउंट डेबिट फिर छोटा मोटा कुछ इन्वेस्टमेंट बचा है क्या हाँ तो बोलना इन्वेस्टमेंट डिटेल्ड अकाउंट डेबिट ऐसा याद रखना वापस से जो भी सब्सिडी के नाम का सब बाहर आई एन एनसीआई बैंक इन्वेस्टमेंट बचा है तो वो डेबिट टू पी एन एल सॉरी पी एन एल के अंदर सबको समझता है ये वाला पार्ट हीरो सब लिखा के रखा मैंने क्यों क्या क्या कले किया वो सब लिखा के रखा मैंने इधर ठीक है चलो और मैंने समरी भी दे रखी है जब एनसीआर बाहर जाएगा तो एक ही तरीका है प्रोपोर्शनेटली जब रिकॉर्ड करोगे दो तरीके है फेयर वाले और पीएसएनए क्लियर ये दो आपके मेन कंसेप्ट है इसको आपको समझ के लेना है अब मैं आपको है ना आपके क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कुछ क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा कुछ क्वेश्चन बोलूंगा प्रैक्टिस करना है तो वो करके जाना अच्छे से देखो सी एफ एस में ना देर आर टू मेनी क्वेश्चन देर आर मोर देन एट्टी क्वेश्चन इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल एट्टी ऑफ देम बराबर तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उतने आप कर लोगे तो आपका मोटा मोटी कवरेज हो जाएगा बाकी टाइम है फुर्सत है पढ़ना तो पढ़ो भाई लिमिट थोड़ी ना कोई पढ़ने की जितना पढ़ना है पढ़ लो बट जितना मैं बोल रहा हूँ उतना अच्छा से कर लेना भाई ठीक है और सी एफ एस में यू विल ऑल्सो फाइंड सम थियोरी क्वेश्चन सर करे करेगा देखो मैं नॉर्मली मानता हूं कि है ना तुमको थोड़ा स्मार्ट वर्क करने को आना चाहिए थियोरी आया तो क्या आएगा एक दो मार्क के एम सी को आ जाएगा या चार मार्क का थियोरी क्वेश्चन आ जाएगा देखो तुम थियोरी कितना ही पढ़ लो लिखने तुम अपनी रामकथा वाले हो है ना तो क्यों उसको पढ़कर टाइम कोटी कर रहे हो और जब बहुत सारा पढ़ लोगे ना और कंसाइस नहीं आएगी तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा जब काम का चीज पढ़ोगे ना तो कंसाइस है कंटेंट काम के कंटेंट में फोकस है तो कॉन्फिडेंस भी आएगा एग्जाम में इजी भी पड़ेगा बाकी मर्जी आपकी किताब है तुम्हारे पास पूरा है पढ़ते है, पढ़ना पढ़ो कोई टेंशन नहीं अपने को ठीक है चलो मेरा फर्ज है आपको गाइड करना गाइडेंस लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है नहीं पसंद तो गाइडेंस मत लो है ना ज्ञान था दे दिया तुमको एनी आगे बढ़ो सर अब जो एक क्वेश्चन नंबर है ये आप घर पे देख लेना सिंपल है इसमें कुछ है नहीं इतना खास ठीक है जो ढंग का क्वेश्चन अपने लिए वो है फोर इसमें क्या है? सुनो फटाफट से अपन सॉल्व करते हुए चलते हैं एक्स परचेस्ड एट्टी परसेंट शेयर आपका पीसी हो गया फिर एबीसी का कैपिटल दे रखा है और आपको रिजर्व दे रखे ये शायद आईने के लिए काम आ जाए शायद प्रॉफिट दे रखा है किसका सब्सिडरी का तो सब्सिडरी का ये पोस्ट वाला प्रॉफिट है पोस्ट प्रॉफिट तो पोस्ट प्रॉफिट में अपन और एनसीए अपना हिस्सा हिस्सा ले लेंगे फिर बोलता है एंड लेटर ऑन ए डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड लेटर ऑन अब लेटर ऑन का इंटरप्रिटेशन ये है कि ये डिविडेंड अगले साल का है तो ये साल में इसका कोई इफेक्ट लेना ही नहीं है इट इज ऑफ नेक्स्ट ईयर ठीक है चलो आगे ध्यान रखना फिर बोलता है एनसीआई कैसे निकालना है मेरा अगर 80% है तो एनसीआई 20% है तो एनसीआई इस सेम एज द फेयर वैल्यू ऑफ पर शेयर बेस ऑफ परचेज इंटरेस्ट इसका मतलब अगर आपने 80 परसेंट वन में खरीदा है तो 20 परसेंट एनसीआई कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके निकालना है इन्होंने बोला है इसलिए ऐसे निकाला है वरना अपन ऐसे निकालते नहीं है फिर आपको फेयर वैल्यू ऑफ आई ने देखे रखा है वन अब आप ध्यान से देखना ऊपर आपको कैपिटल प्लस रिजर्व दे रखा है और नीचे आई ने अलग से दे रखा है अब कौन से वाले अमाउंट को मैं ने मानू तो जब नीचे डायरेक्टली आईने दे रखा है तो इसी को आईने मानना ये नहीं होता तो मैं फिर इसको आईने मानता हूं वन लैख सिक्सटी को क्या बोलता है हाउ शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेपरेट बुक्स ऑफ एक्सपाइजेडर इट इज रिड्ड आफ्टर अप्रूवल देखो डिवरेंट आज तो रिकॉर्ड नहीं होगा ये साल में तो रिकॉर्ड नहीं होगा बट वो बोलता है जब भी भी रिसीव होगा तब की एंट्री क्या होगी पेरेंट के बुक्स में तो कुछ नहीं पेरेंट अपना हिस्सा रिकॉर्ड कर लेगा देख लो इधर तो जब भी देखो करंट ईयर में एंट्री नहीं आएगी पहले बता देता हूँ कब आएगी एंट्री जब मिलेगा तब जब भी मिलेगा तब तो तीस हज़ार रुपये का डिविडेंड है उसका एट्टी परसेंट पेरेंट का है तो उतना वो एंट्री मारेगा ये एसएफएस की बात हो गई ठीक है पहला चीज था दूसरा चीज क्या पूछा इन्होंने व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनसीआई ऑन फर्स्ट डे एंड ऑन ईयर एंड एंड ऑल्सो पास अ जर्नल एंट्री अब एनसीआई को फेयर वैल्यू मेथड पर निकालना है हम एनसीआई ऑलरेडी निकाल चुके हैं भाई दबे चलो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ फटाफट से आप अगर स्टेप थ्री वाला फॉलो करोगे तो एनसीआई मिल जाएगा आपको सबसे पहले ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिए एज पर फेयर वैल्यू मेथड करोगे तो निकल जाएगा कैसे निकाला था ना अपन करो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर 80 परसेंट का वन लाख फोर्टी का है तो 20 इंटू वन लाखी डिड बाईट काउजेंड का एनसीए वेरी गुड आपका डे वन का, 35, का, का आ गया अब आएगा एनसीए क्या रहेगा थर्टी फाइव थाउजेंड रहेगा प्लस जो भी पोस्ट में हिस्सा है वो प्रॉफिट कमाया बीस का उसमें ट्वेंटी परसेंट हिस्सा एनसी आ गया है तो फोर थाउजेंड आप एड कर देना सर तो कितना होगा थर्टी नाइन थाउजेंड सर डिविडेंड लेस नहीं किया डिफरेंट करेंटर का ही नहीं वो नेक्स्ट ईयर का है तो नेक्स्ट ईयर लेस करेंगे आज लेस नहीं करेंगे उसको तो ये ईयर एंड का एनसीआई हो गया और क्या पूछा था पास अ एंट्री ऑन एक्विजिशन डेट जो आपने टेक ओवर किया उसका एंट्री मारना है सर जनरल एंट्री क्या मारेंगे सिंपल सी एंट्री होती है आपकी आप बोलते हो आई ने अकाउंट डेबिट टू एन सी आई टू पी सी डिफेंस गुडविल जी बी पी आई ने कितना है वन पॉइंट फाइव लाख दिया हुआ था अब एनसीआर दो दो है थर्टी फाइव और थर्टी नाइन डेट ऑफ एक्विजन की एंट्री पूछिए तो डेट ऑफ एक्विजन का एन सी आर लेना

थर्टी सेवन में आएगा बोलेगा मान लो आई एन ए वन सिक्सटी ओके एनसीआई पी एस एम का तो क्या होता टाइम पास कर रहे हो नंबर चेक करके पूछ रहा है बताओ प्रैक्टिस करें अच्छा है बट आपने वैसे एक क्वेश्चन किया थर्टी फाइव सफिशियंट है ठीक है चलो फिर थर्टी एट थर्टी नाइन ये ऑलरेडी अपन यू आर पी में कर चुके हैं याद है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जिसने प्रॉफिट कमाया उसके रिजर्व से कम करना है मैंने बताया था ना इसे कंबाइन एंट्री मारता है ये वही है तो आप देख सकते हो तो थर्टी एट से लेकर फोर्टी वन तक यू कैन सी डायरेक्टली ठीक फोर्टी टू में बाद में कराऊंगा लास्ट में कराऊंगा है है? है कर उसी का है, वैसा ही है थोड़ा सा तो वो प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता है ठीक है एनी वेज आगे बढ़ोगे आप आओगे ढंग का कोई एलडीआर क्वेश्चन मैं एलडीआर क्वेश्चन देख रहा हूँ ठीक है चलो ये भी कर लेता हूं मैं आपके साथ क्या बोलता है सुननाडि नहीं इसके ऊपर वाले भी कर लेते ये वाला फोर्टी फाइव बढ़िया पी सेल्स ट्वेंटी परसेंट इन होली ओण्ड सब्सिड्री आपको समझता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ होल्ली सब्सिडरी आपके पास हंड्रेड परसेंट था बराबर आपने ट्वेंटी परसेंट बेच दिया तो आपका एट्टी हो गया आपका कम हुआ कंट्रोल तो गया नहीं कौन आएगा इनसे आ जाएगा तो बेचा है ना कितने बेचा सौ लाख में बेचा तो एंट्री क्या मारोगे कैश बैंक पहले एंट्री मार लेने का कैश बैंक टू एन ये एंट्री आ गई सौ लाख में बेचा तो सौ लाख कैश डेबिट कर देना अब एनसीआई का फेयर वैल्यू वैसे ट्वेंटी परसेंट है बट पर वैल्यू नहीं है मेरे पास मुझे बताओ मैं एनसीआई रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बाहर कर रहा हूँ मैं एन रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने के दो मेथड फेयर वैल्यू पी एस मैंने क्या बोला था रिकॉर्ड करते समय लोग एजमशन लेते हैं सब्सिडरी का आई प्लस गुडविल इज़ द फेयर वैल्यू है ना तो देखो दिया हुआ है सब्सिडरी का नेट असेट थ्री हंड्रेड इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ सिक्सटी ये इंक्लूडिंग है ये इंक्लूडिंग है तो आप बोलोगे थ्री हंड्रेड लैक्स सब्सिडी का फेयर वैल्यू है

ठीक है फिर इलास्ट्रेशन फोर्टी सिक्स देख लो सिंपल सा बता दो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ सुनो आपने ना बे आपने ना और ख़रीदा है आपने ट्वेंटी परसेंट और खरीदा है कंट्रोल था आपके पास पहले से कंट्रोल पहले से था सिक्सटी परसेंट था ट्वेंटी और लिया आपने ट्वेंटी और लिया तो एनसीआई सी ट्वेंटी से कम हो जाएगा एनसीआई पहले फोर थाउजेंड था फोर्टी परसेंट के लिए अच्छा और ये जो आपने खरीदा है ट्वेंटी परसेंट ये आपने फोर थाउजेंड में खरीदा है इसकी मैं एंट्री मारा सुन लो आपने खरीदा है तो पैसा जाएगा बाहर तो बोलोगे टू कैश बैक ठीक है डेबिट करोगे एनसीआई अब 40% का एनसीआई फोर थाउजेंड था तो 20% का कितना उतना ही कम हो रहा है तो आएगा टू थाउजेंड डिफरेंस आपका आएगा कंसो अधर के अंदर दो हजार रुपया कहानी खत्म ये क्वेश्चन हो गया देख लो समझता है मेरे हीरो लोग एकदम समझता है सर आ जाओ इलेन फोर्टी ये भी दिखा देता हूं सिंपल है वी एक्वायर टेन परसेंट इन अवेंटी परसेंट सब्सिडी पहले एंट्री मार लेने का सेवेंटी परसेंट था अभी 20, अभी टेन परसेंट और कंट्रोल था पहले से बस प्यार बड़ा है तो क्या करने का मेरा प्यार बड़ा है खरीदने से तो टू कैश बैंक और मेरा बड़ा तो एनसीआई कम होगा एनसीआई डेबिट अब बस देख लो कितने में खरीदा है तो बोला वह परचेज प्राइस है आपकी ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड तो बोलना टू कैश बैंक ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड एनसीआई पहले थर्टी परसेंट था सिक्सटी सिक्स हंड्रेड पे अभी आपको टेन परसेंट से कम करना है तो टेन परसेंट लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एनसीआर आएगा ट्वेंटी टू हंड्रेड मेरे हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो ट्वेंटी टू हंड्रेड हो जाएगा डिफरेंस आएगा आपका कंसो अधर इक्विटी के अंदर कहानी खत्म सबको समझता है मैंने क्या बोला यस चलो माही आपको वैसा शूट करता है आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उससे ठीक है कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ता आंसर सही आना चाहिए आपका चलो क्लियर है वाला पार्ट क्या सिंपल आगे बढ़ जाते हैं सर 48, ये भी टाइम अच्छा, तो इसका इंपैक्ट क्या रहेगा सबसे पहले सी में क्या इंपैक्ट रहेगा जब आप खरीद रहे हो तो वापस से तो आप बोलोगे टू कैश बैंक और डेबिट कर देना एनसीआई अब एनसीआई कितना डेबिट होगा पहले एनसीआई नाइनटी था और तब एनसीआई थर्टी परसेंट था तो टेन परसेंट का एनसीआई कितना रहेगा थर्टी रहेगा तो एन सी आई थर्टी से कम हो जाएगा खरीदा कितने में आपने थर्टी टू में खरीदा है थर्टी टू यहां आ जाएगा डिफरेंस कंसूअर इक्विटी दो का अब आपसे बैलेंस शीट मांगी है कितना डिफिकल्ट काम है तो ये ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आप बैलेंस शीट में दे, दे देना क्या इफेक्ट आएगा सर सबसे पहले आपका एनसीआई देखो एक एक करके सबसे पहले एनसीआई थर्टी से कम हो रहा है

तो SFS में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और कैश बैलेंस कम हो जाएगा यार टाइम है भाई, मजा 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 आ आ आ गया, 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 ना? इंटर एस्पिरेंट्स ऑन यूट्यूब जेनवरली थैंक यू थैंक यू चलो बड़े आगे बढ़ो आगे इलास्टेशन नंबर फोर्टी नाइन वी परचेज हंड्रेड परसेंट स्टेक मतलब आमला का हंड्रेड परसेंट था ज्ञान दिया हुआ है हमने फोर्टी परसेंट बेच दिया हंड्रेड परसेंट था फोर्टी परसेंट बेच दिया कंट्रोल चला गया ना ना मुन्ना ना प्यार पहले भी हमी से था अभी भी हमी से है तो ये जो बेचा उसका एंट्री क्या बेचा तो पैसा आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट एनसीआई आ जाएगा पिक्चर में फोर्टी अब कितने में बेचा वो दिया हुआ है नाइन लाख में बेचा तो नाइन लाख डेबिट एनसीआई कितने का आएगा अब देखो एनसीआई रिकॉर्ड कर रहे हो बाहर कर रहे हो हम एनसीआई रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड कौन से वैल्यू पे करोगे दिया हुआ नहीं है बट सब्सिडरी का आई है सब्सिडरी का आईने सिक्सटीन गुडविल दो टोटल है एटीन इसका फोर्टी परसेंट ले लो तो आपको आ जाएगा कितना आपको आ जाएगा सेवन पॉइंट टू लैक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग बराबर क्या एटीन का तो आपका का इक्विटी हो जाएगा। Simple. बराबर का हो हो जाएगा जाएगा बराबर खत्म क्या होगा इसका इंपैक्ट कहा एस एफ एस में क्या होगा एस एफ एस में सी एफ एस से कोई लेना देना नहीं है आप ऐसा देखना एस एफ एस में देखो एस एफ एस में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो किस वैल्यू पे दिख रहा था टेन लैक्स पे दिख रहा था ठीक है तो मेरा इन्वेस्टमेंट प्रोपोशनली कम होएगा मेरा एसएफएस था पहले हंड्रेड परसेंट पे इन्वेस्टमेंट अब मैंने फोर्टी परसेंट बेचा एसएफएस एफ एस में विथ लॉस विद कुछ नहीं होता है एसएफएस में एक सिंगल ट्रीटमेंट है पैसा आया तो बोलना नाइन लैक्स टू इन्वेस्टमेंट कम हुआ प्रोपोशन फोर्टी परसेंट बाहर जाने वाली चीज हमेशा कैरिंग अमाउंट पे बाहर तो चार लाख दस लाख सौ परसेंट का चालीस परसेंट का चार लाख डिफरेंस आएगा आपके पी एंड एल के अंदर ये रियलाइज प्रॉफिट है तो एस एफ एस का अकाउंटिंग पूरा अलग है तुमको चाहिए तो दिखा देता हूं मैं इधर दिखा रखा है मैंने इधर देख लो किधर गया किधर गया किधर गया ये रहा ये रहा देखो ये मेरा सी एफ एस है ये मेरा एस एफ एस है पूरा अकाउंटिंग खत्म हो जाता है भाई क्लियर तुमको समझ रहे है? इजी क्वेश्चन इजी है अब ऐसे इजी से घर पे दूंगा करने को ठीक है चलो तो तुम फिफ्टी घर पे कर सकते हो टाइम पास है फिफ्टी कर लेना घर पे फिफ्टी वन जरूरत नहीं फिफ्टी टू हम कर चुके 53, ओहो, मेरा फेवरेट है ये ये मेरा फेवरेट है क्या सुनना इसमें इन मार्च ग्रुप हैड सब्सिडरी है कैपिटल ऑफ फिफ्टी थाउजेंड बराबर तो सब्सिडरी का कैपिटल वॉस फिफ्टी थाउजेंड उसमें सिक्सटी परसेंट था पेरेंट के पास मतलब पेरेंट के पास था थर्टी थाउजेंड शेयर्स तो एनसीआई के पास कितना होगा फोर्टी परसेंट था सर ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है अब हुआ क्या कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्वेंटी थाउजेंड यूजिंग पार्सल गुडविल मेथड हिंट है अगर गुडविल है तो एनसीआई पी एस एन ए पे होगा ठीक माइनॉरिटी माइनॉरिटी मतलब एनसीआई एक्सरसाइज द ऑप्शन टू सब्सक्राइब फॉर अ फर्दर ट्वेंटी एनसीआई को ट्वेंटी शेयर एक्स्ट्रा मिल गए तो क्या मैंने कुछ बेचा नहीं सब्सिडी ने नया इशू किया एनसीए के पास चला गया तो एनसीआई का हो गया ट्वेंटी फोर्टी फाइव थाउजेंड मैं रहूंगा थर्टी पे टोटल हो गया अब अगर आप स्टेक स्टेक निकालोगे तो मेरा हो जाएगा सेनसीआई का हो जाएगा सिक्सटी परसेंट मतलब क्या मैंने कुछ बेचा नहीं मेरे बिना बेचे ही मेरा स्टेक चला गया मेरा कंट्रोल चला गया इसको बोलते हैं लॉस ऑफ कंट्रोल विदाउट एनी डिस्पोजल आपने कुछ नहीं बेचा

और हर एक शेयर की वैल्यू दे रखी है आज की बारह रुपया तो हम अजम ले सकते हैं ये हमारे शेयर की वैल्यू भी यही होगी तो थ्री पॉइंट सिक्स सबको समझा गया कैसे किया डिफरेंस पीएनएल जहां भी जाएगा डाल देना पीएनएल देखो मस्त लिखा लिखा के रिवाइज करा रहा ताकि दिक्कत ना हो तुम लोग को क्लियर है एकदम क्लियर है सर आगे बढ़ो सर 54 ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इधर आओ क्या बोलता हैं सुनना पेरेंट ने एट्टी परसेंट एट्टी परसेंट परचेज़ किया ठीक है अरे ये टाइम पास है ये किया हुआ है अपन ने टाइम पास है अरे वही है यार एट्टी परसेंट खरीदा है अच्छा ये तो सिंपल है रहा यार खरी देता हूँ इधर आ जाओ वन लैख सिक्सटी का सब्सिडी था बराबर तभी वन लाख सेवेंटी फाइव में खरीदा अपन ने गुडविल वगैरह है ट्वेंटी का पार्सल गुडविल मतलब एन सी वापस से पी एस एन ए पे होगा पेरेंट्स होल्ड इन द इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एट फॉर टू लैक्स सब बेच दिया इसने ठीक है बुक वैल्यू ऑफ सब्सडीज नेट असेट वॉस नॉट इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड तो गुडविल इंपेयर हो गया था एक्चुअली बीच में तो गुडविल बारह का बचा है ठीक है अब कैसे करेंगे सर तो इसमें भी एंट्री मारना कंट्रोल चला गया सब बाहर कर देना सबसे पहले आई एन ए भार डेबिट उसके अलावा और क्या आएगा आपका गुडविल रहेगा गुडविल भार आई एन ए दे रखा है टू पॉइंट टू फाइव लैक्स गुडविल दे रखा है कैसे निकालेंगे वापस एनसीआई पी एस एन ए तो आई ए का प्रोपोशन ले लेना तो टू पॉइंट टू फाइव लैक का ट्वेंटी रहेगा आपका आएगा. अब इसमें है? का आईने भी दे रखा था तो कुछ लोग ये डे डे की तरह आईने से मल्टीप्लाई करते हैं ए जिस दिन एनसीआई हो रहा है उस दिन का आईने देखना आज आईने 2.25 है इसका 20 परसेंट लेना आप बराबर बेच के जो पैसा आया बेच के कितना पैसा आया भाई दो लाख आया डेबिट क्या इन्वेस्टमेंट रिटर्न कुछ किया है नहीं कुछ नहीं बचा सब बेच दिया सब बेच दिया अपन ने तो डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस देखो एंट्री ऐसी होती है पहले सब बाहर आई एन एन सी आर गुडवेल जी पी बाहर उसके बाहर पैसा रिकॉर्ड फिर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड डिफरेंस पी एन एल याद रख लो ये प्रोसीजर ठीक है इतने बार रिपीट किया याद कर लो उसको हो गया फिफ्टी फाइव ये भी अच्छा क्वेश्चन है सुन लो क्या बोलता है हमने परचेज किया हंड्रेड परसेंट फॉर फिफ्टी लैक्स ठीक है फिर बेच दिया सिक्सटी परसेंट तो हमारे पास फोर्टी परसेंट बचा है कंट्रोल है नहीं सर चला गया कंट्रोल सर एंट्री क्या पास करेंगे इधर आओ पहले एंट्री पास करने का फिर अमाउंट देखने का देखो एंट्री पास करो फिर करना है फिलंडर ब्लैंक्स कंट्रोल चला गया ना आयने भार गुडविल भार एनसीए भार हो गया बेचा पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट बचा इन्वेस्टमेंट आएगा डिफरेंस पीएनएल अच्छा अब देखो आयने का वैल्यू कितना अपने को बोला है 60% बेचा 67.5 है तो बैंक 67.5 उसके बाद एक्सक्लूडिंग तो गुडविल कितना था? था 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 तो कुछ नहीं मेरा ही स्टेक हंड्रेड परसेंट था तो एनसीआई वो जीरो परसेंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न का वैल्यू दे रखा है कि आपने जो किया है उसका वैल्यू फोर्टी फाइव लैक्स तो ये फोर्टी फाइव लैक्स मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट लॉस का अमाउंट आना चाहिए सिक्सटी सेवन पॉइंट प्लस नाइन आपको मिलेगा ट्वेंटी सी एफ एस का गेन हो गया आपका ये खत्म हो गया ये वाला पार्ट बट इसमें एस एफ एस का गेन भी पूछा है इसमें बोला ये बताओ एस एफ एस में गेन कितना तो सिंपल आप पहले देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या थी सौ परसेंट खरीदा था पचास लाख में एंट्री क्या मारूंगा कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट बट सिक्स परसेंट ही बेचा भाई लोग सौ परसेंट का पचास लाख था तो लाख का और यह बेचा में तो प्रॉफिट हो जाएगा फाइव लैक्स डैशिंग टू दस नो खत्म हो गया ये राइडिंग ऑल द वे आगे फिफ्टी सिक्स नाव यू कैन डू डायरेक्टली एट एट इन इन होम होमवर्क उसके बाद ये जो नीचे के दो तीन क्वेश्चन है फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन ये मैं आपको कराऊंगा लास्ट में वो एक एग्जामिशन वाला पार्ट है उसके बाद नहीं कराया तो भी सिंपल है कर सकते हो तुम लोग उसको वैसे भी बट मैं करा दूंगा अच्छा इसमें क्वेश्चन टू ये इंडेस ट्वेंटी एट के बात करना डू दिस इंडेस ट्वेंटी एट ठीक है चलो उसके बाद हम सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर वो सब तो कर चुके हम लोग कुछ बचा नहीं है इसके अंदर अब नीचे आएगा अपना सिक्सटी एट वाला क्वेश्चन सिक्सटी एट यू कैन डू सेल्फ सिंपल है इससे बेटर क्वेश्चन कराता हूँ सिक्सटी नाइन सुना क्या है अपने पास थी होली ओन सब्सिडरीज उसमें से एक सब्सिडी थी रिलायंस जियो तो मैं हूँ रिलायंस लिमिटेड मेरा सब्सिडी रिलायंस जियो और मेरे पास नंबर ऑफ होली ओन थी मतलब बहुत सारी सब्सिडरी है और सारी हंड्रेड परसेंट सब्सिडी है ओन मतलब हंड्रेड परसेंट एनसीआई कुछ नहीं है मतलब अब हमने किया गया कि हमने बेच दिया कितना बेचा नीचा क्या बताया नाइन्टी परसेंट बेच दिया तो टेन परसेंट बचा है अपने पास अब इसमें खास बात पता है क्या है सी एफ एस में जो सब्सिडी को बेचा है उसका कितना कितना अमाउंट है वो बता रखा है कि जैसे वन इंडिया गुडविल है तो उसमें से नाइनटी इस सब्सिडी का है बराबर तो ये क्यों काम आएगा अपने को जब सब्सिडी से कंट्रोल जाएगा तो ये सब भार करना पड़ेगा ना यार तो भार करेंगे तो अगेन पहले अब इसमें क्या बोला है डिस्पोजल के बाद की बैलेंस शीट चाहिए डिस्पोजल के बाद की बैलेंस शीट चाहिए कैसे बनाएंगे सर पहले एंट्री मारना ठीक है क्या एंट्री मारोगे सब भार आई भार गुडविल भार फिर एनसीआई भार वैसे है नहीं एनसीआई इसमें कोई दिक्कत नहीं बैंक डेबिट इन्वेस्टमेंट रिटेन भी किया हुआ है डेबिट डिफेंस पी एन एल आईने कितना रहेगा तो फोर फिफ्टी लाइबिलिटी है असेट जब लोगे तो गुडविल मत लेना गुडविल अपन अलग से बाहर कर रहे हैं ना तो ये रहे आपके असेट्स ये रहे आपकी लाइबिलिटी करो सिक्स सेवेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस फोर फिफ्टी प्लस फाइव हंड्रेड माइनस फोर फिफ्टी तो आपका ये आईने हो गया

सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट है ये क्या सब्सिडी की फेयर वैल्यू है आपके पास हाँ किसी भी कंपनी का फेयर वैल्यू क्या होता है उसका आई एन ए और गुडविल तो इसका टेन परसेंट ले लो आप तो वन वन नाइन जीरो प्लस नाइन्टी इंटू टेन परसेंट दैट इज वन ट्वेंटी एट ये आपका आ गया इन्वेस्टमेंट रिटर्न का वैल्यू वन ट्वेंटी एट इस तरीके से निकाला है देखो जो मेथड पहले बताया वो गलत नहीं है बनी तुम गलत नहीं हो लेकिन तुम अलग हो और आई सी आई को अलग नहीं जमता है तो याद रख लेना भाई है अब करना क्या है बस इसी का इम्पैक्ट आपके सी एफ एस में आपको लेना है बराबर डिफरेंस आएगा द वे डिफरेंस विल बी अ लॉस लॉस आ रहा है इधर का ये पूरे इंट्री का आपको इम्पैक्ट लेना है ठीक है तो कैसे इंपैक्ट लोगे देखो पहले सारे असेट वगैरह सब बाहर कर देना ठीक है उसके बाद पैसा आया ना बैंक में तो कैश बढ़ेगा हजार रुपए से उसके बाद इन्वेस्टमेंट में दिखेगा आपका इधर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा वन ट्वेंटी एट का आई ने बाहर कर दिया ये बाहर कर दिया लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा अधर इक्विटी गिरेगा वन फिफ्टी टू से ऐसा तो पहले एंट्री मानना इज द क्रूशल पार्ट बैलेंस शीट आप बना लोगे बैलेंस शीट में आपको दिक्कत नहीं आएगी वो मेरी गारंटी है तुम समझ रहे हो क्या ठीक है तो पहले मैंने इसलिए एंट्री मारी होगी भाई सिक्सटी नाइन वाला ये रहा आप चाहो तो देख सकते हो भाई सिंपल है कुछ है नहीं इसके अंदर क्लियर बंद हो गया भाई ये भी थक गया ये भी बंद हो गया लेकिन हम नहीं बंद हो गए सर हम तो कंप्लीट करके जाएंगे आज पूरा पूरा नो no छुट्टी बिफोर कंप्लीटिंग ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही बाकी है हल्का आप दस पंद्रह मिनट दोगे ना खत्म कर दूंगा भी पूरा का पूरा लेकिन मुझे क्या भगाना नहीं है कैसा आपने इतना अच्छे से पढ़ा है पूरा तो अच्छे से पढ़ना है मेरे को ठीक है इधर आ जाओ और कौन सा क्वेश्चन बचा है एक और क्वेश्चन बचा है गाइस मेरा प्यारा प्यारा मीठा मीठा क्वेश्चन बचा है इधर आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर सेवेंटी क्या है सुनना एक है एटल टेलीकॉम एक है एटल इंफ्रा पेरेंट टेलीकॉम है इंफ्रा सब्सिडरी है ठीक है अब इनके आपस के बीच में सेल परचेज हुआ है। है तो ना मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा आपको समरी देता हूं, इधर रहूं। इधर पहले पहले क्या हुआ है? पहले ने खुद खरीदा, खरीदा में, में इतने में खरीदा, ये लाइफ ये खुद खरीद के एक साल किया। फिर एक साल यूज करने के बाद उसने पेरेंट को बेच दिया मांगी सब्सिडी का पहले हम सब्सिडी की बात करते हैं खरीदने की एंट्री बिल्डिंग असट टू पीपी असट टू कैश बैंक बराबर एक साल खुद यूज किया तो डेप्रीसिएशन टू पीपी तो वो एंट्री मारा वॉट विल बी डेप्रीसिएशन जो कॉस्ट है वो माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स तो आएगा डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट दस लाख का बचेगा अभी आपका अब आपने बेच दिया तो बेचने की एंट्री मारो ये एस एफ एस में हो रहा है सब तो बेचोगे तो पैसा आया एलेवन लैक्स बिल्डिंग कैरिंग अमाउंट पर बाहर जाएगा डिफरेंस पी एन एल

थ्री पॉइंट फाइव लैक्स डिड बाई टीस ठीक है तो कितना आ जाएगा आपका जो भी आएगा वो आपको तो थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड ये तो हो गया इसमें अपन ये क्वेश्चन क्वेश्चन इसके लिए नहीं आए थे इस में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या जब आप सी एफ एस में आओगे तो दो चीज करनी है पहला ये जो आपस में तुमने खेला खुद ही क्या प्रॉफिट कमाया है सी एफ एस में एलिमिनेट एंट्री करेगी कंसो पी एन एल टू बिल्डिंग प्रॉफिट एलिमिनेट इसका मतलब सी एफ एस में एक लाख से इन्वेंट्री की वैल्यू गिर गई पहली बात अगर सी एफ एस सॉरी पीपी की वैल्यू गिर गई अगर सी एफ एस में पीपी -पी की वैल्यू गिर गई तो डेप्रीसिएशन भी रिड्यूस्ड वैल्यू पे आना चाहिए था ना बराबर डेप्रीसिएशन भी रिड्यूस्ड वैल्यू आना चाहिए था तो आपका डेप्रीसिएशन टेन लैक्स पे आना चाहिए था सी एफ एस के अंदर जबकि आपने ऑलरेडी एस एफ एस में 11 लाख पे चार्ज कर रखा है इसका मतलब जब वापस से जब आप सी एफ एस में यू आर पी निकालते हो तो सी एफ एस में वैल्यू गिरती है जब सी एफ एस में वैल्यू गिरेगी तो डिप्रिसिएशन सी एफ एस में रिड्यूस्ड वैल्यू पे आना चाहिए मतलब थर्टी टू फाइव हंड्रेड शुड बी द डिप्रीसी बट वॉट यू हैव एक्चुअली चार्ज इन एस एफ एस इज थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड तो सर थर्टी टू फाइव हंड्रेड को चार्ज करना पड़ेगा क्या नहीं जो चीज एस एफ एस में हो चुकी है वो सी एफ एस में अपना आप आ जाती है मुझे बस जो एक्स्ट्रा चार्ज किया ना आपने वो रिवर्स करना पड़ेगा सी एफ एस में तो जब पांच हजार रुपया चार्ज एक्स्ट्रा हो गया बिकॉज ऑफ एस एफ एस वो सी एफ एस में रिवर्स करोगे तो डेप्रीसीन रिवर्स करने की एंट्री क्या उल्टी होती है पीपी टू -पी तो ये रिवर्सल की एंट्री है ध्यान रखना ये पार्ट इंपॉर्टेंट है एक यूआरपी लिमिनेट किया पीपी -पी पे जब पीपी पे, पे प्रॉफिट निकालोगे वैल्यू गिरेगी डिप्रीशन कम होगा तो वो भी रिवर्स करना पड़ेगा आपको क्लियर इसी से लिंक एक और क्वेश्चन था फोर्टी टू जो मैंने बोला बाद में कराऊंगा ठीक है अब वो क्वेश्चन आ गया सुन लो मेरी बात नंबर टू इस अब इसमें दिक्कत पता है क्या आती है लिमिटेड विच इज इन दिवॉल्व इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कैपिटल इक्विपमेंट तो एक कंपनी के लिए वो इन्वेंट्री है और एक कंपनी के लिए पीपीई है तो यहां ऐसा कुछ हुआ है अ पेरेंट सोल्ड कैपिटल इक्विपमेंट टू सब्सिडरी तो पेरेंट के लिए वो इन्वेंट्री है लेकिन सब्सिडी के लिए वो पीपी है ये दिक्कत है तो नॉर्मली हम जब एलिमिनेट करते हैं तो एंट्री कहा मारते हैं सुनना कॉस्ट हंड्रेड सेलिंग प्राइस वन ट्वेंटी एज पर आईसीआई एंट्री कुछ ऐसे बनती है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू वन ट्वेंटी टू कंसोलिडेटेड सीओ जी एस हंड्रेड अब या तो पीपी बोल दो या फिर इन्वेंट्री बोल दो ट्वेंटी बराबर अब क्योंकि ये एक कंपनी के लिए पीपी -पी है तो उस कंपनी ने इस पर डिप्रीशियन भी चार्ज किया रहेगा तो जब पीपी -पी का वैल्यू ट्वेंटी से गिरा तो डेप्रिसिएशन भी प्रोपोर्शनेटली गिरना चाहिए आपका उतना डेप्रिसिएशन भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा तुम समझ रहे हो तो कितना रिवर्स करेंगे लाइफ इज टेन ईयर्स तो जितना प्रॉफिट एलिमेंट आप निकालोगे उतना डेप्रिसिएशन भी रिवर्स करोगे ज द एंट्री फॉर रिवर्सलिएशन इट इजी टू डेप्रीसिएट इज सेवेंटी वैसा ही एस में बस फर्क इतना यहाँ एक कंपनी का वो इन्वेंट्री था तो मैंने थोड़ी ऐसे ग्रॉस में एंट्री मारी कंसोल रेवेन्यू कंसो सीओजीएस टू पीपीए इन्वेंट्री अब क्योंकि पीपी का वैल्यू किधर तो गिरा है सी एफ एस में किसी का तो गिरा है ना पीपी का वैल्यू तो भी रिवर्स होएगा तो अब इन्होंने क्या किया कंबाइन एंट्री मारा कंबाइन एंट्री कैसे मारा? कंसोर रेवेन्यू वन ट्वेंटी रखा। कंसोर रखा। पी -पी देखो, एक तरफ ट्वेंटी क्रेडिट एक तरफ टू डेबिट तो अठारह क्रेडिट किया और दो का डेप्रीशन किया क्रेडिट अब देख लो इधर एंट्री कंसो रेवेन्यू कंसो सेल्स पीपी -पी एटीन और डेप्रीशियन रिवर्सल टू ये मैंने यहां दे रखा है आपको खतम एक सेकेंड एक सेकेंड रुको 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 खत्म हो गया बट एक बार चार्ट में आ रहा हूं क्या क्या हुआ है पहले ये देख लो प्रोसीजर डन ये डन ये डन ये डन गुडविल इंपेयरमेंट डन ये डन ये डन और चेन होल्डिंग डन बचा है ना बीच के पॉइंट्स दस मिनट दो पूरा रिवाइज कराता दस मिनट दो मेरे मिन को पूरा रिवाइज कराता हूँ सुनना सबसे पहले दस मिनट अंदर पूरा रिवाइज कराऊंगा ठीक है क्योंकि क्या है? तुम करोगे तुमको टाइम लगेगा मैं कराऊंगा जल्दी होएगा ठीक है इसलिए हाँ, ये देखो सबसे पहला एक क्वेश्चन है on जिसमें पता है क्या पढ़ते हैं अपन इधर देखो तुमको दिखाता किताब के अंदर एक कंसेप्ट है लॉस ऑफ कंट्रोल इन टू और मोर अरेंजमेंट्स कभी कभी क्या होता है मैंने सब्सिडी में स्टेक बेचा अभी टेन परसेंट बेचा और पंद्रह बीस दिन बाद और फोर्टी परसेंट बेच दिया तो वो बोलता है जब आप छोटे स्पैन में मल्टीपल स्टेक सेल कर रहे हो तो उसको अलग अलग अकाउंटिंग एंट्री नहीं एक सिंगल अकाउंटिंग एंट्री ट्रीट करना बराबर फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन नंबर फिफ्टी सेवन है आपके पास ये देखना आप एम सी के लिए काम आ सकता है इसलिए बता रहा हो और कुछ नहीं और कोई रिलिवेंस नहीं, नहीं इसका है इसका ज्यादा ठीक है फॉर एग्जाम्पल देखो अपने पास एट्टी परसेंट था ठीक है अब मैंने ट्रांजेक्शन वन में ट्वेंटी फाइव परसेंट बेचा टू लैख फिफ्टी और टू में फिफ्टी फाइव परसेंट बेचा अब वो बोलता है, है, है था था आप इसको सिंगल मान लो तो वो नीचे खुद ही बोलता है कि देव टू अकाउंटेड एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन तो मेनली आपका जब दोनों को सेम मानोगे सिंगल ट्रांजेक्शन मानोगे तो फिर इस केस में आपका पूरा पूरा कंट्रोल चला जाएगा तो आप वो डिस्पोजल विध लॉस ऑफ कंट्रोल की एंट्री मार दोगे जो कि ये एंट्री आपकी ये देखो ये कि आपने बेचा मान लो ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फाइव नहीं आपने एट्टी परसेंट बेच दिया ठीक है तो टू आई एन ए भार टू तो गुडविल भार जो भी रहेगा और इन्वेस्टमेंट कुछ बचा रहेगा तो वो रिकॉर्ड एन से आई भार ऐसा तो इन शॉर्ट इट विल टू तो डिस्पोजल दिस, विद लॉस ऑफ कंट्रोल बस फर्क इतना है मैंने दो को एक सिंगल ट्रांजेक्शन माना क्यों क्योंकि वो बेचने का स्पैन बहुत छोटा था इसलिए ये पहला पॉइंट था ठीक है जो आपने डिस्कस किया लॉस ऑफ कंट्रोल इन अब्सिडरी उसके बाद सब्सिडरी इज क्यूमलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्लासिफाइड एज इक्विटी एंड हेल्ड बाय एनसीए सर इसका मतलब क्या है कुछ नहीं अगर आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है और आपकी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स भी है तो पहले आप इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना ठीक है सपोज सौ रुपए का नेट प्रॉफिट था दस रुपए का डिविडेंड है अब जो बचा हुआ नाइनटी है ये मानेंगे पोस्ट का प्रॉफिट और ये बटेगा पेरेंट एनसीआई के अंदर बस ये इतना मतलब है इसका सेम एग्जाम्पल यहां दे रखा है समझा सिंपल उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन ये आप ऑलरेडी कर चुके सेल्स परचेज एलिमिनेट करना बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेपर एलिमिनेट करना आपस के डिबेंसर एलिमिनेट करना यू आर पे एमिनेट करना कर चुके ना ये सब हो गया यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज अब इसमें क्या बोलता है सुनना एम सी के लिए काम का ये भी चीज़ जब सपोज आप सी एफ एस बना रहे हो और अगर पेरेंट और सब्सिडरी ने किसी ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग पॉलिसी फॉलो करके कर रखी है एग्जाम्पल के तौर पर सपोज इन्वेंट्री है पेरेंट के पास पेरेंट अपनी इन्वेंट्री को फीफो पर रखता है बट सब्सिडी अपनी इन्वेंट्री को रखता है वेटेड एवरेज पे तो अब सी एफ एस में क्या करना है आपको सी एफ एस में वो फॉलो करना इन शॉर्ट अगर फॉलो कर रहा है तो सीएफएस में आप फीफो फॉलो करोगे इक्टिव की सब्सिडी एस एफ एस में क्या कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता बट इसका एक एक्सेप्शन भी है अगर दोनों की इन्वेंट्री अलग नेचर की है मान लो दोनों की इन्वेंट्री सेम थी इसके पास भी कार्स इसके पास भी कार्स तो सेम इन्वेंट्री सेम मेथड इन सीएफएस बट अगर मान लो पेरेंट की इन्वेंट्री है गाड़ी सब्सिडी की इन्वेंट्री में ऑयल है तो डिफरेंट नेचर की इन्वेंट्री में सीएफएस में डिफरेंट मेथड चलता है तो इन सी एफ एस डिफरेंट मेथड आर अलाउड इन सी एफ एस एज इन्वेंट्री इज ऑफ डिफरेंट नेचर यह ध्यान रखना उसके अलावा मैं या यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी की बात कर रहा हूँ तो अगर दोनों का डिप्रिसिएशन मेथड अलग अलग है डेप्रीसी पॉलिसी होता है कि एस्टिमेट होता है इट इज एस्टिमेट तो उसको आप येड़े की तरह से मत कर देना बोल देना डिप्रिशिएशन पॉलिसी होता ही नहीं वो एस्टीमेट है वो अलग अलग हो सकता है भाई समझा खत्म करानी उसके बाद अगला पॉइंट कैन एनसीआई भी नेगेटिव यस सर एनसीआई नेगेटिव कब होगा देखो अपना जो तो सब्सिडरी है अगर वो पोस्ट एक्वेशन में लॉसेस करे तो इसके प्रॉफिट में दो लोग का हिस्सा इसके लॉसेस में भी दो लोग का हिस्सा पेरेंट का और पेरेंट और एनसीआई का अब सब्सिडरी इतने लॉस कर बैठा है

अगर दोनों के बीच के डेट का डिफरेंस मतलब सपोज सब्सिडी का कैलेंडर ईयर है थर्टी फर्स्टीन और पेरेंट का है मार्च बराबर तो आप को बोलोगे भाई महीने का आपको डेटा सेंड करना पड़ेगा मतलब अगर रिपोर्टिंग डेट अलग अलग है तो सी एफ एस पेरेंट की डेट का बनेगा और हम सब्सिडी से डेटा मांगेंगे अच्छा बाई वे इन दोनों के रिपोर्टिंग डेट का डिफरेंस तीन महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए दे शुड नॉट बी मोर देन थ्री मंथ्स सर थ्री मंथ से ऊपर है तो अगर सपोज मान लो सब्सिडरी का फाइनेंशियल ईयर थर्टी सितंबर को एंड हो गया था थर्टीन में और पेरेंट का खत्म हो रहा मार्च को तो डिफरेंस इज मोर देन थ्री मंथ्स नहीं चलेगा तो क्या करना पड़ेगा सब्सिडी को बोलेंगे छह महीने का डेटा भेजने से काम नहीं चलेगा पूरा नया फिनेंशियल बना के भेज फॉर द पर्पज ऑफ सी ऐसा ठीक है ध्यान रखना चलो उसके बाद है एक्विजेशन ऑफ कंट्रोल विदाउट कंसिडरेशन इसका मतलब मैंने कुछ भी खरीदा नहीं है बट फिर भी कंट्रोल आ गया सर ऐसे कैसे नॉर्मली यह आता है कंट्रोल बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा बीबी वर्चुअल में स्टेक जीरो परसेंट है बट बीबी वर्चुअल के सारे शेयर होल्डर चाहते हैं कि आकाश कंदोई करे सारे डिसीजन मेकिंग आकाश कंदोई अच्छा आदमी है आज से बीबी वर्चुअल आकाश कंदोई कंट्रोल करेगा जीरो परसेंट वोटिंग पावर है बट डिसीजन मेकिंग पूरी मेरे पास है उसको बोलते हैं कंट्रोल विदाउट कंसिडरेशन कंट्रोल आ गया विदाउट कंसिडरेशन तो क्या करना है आपको सारे छह स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन के बस फर्क इतना है आपका स्टेक जो है वो जीरो परसेंट होगा एनसीआई का स्टेक हंड्रेड परसेंट होगा बट फिर भी आप बनाओगे सी एफ एस तो देखो यहां हमने ऐसा कर रखा है एग्जाम्पल भी ले रखा है देखो मान लो एक पेरेंट है और मुख को सब्सिडी बीबी हो चल है बराबर बट कंट्रोल आया बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा स्टेक जीरो परसेंट एनसीआई हंड्रेड परसेंट तो इसमें देखो छह स्टेप कैसे होंगे सुन लो एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि एके मुकु अलोन, मुकु, इस टेन जीरो, पे, तो सोलूशन में कैसा बनेगा पीसी एनसीआर पर हंड्रेड परसेंट मतलब मेरा स्टेक जीरो गुडवेल जीबी पे निकालोगे तो कुछ नहीं आएगा मतलब सिर्फ नाम का सी एफ एस बनेगा एक जहां मेरा पीसी कुछ नहीं है मेरा स्टेक कुछ नहीं है बट बनाऊंगा मैं सी एफ एस क्यों बनाऊंगा सीएफएस कंट्रोल तो है ना आपके पास कंट्रोल तो है ना आपके पास इसलिए आप बनाओगे सी एफ एस ठीक है चलो उसके बाद चेन होल्डिंग होता है वो अपना ऑलरेडी हो चुका है फिर क्या होता है पी एन एल देखो पी एन एल को लेकर मैंने क्लास में तैयार किया है आपको मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया है बट अब तक ना एग्जाम में आया है आएगा तो इनके पास अभी कोई क्वेश्चन नहीं है इन इंडेस अपने मॉड्यूल आर टी पी वगैरह में तो आपको देखना है तो मैंने करवा रखा है इसको अपने नोट्स के अंदर तो आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा एकदम लास्ट में करवाया था तो वो वो एग्जाम्पल रेफर करना काम बन जाएगा आपका ठीक है अब क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ से एलिमेंट इतना है नहीं तो मैं उसको रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं आ सकता आ सकता है बट अदर क्वेश्चन नहीं रिवाइज करने के लिए तो आप उसको ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने नोट्स में दिया है वो आप देख लेना बस किधर ये ना नोट्स में आपको मिल जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं सर उसके बाद है अपना कंट्रोल इवेलुएशन ये पूरा थियोरी है भाई ठीक है ये वही वाला पार्ट है मैंने कहा था ना समय है तो पढ़ लेना है ना वो तुम्हारी मर्जी है मैंने इसको समराइज करके नोट्स पर डाल रखा है अगर आप मेरे नोट्स डाउनलोड करोगे ना ये बोर्ड नोट्स इसमें मैंने पूरा वो कंट्रोल का थियोरी है ना तीन चार पेज में डाल रखा है मतलब जिसमें से एमसी कुछ बन सकता है या कुछ तो इतना पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा ठीक है अगेन थियरी तो मैं इतना फोकस नहीं है मेरा वो एरिया आगे देखो जिसका अटम बहुत लेट है ना पढ़ लो जिसका अटम नजदीक है अब मैं बोलूंगा नहीं मतलब समझ जाओ तुम लोग आखिरी ये वाला काम का यहाँ एग्जाम फ्रॉम सी एफ एस ये काम का है ये एग्जाम में एफ आर में भी काम आता है ऑडिट में भी काम आता है तो ये कर लो सुन लो इसमें क्या है इधर आओ किसको किसको सी एफ एस एग्जामेशन है ये वैसे आपको पता रहेगा पढ़ा रहेगा ऑडिट वगैरह में तो नहीं पढ़ा तो सुन लो एफ आर में पढ़ा है मैंने आपको ये किसको को है आपको चेन होल्डिंग आता है चेन होल्डिंग ए के का स्टेक साहिल में साहिल का स्टेक अनिकेत में बराबर तो ये जो बीच का पेरेंट है बीच का पेरेंट ये एग्जाम होता है क्यों क्योंकि ए के ऑलरेडी साहिल और अनिकेत दोनों के साथ सी एफ एस बना रहे ना तो साहिल को बनाने की जरूरत नहीं है ये बीच का पेरेंट एग्जाम होता है बट इसमें चार कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी सबसे पहला इट इज अ होली ओन्ड और पार्शली ओन्ड सब्सिडी ऑफ अनदर एंटिटी मतलब यह साहिल खुद किसी का सब्सिडी होना चाहिए जो कि वो है दूसरा वो लिस्टेड नहीं होना चाहिए तीसरा वो लिस्टिंग के प्रोसेस में नहीं होना चाहिए और चौथा इसका जो अल्टीमेट पेरेंट है सी एफ एस बना रहा है जो कि हो रहा है यस yes. तो चार कंडीशन है मीट किया तो इसको सी एफ एस एग्जाम पहला दूसरा इन्वेस्टमेंट एंटिटी अगर आप कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो वेंचर कैपिटल कंपनी हो तो आपको सी एफ एस एग्जाम कंडीशन है कि आपको अगर सी एफ एस एग्जाम है तो आपके एस एफ एस में जितने भी ऐसे इन्वेस्टमेंट पड़े हैं वो आपको एफ वी टी पी एल पर रखने पड़ेंगे ठीक है अब इस बात का दो एक्सेप्शन है मैंने क्या बोला इन्वेस्टमेंट एंटिटी

मोर देन फिफ्टी परसेंट स्टेक होता है तो उस केस में आपको सी एफ एस बनाना पड़ेगा पहला दूसरा अगर सपोज लिमिटेड है है ये लीगल है कंपनी कंपनी लीगल इसका स्टेक है इन्वेस्टमेंट एंटीटी में और इन्वेस्टमेंट एंटीटी का चार कंपनी में स्टेक अलग से है तो देखो ये बीच का जो एक है ये तो एग्जेप्ट है क्योंकि और ये बीच वाला पेरेंट भी है तो ये एग्जेमट है

सबको समझा अच्छा ये जो मैंने आपको बताया ना इन्वेस्टमेंट एंटिटी को एग्जामिशन है तो इसके ऊपर दो क्वेश्चन भी है यहां देख लो प्लीज क्या हेडिंग है एन एन एंटिटी एंटिटी सीजेस टू बी इन्वेस्टमेंट देखो पहले जब आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी थे तो आप मस्त चिल में थे चिल में थे मतलब यू आर नॉट फॉलोइंग सी एफ एस नाउ यू सीज टू बी इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो आपको सी एफ एस फॉलो करना पड़ेगा आपको छह स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और आपको टेक ओवर की एंट्री मारनी पड़ेगी एंट्री क्या आएगी सुन लेना आपकी छह स्टेप फॉलो करोगे आप बोलोगे पीसी प्लस एनसीआई माइनस आई ने गुडविल वगैरह निकालना पड़ेगा दैट मीन्स यू विल बी नाउ ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल कंपनी एंड वी विल आस्क यू टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स बट द प्रॉब्लम इज आपने कुछ खरीदा नहीं होता इस केस में आप ऑटोमेटिकली सीज कर गए बिकॉज आप म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं रहे तो उस केस में आपका पीसी क्या रहेगा तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट जिस वैल्यू पे दिख रहा है उसको डीम्ड पीसी मान लिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ो आप अपने पास स्टेक था ट्वेंटी परसेंट एनसीआई रहेगा और हमारा इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे था वो चार लाख पे था एनसीआई का वैल्यू एक लाख दे रखा है आई एन ए का वैल्यू फोर पॉइंट फाइव दे रखा है ध्यान रखना अगर आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं रहे तो फिर आपको छह स्टेप फॉलो करना पड़ेगा तो आप क्या बोलोगे पीसी पीसी मतलब आपके फेयर वैल्यू को डीम्ड पी सी मान लेंगे जो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है चार लाख प्लस एनसीआई एक लाख माइनस आई एन ए फोर पॉइंट फाइव लैक्स तो आपको गुडविल मिलेगा पचास हजार रुपए का तो ये क्वेश्चन है बराबर दूसरा एक अच्छा क्वेश्चन है एन एंटिटी बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी मतलब पहले आप नॉर्मल कंपनी थे तो आप बना रहे थे सी एफ एस अब आप बन गए इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो आप अभी हो गए एग्जेप्ट तो उस केस में आप सी एफ एस बनाना बंद बन कर दोगे इट इज एज गुड एज लॉस ऑफ कंट्रोल इट इज एज एज गुड लॉस ऑफ कंट्रोल तो देखो इधर क्या करना है 59 के अंदर पहले आप सी एफ एस बना रहे थे अभी आप बनाना बंद कर दोगे तो इट इज डीम्ड डिस्पोजल विद लॉस ऑफ कंट्रोल एज नो सी एफ एस रिक्वायर्ड तो आप पहले एंट्री एंट्री मारने का क्या सब भार करने का आई एन ए भार गुड्डू भार एनसीआई भार पैसा रिकॉर्ड बेचा तो है नहीं तो पैसा नहीं होगा स्टेक जीरो पसंद था तो ये कुछ नहीं आएगा आयने पूरे भार गुडुल पूरा भार

पास्ट एग्जाम मे ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अब भी मैंने रिसेंटली इसका डाला है वीडियो पूरा डिटेल में सॉल्व किया है इसको ये क्वेश्चन आप कब करोगे जब आपका वन वन जीरो और ट्वेंटी एट दोनों हो चुका रहे जब ये दोनों हो चुका रहेगा तो आप इसको सॉल्व करोगे इन फ्यूचर जब मैं इंडेस्ट ट्वेंटी एट का डालूंगा रिविजन मे बी तब मैं इसको रिवाइज करा दूंगा बट स्टिल डोंट वरी इसका पूरा क्वेश्चन फ्री में, में मेरे यूट्यूब पर है सिर्फ डाल देना कंसोलिडेशन मे ट्वेंटी फोर क्वेश्चन तो आ जाएगा ठीक है मस्त डिटेल में डिस्कस किया हुआ इसको मैंने तो वो कर लोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा ठीक है तो मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा है बाइदा वैसे के नीचे तो टेंशन नहीं आपको और टेंशन मतलब रिवाइज कराने की बारी आएगी तो वो सोल्यूशन देखोगे तो समझ जाएगा बहुत ईजी है अभी क्योंकि ट्वेंटी आपको नहीं आता रहेगा तो मैं करा नहीं रहा हूं कराना होगा तो मे भी मैं ट्वेंटी में करवा दूंगा ठीक है बट डिटेल मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं तो मेरे पीछे मत पड़ जाना प्लीज ठीक है चलो क्या हो गया क्या हो गया ख़त्म हो गया अब तुमको पता है मैंने सी एफ एस का रिविज़न पहले भी ले रखा है वन पॉइंट फाइव आवर्स का रिविज़न था वो ये इतना तो इसमें टाइम क्यों लगा सर इतना स्लो गया हूँ मैं वो रिविज़न क्विक था ये स्लो है डिटेल्ड है इसमें बड़े क्वेश्चन भी डिस्कस्ड है तो इट इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव है ना तो आपको अगर फ्यूचर में क्विकली रिवाइज करना हुआ बड़े क्वेश्चन पे ग्रिप अच्छा है तो वो देख लेना है ना अगर ग्रिप नहीं है लगता है डिटेल में जाना है तो ये देख लेना तो भाई इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता अब तुम्हारी बारी है। अब मेहनत तुमको करनी है देखो मेरे एंड पे मैं पूरी एफर्ट मार रहा हूं बट मेरी एफर्ट का जो फल है वो एस्ट्रैक्ट तुम कर सकते हो अब जिसको इसको यूज करना आता है वो करेगा अब मेरे इतने मेहनत करने के बाद भी तुमसे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू पुट इन ऑल माई एफर्ट्स जितने भी घंटे थे आपने पूरी एनर्जी लगाई अच्छे से किया ऐसा नहीं कि लास्ट में भगा दिया लास्ट में चाह कर भी चाहता तो ब, बोलते था मत करो कर लिया ना आपने वो दो क्वेश्चन भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी वाले मुझे पता है आ सकता है जहां आ सकता है वहाँ काम शुरू नहीं करने का वहां पूरा करने का अच्छे से ठीक है तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल ठीक है अच्छे से यूज़ करना कोई क्वेश्चन में डाउट है आपको नहीं जमा उसको मार्क करो घर पर अच्छे से बार बार उसको रिवाइज करो ठीक है तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल आई होप आप बहुत मेहनत करोगे और मुझे पता आप करोगे मेहनत ठीक है जो इंसान मेहनत करेगा ना वो पास हो जाएगा देखो पंद्रह परसेंट लोग पास होते हैं ठीक है आपको क्या लगता है सौ परसेंट लोग कर रहेगा मेहनत सौ परसेंट लोग मेहनत करने का सोचते हैं रियल में कॉम्पिटिशन में सौ लोग है ही नहीं रियल में है ही पचास चालीस लोग तो जितना वो डिफ़िकल्ट लगता है उतना है नहीं तुमको बस मेहनत करने वाली गेम में बना रहना है जिस दिन तुम मेहनत करने से पीछे अड़ गए उस दिन तुम रोगे वहाँ जाकर चिल्लाओगे मेरा बाकी है मेरा बाकी है कभी कहाँ किधर गाना गाओगे कभी यहाँ गाना गाओगे मेरा बाकी है मेरा बाकी है डिफिकल्ट है उतना अच्छा नहीं पड़ा इतना अच्छा नहीं पड़ा है गाना गाओगे बट ऐसा गाना गाने से तुम पास नहीं होने वाले बट जो इंसान मेहनत करता है ना वो गाना नहीं गाता है वो मेहनत करता है वो पास हो जाता है फिर बाद में आके बोलता है कि सर पास हो गया तुम समझ रहे हो तो कौन सा वाला गाना गाना है वो तुम्हारी मर्जी है पास होने वाला गाना गाना है कि रोने वाला गाना गाना है अपने को पास होने वाला गाना गाना है समझा मैंने क्या बोला तो गाना गाएंगे इसी बात पे क्या बोलेंगे एक के भाई साहब तो करना बढ़िया से मेहनत थैंक यू सो मच बाय बाय एवरीवन टेक केयर सी यू ऑल बाय बाय एंड प्लीज कीप वर्किंग हार्ड ओके बाय थैंक यू सो मच यार थैंक यू सो मच और प्लीज मेहनत करो और अच्छा लास्ट तक देखाना यहाँ तक अगर सुना है पसंद आए तो बता जरूर देना वीडियो कैसा लगा क्योंकि आप बताओगे हेल्पफुल है तो ही लिखना नहीं हेल्पफुल था मत बताना कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हेल्पफुल है बताओगे ना तो आपके बताने से दस लोग को मालूम पड़ेगा कि अच्छा वीडियो है तो वो पहुंचेगा देखो इनका आप कमेंट करोगे लाइक like करोगे तो वो एंगेजमेंट बढ़ेगी तो और लोगों तक पहुंचेगा मेरा मोटिव यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक तो पहुंच सकूं तो अगर आपको अच्छा लगा तो बताना ख़राब लगा तो मत बोलना अच्छा है ठीक है कोई टेंशन नहीं है बिंदास बोलो अच्छा है तो ज़रूर ज़रूर बोल के जाना अच्छा था ठीक है अभी नहीं कमेंट सेक्शन में बाद में ठीक है चलो तो और लाइक वगैरह कर देना सब्सक्राइब कर लेना और बाकी मेहनत करना और सीए बनना मेरे से मिलना है ना चलो थैंक यू सो मच बाबा एवरीवन टेक केयर सी वे बाय बाय थैंक यू सो मच एंड एक